गुड। ओके सो जितने भी हमारे यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, सबसे पहले सेशन में क्लास सभी लोगों का मैं स्वागत करूंगा यहाँ पर। और आप लोगों के यहाँ पर ज्यादा सम्मान है, आप ऊंचे लोगों के वेलकम के लिए मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले ताली बजाना चाहता हूँ। प्लीज फील फ्री टू एंजॉय दिस अप्लॉज। ये अप्लॉज आपके लिए है, मेरी तरफ से है। थैंक यू वेरी मच कि आप सभी लोग अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालकर यहाँ पर हमारी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। आप लोगों को कुछ एक छोटी छोटी बातें हम लोगों ने कही थी, बताई थी, जो आपको फॉलो करनी है, तो वो एक बार वो सारी बातें मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला ये कि आप सभी लोग अपने माइक को म्यूट रखेंगे जब तक कि आपको स्पेशली बोलने के लिए ना कहा जाए। इससे फायदा ये होता है कि मीटिंग के दौरान में जो भी स्पीकर होता है, यानी जो भी बोलने वाला होता है, उसकी आवाज, उसके इंस्ट्रक्शंस, उसकी बातें आप तक अच्छे तरीके से पहुंच पाती है। दूसरी बात, जितने भी लोगों ने अपने सेलफोन्स को इस तरीके से सीधे रखा हुआ है, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने फोन में रोटेशन को ऑन कर लीजिए। ऑटो रोटेशन जिसे कहते हैं, या ऑटो रोटेट भी कहते हैं, वो ऑन करने के बाद आप अपने सेलफोन को इस तरीके से रख लीजिए। इस तरीके से सेलफोन को रखने को हम कहते हैं लैंडस्केप व्यू। लैंडस्केप व्यू में क्या होता है कि आपकी जो वीडियो है हमें प्रॉपर दिखती है। तो ये थी मेरी दूसरी इंस्ट्रक्शन आप सभी लोगों के लिए। तीसरी इंस्ट्रक्शन, आप सभी लोगों से कहा गया था कि आप सभी लोग रेडी रहेंगे। आप अगर घर पर हैं तो अपने साथ में आप लोग कुछ स्नैक्स रेडी रखिए। अगर आपके पास में पानी की बोतल है तो पानी की बोतल आप अपने पास तैयार रखिए, बिकॉज जो सेशन है थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, तो उसके लिए तैयारी पूरी जरूरी है। मैं नहीं चाहूंगा कि आप, जिस तरीके से होता है कि कभी पुलिस है और पुलिस चोर के पीछे बिना तैयारी के निकल जाए, तो मैं चाहूंगा कि आप जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं पूरी तैयारी के साथ इस सेशन में बैठें और पूरे सेशन को अच्छे से एंजॉय करते हुए आप कुछ सीखें जरूर इस सेशन में। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग अपने पास में एक डायरी और एक पेन जरूर रख लीजिए। देखिए, मेरे पास में डायरी भी है और साथ में मेरे पास में एक पेन भी है, तो ये मैंने अपने पास में रेडी पहले से ही रखा हुआ है। इससे फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह है कि मान लीजिए आपको इस पूरी मीटिंग के दौरान ऐसा कुछ सुनने को मिलता है, ऐसा कुछ समझने को मिलता है जो आपके लिए, आपके लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, तो उस चीज को आप अपने साथ में नोट डाउन कर सकते हैं, लिख के रख सकते हैं। लिख के रखने का फायदा ये है कि वो जो इंफॉर्मेशन है आपके पास में थ्रू आउट रहेगी, लंबे समय तक आपके पास इंफॉर्मेशन बनी रहेगी। सो प्लीज कीप अ पेन एंड डायरी विद यू। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कीप वॉटर विद यू। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू टेल योर फैमिली मेंबर्स दैट आई एम ऑन अ मीटिंग फॉर नेक्स्ट 2 to 3 hours। एक बार इस बात को बताना चाहूंगा फिर से कि आपके सभी फैमिली मेंबर्स जो आपके आसपास हैं उनको बता दीजिए कि अगले 2 से 3 घंटे के लिए मैं एक मीटिंग में होने वाला हूँ, तो मुझे छोटे कामों के लिए डिस्टर्ब ना करें। जी हाँ, अगर कोई इमरजेंसी है डेफिनेटली आप उस इमरजेंसी को अटेंड करने के लिए जा सकते हैं। आवर कंपनी इज वेरी फाइन इन दिस रिगार्ड। बहुत ही समझ वाले लोग हैं आपके जितने भी सीनियर्स हैं, वो समझते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी होगी तो आपका वहां पर होना बहुत जरूरी है। साथ ही अगर आप कहीं बाहर हैं, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे रोमा दास जी हैं, तो इनकी वीडियो को अभी मैं स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि इनकी वीडियो बाकी लोगों में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रहेगी क्योंकि ये अभी बाहर हैं। तो जैसे ही रोमा दास जी अपनी जगह पर पहुंचे, वहां पर इनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार अपनी वीडियो को खुद से टर्न ऑन कर लीजिए। तो ये कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए जो भी सेशन को अटेंड कर रहे हैं। बने रहिए इस पूरे सेशन में हमारे साथ में, एंजॉय करने के लिए तैयार रहिए। बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, समझने को भी मिलेगा, और साथ ही साथ आप लोगों का जो एंटरटेनमेंट है वो भी चलता रहेगा। एक बार फिर से दोहरा दूं, जैसे रोहित जी हैं अभी हमारे, रोहित जी और बाकी जो लोग हैं जिन्होंने अपना फोन इस तरीके से पकड़ा हुआ है, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने सेलफोन को इस तरीके से रख दीजिए कहीं पर। इससे क्या होगा कि आपकी पूरी वीडियो हमें दिखेगी। जी हाँ रोहित, रोहित एब्सोल्युटली राइट, यही मैं चाहता था। अच्छा, अभी भी कुछ लोगों का जो फोन है वो म्यूट नहीं है, तो मेरी शिव बरन सर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अपना माइक जो है म्यूट पे कर लीजिए। ए 150 का कॉल आ रही है। रोमा जी प्लीज, आपकी जो वॉइस है अभी भी आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप म्यूट कर दीजिए। रोमा जी यस सर, माइक को म्यूट कर दीजिए प्लीज। देखो
थैंक यू और प्लीज म्यूट योर माइक। राम सिंहासन पाल जी, राम सिंहासन पाल जी आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए। शिव बरन जी अपना माइक म्यूट कर दीजिए। राम सिंहासन पाल जी माइक म्यूट। अच्छा चलिए और अब बढ़ते हैं। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार एंड सभी को आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वेरी वार्म वेलकम। मैं आप सभी को देख के सबसे पहले तो बहुत खुश हूँ। देखिए इस टाइम पे समय निकालना, वैसे बहुत समय है हम सभी के पास, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बट इस टाइम पे भी टाइम निकालना अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज कि हम यहाँ पर आज हैं और इतने सारे लोग यहाँ पर हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये आप लोगों के लिए एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि हम सभी लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ हैं। और पहले हम कोशिश करेंगे कि मैंने सबसे इंटरेक्शन कर लिया था और कुछ लोग रहते हैं यहाँ पर आज, तो अजीत जी बहुत वेलकम है आप सर, आपका यहाँ पर सर अब काफी अच्छा लग रहा है आपको देख के। संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं, संजय जी बहुत 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 स्वागत है सर आपका हमारे साथ। अच्छा लगा कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, बहुत ही हमें एक स्पेशल फीलिंग आ रही है कि हमारे जब लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तो इट्स अगेन अ प्लेजर हमारे साथ आप जुड़े हैं। तो आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि सभी आप अपना माइक म्यूट कर दे ताकि आप मेरी बात को अच्छे से सुन पाए। सो देखिए समय बहुत कठिन है मैं मानता हूँ और काफी चैलेंजिंग है, और ऐसे चैलेंजेस को फेस करना ही शायद लगता है कि ये आजकल का ट्रेंड बन गया है। और कहीं ना कहीं ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो समय है बहुत थोड़ा टाइम लगेगा इसे बीत जाने में, थोड़ा टाइम लगेगा कि हम मतलब इससे उभर पाए, लेकिन ऐसे समय को धीरे 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 संभलते संभलते हम इसको अगर मतलब इसको जल्द धीरे धीरे हम पास करने लग जाए, इस टाइम को धीरे धीरे हम पास करने लग जाए, तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो मैं एक मिनट चाहूंगा कि मैं चाहूंगा संजय जी एक बार अपना माइक म्यूट कर दीजिए सर। शशि जी, शशि खत्री जी प्लीज अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। राम सिंहासन जी प्लीज अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। संतराम जी माइक को म्यूट कर दीजिए। ओके राम सिंहासन पाल जी अभी भी आपका माइक म्यूट नहीं है सर, प्लीज कर दीजिए। थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो रही है तो हम सेशन को शुरू नहीं कर पा रहे हैं। ओके तो हम बात कर रहे थे इस समय की, समय काफी कठिन है और चैलेंजेस ऐसे बढ़ चुके हैं कि मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, काफी ज्यादा कहते हैं ना कि जान मान हानि तो हो ही रही है, साथ ही साथ मतलब एक मोटिवेशन कम हो रही है। हम हर इंसान का प्रोत्साहन जो है वो टूट रहा है, उस इस समय के अंदर अपने प्रोत्साहन को हम कैसे बढ़ाएं, इसके लिए हम आज यहाँ पर हैं। हर इंसान अपने आप में 10 चीजें सोच रहा है, हर इंसान अपने आप में डगमगा रहा है, हर इंसान अपने आप में ये सोच रहा है कि हम किस तरीके से उभरे इस समय से। ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा समझदार हैं, जिनको पता है कि हमें इस समय में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आई हो, इस समय में हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उभरना है और हम जानते हैं हम उभर जाएंगे। लेकिन वो शख्स जो उभर नहीं पा रहे हैं, वो शख्स जिनके साथ थोड़ी सी अनहोनी हो चुकी है या वो शख्स जिनके साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना घट गई है, उनके लिए हम यहाँ पर हैं और ना केवल उन्हीं के लिए, सभी के लिए हम यहाँ पर है। बट मैं यही चाहूंगा कि आज का जो सेशन है हम इसे बहुत अच्छे से समझें और बहुत अच्छे से इसमें आगे बढ़ें और अपने आप को 100% दें। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपनी को दे दिया, ऐसा नहीं सिर्फ क्या नाम घर वालों को दे दिया, अपने आप को भी 100% दें। अगर आज आप अपने आप को 100% देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जिस भी मुकाम पे आज आप हैं उससे दुगना ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चीज को। गौरव मैं चाहूंगा कि अगर आप छोटे से आइस ब्रेकर से शुरू करें
हम कोशिश करेंगे इस आइस ब्रेकर में विदाउट अनम्यूट करे हुए माइक को हम सबसे छोटी मोटी एक्टिविटी कराएं। जी बिल्कुल। तो नितेश, जैसा कि आपने बताया बहुत अच्छे तरीके से आपने इस सेशन की शुरुआत की और आपने जितने भी हमारे यहाँ पर अभी मेंबर्स जुड़े हुए हैं उनसे एक पर्सनल लेवल पर एक बड़ा एक अच्छा सा कनेक्शन आपने बनाकर यहाँ पर रखा। एक छोटी सी बात में यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि आप सभी लोगों का यहाँ पर आना काबिले तारीफ है, आप सभी लोगों का सारे सारे रूल्स को फॉलो करना भी काबिले तारीफ है। इसी तरीके से सारे रूल्स को फॉलो करते रहिए, प्लीज कीप ऑन फॉलोइंग ऑल द रूल्स थ्रू आउट दिस सेशन। दिस वुड हेल्प अस इन गिविंग अ मीनिंगफुल एंड अ वेरी नाइस एंड फर्म सेशन विद लॉट्स ऑफ लर्निंग्स। बहुत सारी अच्छी बातें हम यहाँ पर बताएंगे, बहुत सारी अच्छी बातें आप लोगों से भी सीखने को हमें मिलेंगी। तो इस सीखने के दौर की शुरुआत के लिए तैयार रहिए। एक छोटा सा यहाँ पर आइस ब्रेकर मैं करना चाहता हूँ। आइस ब्रेकर का मतलब क्या है? आइस ब्रेकर वो एक्टिविटीज हैं जिसमें कि हम आपस में एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं। सो उसके लिए प्लीज तैयार रहें आप सभी लोग। एंड फॉर दिस ऑल यू हैव टू डू इज अ वेरी सिंपल थिंग। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं आपको बड़ा छोटा सा काम करना है और एक छोटा सा काम ये है कि आप सभी लोगों को सबसे पहले अपना सीधा हाथ हवा में उठाना है। प्लीज सीधा हाथ अपना हवा में उठा लीजिए सभी लोग, राइट हैंड हवा में उठा लीजिए। इस राइट हैंड को इस तरीके से बाईं तरफ लेकर जाइए। प्लीज टेक योर राइट हैंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड, नाउ ब्रिंग इट टू द अदर साइड, दूसरी तरफ लेकर जाइए। नाउ प्लीज कीप ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को रिपीट करते रहिए थोड़ी देर तक। मैं आपको बता दूं इस तरीके से आप अपने स्क्रीन, अपने लैपटॉप और अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को साफ कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा प्यारा तरीका है। बस एक सोशल मैसेज भी है, एक स्पेशल मैसेज भी है नितेश, क्योंकि जब आपके घर पे बहुत सारी चीजें हैं उन चीजों को भी आप साफ कर सकते हैं। चलिए मजाक की बातें अलग रही, मैं यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं भाई उनसे कहना चाहूंगा कि आप अपने जो यहाँ पर एक माइक्रोफोन का बटन देख रहे हैं, म्यूट का बटन देख रहे हैं, उसको छेड़िए मत। म्यूट वाला काम मैं कर लूंगा, जब आपको बोलना होगा तब आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। तो प्लीज उस माइक्रोफोन को अभी मत छेड़िए। ऑल ऑफ यू प्लीज डू नॉट टच द माइक्रोफोन। स्वागत करता हूँ यहाँ पर। मेरा नाम है गौरव शर्मा एंड आई एम हियर ऑन बिहाफ ऑफ टीम वर्क इंडिया और आपकी ऑर्गेनाइजेशन फैक्टोटम के लिए एक सेशन लेकर आए हैं। दिस सेशन इज गोइंग टू बी अ वेरी मीनिंगफुल सेशन और उस मीनिंगफुल सेशन को डिलीवर करने में नितेश मेरी यहाँ पर हेल्प करेंगे। नितेश, एक छोटा सा आइस ब्रेकर था, आइस ब्रेकर के बाद मैं जानकारी यहाँ पर देना चाहूंगा सभी लोगों को, जितने भी लोग मौजूद हैं, कि हमारे बीच में आज एक ऐसे इंसान मौजूद हैं जो नेशनल लेवल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना नाम लेकर जा चुके हैं इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग। मैं बात कर रहा हूँ नितेश शर्मा की। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ नितेश शर्मा का हमारे बीच में स्वागत कीजिए। ऑल ऑफ यू प्लीज वेलकम नितेश शर्मा विद अ राउंड ऑफ अप्लॉज। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। वंडरफुल। एंड आई रिक्वेस्ट नितेश शर्मा टू प्लीज टेक ओवर दिस सेशन एंड टॉक अबाउट द फाइव की पीपल दैट वी हैव। वो पांच ऐसे अहम लोग कौन से हैं जिनसे आप आज बात करने वाले हैं और उनसे बातचीत करके एक अच्छा सा कनेक्शन बनाने वाले हैं। मैं डेफिनेटली उस चीज को और जैसे ही आप इन पांच लोगों के साथ बात करेंगे तो मैं एक बार फिर से चाहूंगा कि सेशन आप दो मिनट के लिए मुझे दें और उसके बाद हम बाकी सेशन के फ्लो में वापस जाएंगे। ठीक है, थैंक यू गौरव। बिट्टू जी, मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए, हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी को अच्छे से सुनाई दे। तो देखिए, लाइफ की बात मैंने आपसे कही, अपनी हेल्थ की बात कही और इन सब चीजों की बात आपसे डिस्कस की। लाइफ हेल्थ सबसे प्रायोरिटी पे है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। रोमा जी, आई रिक्वेस्ट प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए। ओके, सो लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही है कि हम किसी भी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। आप समझिए टेकन फॉर ग्रांटेड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को साधारण तरीके से ना ले, चाहे वो अपनी हेल्थ हो, चाहे वो अपनी लाइफ हो, चाहे वो अपना काम हो, चाहे वो अपनी फैमिली हो, कोई भी चीज हो, हम चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। और आज हम किसी भी चीज को साधारण तरीके से लेने के ऊपर भी बात करेंगे और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। सो हम बात कर रहे थे, हेल्थ की बात हो गई, सेफ्टी की बात हो गई, हमारी हमारी फैमिली की बात हो गई और
कुछ थोड़ी बहुत काम पे भी बात करेंगे, क्योंकि काम पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी एक बहुत अच्छे ऑथर ने कहा है कि जो वर्क होता है, जो काम होता है, वो आपकी पहली पत्नी होती है। ये बहुत, मतलब आपको इंटरनेट पे ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा कि काम जो है वो सबसे पहले होता है इंसान का। अगर आज आज मैं, मतलब आज अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आज मैं काम ना करूँ तो शायद मुझे लगता है कि घर में लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरे पास मुझे पैसा देना चाहिए, घर की देखरेख करनी चाहिए। अगर वो पैसा नहीं है, वो देखरेख नहीं कर पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं घर वालों को नाराजगी होगी उस चीज से। और वो नाराजगी अगर होगी तो फिर उस नाराजगी को दूर कैसे करा जा सकता है? उसको इसी तरीके से करा जा सकता है कि हम अपने काम को बहुत सीरियस लें, अच्छे तरीके से करें, 100% दें। बट आज के टाइम में ना थोड़े से चेंजेस आ गए सर। आज के टाइम में मैं सभी का कन्वर्सेशन में नाम लूंगा एक एक करके, आपको अपने हाथ से या आपको अपनी गर्दन से बता देना कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। तो यासिर जी, आपको पता है कि आज के टाइम में सबसे बड़ा चेंज ये आ गया कि आज काम करने में बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। वो चैलेंजेस क्या हैं? वो चैलेंजेस ये हैं कि वो चैलेंजेस इतने हो गए हैं कि कोविड के चक्कर में, कोविड ये कोरोना वायरस के चक्कर में हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या तो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर कई लोगों की जॉब जा चुकी है, या फिर क्या नाम है, कई लोगों को घर से बाहर निकलने में डर लगता है। आप मान लीजिए कि क्या नाम है, अगर कोई भी काम करने जा रहा हो तो मैं पहले दिमाग में ये सोचता हूँ कि क्या मैं अगर बाहर निकला तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कोरोना ना हो जाए। लगता है ना, आप सभी को ऐसा लगता है? रोहित जी, अशोक जी, आप सब मेरी बात को मतलब कहीं ना कहीं सहमत करते होंगे, क्योंकि इतना आजकल मतलब आप देखेंगे कि लोकली भी, जैसे क्या होता था, अभी तो एक ये बीमारी थी जो सिर्फ अमीरों की बीमारी थी, जो बाहर चाइना में गए घूम के आए उनको हुआ, उनसे थोड़े और उनके घर वालों को हुआ। बट अब क्या है कि हम जैसे लोकल लोगों को भी ये होने लगा है ना। और जैसे कि विशाल जी हैं, वो तो मतलब लाइव एग्जांपल ही है हमारे सामने। और ये सबसे बहुत ही ट्रेजिक एक चीज है, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। लेकिन समस्या को समझना और समस्या को सिर्फ सोचना, क्या समस्या का हल है? नहीं, नहीं ना। समस्या को सोचना और समस्या को सिर्फ देखना समस्या का कभी हल नहीं है। समस्या का हल तब है जब हम इसका सोल्यूशन अच्छे तरीके से निकाल लें। और ये सोल्यूशन आज हम निकालने हैं, 100% आज इस चीज का सोल्यूशन निकलेगा। बट इस सोल्यूशन में ऐसा तो नहीं है कि क्या नाम है, सिर्फ हमें ही सफर करना पड़े। ऐसा तो नहीं है कि इस सोल्यूशन में सिर्फ सभी को सफर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हर जगह पे चैलेंजेस है, हर जगह पे कहीं ना कहीं मनमुटाव भी है, हर जगह पे कहीं ना कहीं ऐसे भी हैं कि लोगों को लगता है कि क्या हमारे साथ गलत तो नहीं हो रहा। देखे ना आगे। रोमा जी, माइक को म्यूट कर दीजिए प्लीज। तो हर किसी को लग रहा था कि वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ डिफिकल्टी नाउडेज। हम बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं आज के दिन में। आज ऐसा लग रहा है कि क्या नाम है, हर इंसान घिर चुका है, जॉब से घिर चुका है, डिप्रेशन से घिर चुका है, और तो और घर वालों से घिर चुका है। कहीं ना कहीं घर वालों को भी एक्सपेक्टेशन है कि यार हमारे क्या नाम है, घर वाला जो है जो जाएंगे बाहर कमा के लाएंगे, हमारे घर की जरूरतों को पूरा करेंगे। हर इंसान ने एक सपना सोच रखा है, मैंने भी सोच रखा है कि मुझे घर लेना है, लेकिन कैसे कैसे आएगा वो? आपने भी सोचा होगा, किसी को बाइक लेनी होगी, किसी को गाड़ी लेनी होगी, किसी को घर लेना होगा, किसी को मोबाइल लेना होगा, वो कैसे सपना पूरा हो? तो आज इसी चीज पे बात करेंगे, उन सपनों को ना हम जोड़ेंगे। और उस सपनों को जोड़ने के लिए आप सभी का साथ, जितने भी लोग हैं, जितने भी पैनल पे बैठे हैं, जितने भी यहाँ पर लोग हैं, रूप सिंह जी हमारे साथ, क्या नाम यासिर जी हैं हमारे साथ, शकी जी हैं, और भी जितने भी लोग हैं। और मैं बता दूं, अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, अशोक जी हैं, जैसे विशाखा जी, मैं नहीं नाम ले पा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ। मैं ये समझूंगा कि मैं जो हूँ आप लोगों के साथ ही हूँ, और मैं आप लोगों की ही बातों को यहाँ पर डिलीवर कर रहा हूँ। आज इसीलिए कन्वर्सेशन के अंदर हमने महेश जी को भी रखा है,
श्याम जी को भी रखा है, आदित्य जी को भी रखा है, जितने भी लोग हमारे साथ पॉसिबल हुए हम उनको यहाँ पर लेके आए। और मैं यही चाहता था कि ये टीम जो है ना, ये टीम मिलकर रहे, एक साथ रहे। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा, ये आपने हर किसी ने बचपन में सुनी होगी मुझे ऐसा लगता है। ये कहानी है पांच लड़कों की और उनके एक पिता की, जो कि पिता जो था किसान था, और वो कहता था कि बेटा अगर आप पांचों ऐसे मिलके रहोगे तो मुट्ठी बन जाओगे, लेकिन अगर बिखर जाओगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए वो नुकसानदेह होगा। तो होता था ऐसा कि क्या नाम है, हर इंसान की अपनी सोच है और हर इंसान का अपना एक क्या नाम व्यक्तित्व है। तो उस इंसान ने तो बता दिया जो उसका बाप था, बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन, अपने आप में इम्प्लीमेंट करना हो, अपने आप में अप्लाई करनी हो वो बात, तो उन्हें वो समझ नहीं आ रही थी। तो कहीं ना कहीं वो सारे क्या हुआ कि एक दिन अलग अलग हो गए, नहीं करते थे एक दूसरे से, तो बिखर गए। कोई किसी ने जमीन किसी की छीन ली, किसी का कुछ हुआ। जब वो पांचों एक साथ रहते थे अपने पिता के साथ, तो उनका बहुत अच्छा काम चल रहा था, खेती बाड़ी अच्छी हो रही थी, एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे की खुशी में थे, एक दूसरे के दुख में थे, बहुत सारी चीजें थी। तो इस चीज का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि पांचों जब उंगलियां, चार उंगलियां और एक अंगूठा एक साथ मिलता है तो मुट्ठी बन जाती है। अलग अलग होते हैं तो कोई भी आराम से उस चीज को तोड़ सकता है। तो अगर हम साथ मिलके रहेंगे, साथ एक दूसरे के रहेंगे, एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे, कम्युनिकेशन हम करते रहेंगे, इफ वी कम्युनिकेट विद ईच अदर, जो हमारी कोर मैनेजमेंट है, आदित्य जी हो गए, हमारे MD सर हो गए, या फिर हमारे श्याम जी हो गए, सर हो गए, हमारी और डिस्कशन करना नहीं होता, उसको उसका सोल्यूशन निकालना सबसे बड़ा एक चैलेंज जो होता है कि सोल्यूशन किस तरीके से निकाले। तो आज के काम पे बात करेंगे, चल रही है सर कि आप मतलब यकीन नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर इस सिचुएशन में भी अगर आप हैं, आप साथ हैं, आप बैठे हुए हैं, आप ऑनलाइन हैं, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन है। तो अगर आप इस सिचुएशन में भी अपने घर के अंदर सेफ हैं, इस सिचुएशन में भी अपने साथ जो बात मैं बोलने जा रहा हूं, आप इस बात को बहुत डीप मीनिंग समझना, बहुत ही गहरी बात बोलने जा रहा हूं आपको मैं, कि अगर इस सिचुएशन में भी कुछ लोग हैं जो ट्रेनिंग में जुड़े हुए, खाली ट्रेनिंग में आए हैं, कंपनी उनके साथ जल्द से जल्द जुड़ना चाहेगी कि ऐसा रिस्पांस मुझे आया है। मैं सिर्फ यहाँ पे कंपनी के लिए नहीं हूँ, मैं आपको पहले बता दूं, मैं आपके लिए पहले हूँ फिर कंपनी के लिए हूँ, तो मैं ये आपको क्लियर कर देता हूँ। हाँ, तो मैं बात ये कह रहा था कि कुछ लोग हैं जो ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, जिनकी ट्रेनिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं, बट कुछ लोग हैं जो अभी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप काम कर रहे हैं, आप कंपनी के साथ हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको कॉन्ग्रेचुलेशन है, बहुत ज्यादा आपको बधाई है। रीजन अब आपको एक चीज दिखाता हूं, मैंने पेपर सारे बना रखे हैं, और ऐसा नहीं है कि आप इसे सर्च नहीं कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो। तो मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा छोटी सी, ये मेरी ना 4 दिन की मेहनत है सर, मैंने आपके लिए ये बहुत सारे टेक्स्ट लिख रखा है, ये टेक्स्ट बताता हूं मैं क्या है आपको, आप सब ना लिखना इसको बैठ के। द हिंदू न्यूज़पेपर कौन, कितने लोग जानते हैं द हिंदू, अपना हाथ उठाए अगर हिंदू न्यूज़पेपर जानते हैं तो। द हिंदू एक न्यूज़पेपर है, देयर इज अ न्यूज़पेपर कॉल्ड द हिंदू, सभी जानते हैं। द हिंदू के मुताबिक, द हिंदू न्यूज़पेपर के मुताबिक 12.2 करोड़ लोग, 12.2 करोड़, सर सोच नहीं सकता इतनी बड़ी एक वैल्यू है ये, 12.2 करोड़ लोग उनकी जॉब जा चुकी है, 12.2 करोड़। ये बंदा देख रहे हो सर, ये घर में बैठा हुआ है इसकी भी जॉब जा चुकी है, लेकिन आप लोगों के साथ है पक्का। तो 12.2 करोड़, पहला द हिंदू न्यूज़पेपर, आप सर्च करना इसे न्यूज़पेपर को, ऑनलाइन सर्च करोगे आपको सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको ऑनलाइन में, सारी चीजें हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ऑन ऑनलाइन, तो मतलब यू कैन सर्च एनीवेयर एनीथिंग, राइट। अब मैं बताता हूं उसके अलावा कौन सा है, अगर आप, मैंने आपको जो बोला था कि ये जो मैं बता रहा था आपको कि अगर आप अभी भी जॉब में हैं तो बहुत बहुत
आपको कॉन्ग्रेचुलेशन है, मुबारकबाद है, फिर मैं उसके बाद डिस्कस करूंगा कि पांच टाइप के लोग जो हैं वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो हिंदू न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग 12.2 करोड़ लोगों की जॉब जा चुकी है, ये पहला पॉइंट है, ये पहला न्यूज़पेपर है। अब मैं दूसरे न्यूज़पेपर के पास, लाइव मिंट, लाइव मिंट एक न्यूज़पेपर है, अगर आप जानते तो प्लीज हाथ उठाएं, और नहीं जानते तो लाइव मिंट की स्पेलिंग बता देता हूं, LIVEMINT, इसको आप सर्च करिएगा, 76.870 यानी कि 76.88 लोगों को लगता है कि उनकी जॉब जा सकती है, 76.8 लोगों को लगता है कि उनकी जॉब जा सकती है। आपके पास अगर कोई दूसरा डिवाइस है तो प्लीज सर्च करते रहें। और गौरव मैसेज भी डाल रहा है कि द हिंदू न्यूज़पेपर नीचे है, लाइव मिंट का भी उसने नाम स्पेलिंग डाल दिया है। अब आप बात करता हूं नेशनल हेराल्ड की, नेशनल हेराल्ड इज वन ऑफ द टॉप लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, जिसके अंदर एक आर्टिकल आया था, जिसके अंदर एक नोटिफिकेशन आया था, आर्टिकल आया था, उस आर्टिकल के थ्रू 1.5 लाख लोग आईटी प्रोफेशनल, आईटी जितने भी आईटी वाले हैं या इंजीनियरिंग के लोग हैं उनकी जॉब जा चुकी है, 1.5 लाख आईटी प्रोफेशनल लोगों की जॉब जा चुकी है। अब उसके बाद और आगे बात करता हूं मैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया के जितने भी, टाइम्स ऑफ इंडिया तो सभी जानते हैं मुझे लगता है, बहुत फेमस न्यूज़पेपर है। अशोक जी आप जानते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया? सर बिल्कुल बिल्कुल। तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो किसी भी पोस्टर को डिजाइन करते हैं, न्यूज़पेपर का जो भी ग्राफिक डिजाइन होता है, या न्यूज़पेपर के अंदर जो भी डिजाइनिंग का कुछ चीज बनी आती, कार्टून बनी आती है या कुछ भी आता है, उन लोगों को आप सोचिए कितनी बड़ी टीम है, रिपोर्टर तो एक अलग चीज है, लेकिन कितनी बड़ी चीज है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने सारे बंदों को निकाल दिया, क्योंकि 2 महीने किसी ने न्यूज़पेपर पर हाथ नहीं लगाया। मैं बताऊं इसलिए क्योंकि सबको लगता था कि यार कहां से न्यूज़पेपर आ रहा है, किसके हाथ में आएगा, किससे टच होगा, और फिर हमारे हाथ में टच होने के बाद ये कहीं ऐसा तो नहीं हमें कोरोना ना हो जाए, ऐसा ऐसा था। अभी भी न्यूज़पेपर नहीं ले रहे हैं लोग। हाँ अभी भी नहीं ले रहे हैं, राइट महेश जी, अभी भी नहीं ले रहे हैं। अच्छा उसके बाद एक और बात बताता हूँ, आप जिस कंपनी को सबसे ज्यादा जानते हैं, चलिए मैं बताता हूँ, रिलायंस, सभी ने नाम सुना होगा, रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, सबने नाम सुना होगा उसका। रिलायंस ने अपने 50% यानी कि अगर रिलायंस में 2 करोड़ लोग काम करते हैं तो 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ अगर आधे को तो निकाल दिया है, लेकिन कह रहा मैं जितने बचे हुए हैं उनकी सैलरी हाफ कर दी है। उसके बाद अब मैं आगे बढ़ता हूँ, जोमैटो, जोमैटो से हम सभी ज्यादातर खाना वाना मंगवाते हैं, सिर्फ करते हैं, जोमैटो ने अपने 2 मंथ के लिए अपने एम्प्लॉयज को निकाल दिया। और आगे लिखते जाना, अगर आप जितने भी लोग हैं प्लीज लिखते जाएंगे तो दिस विल बी गुड फॉर मी इफ यू आर गोइंग टू राइट दिस एंड सर्च इट, यू विल नॉट से कि सर आपने तो क्या डाटा निकाला, हमें तो पता ही नहीं लगा कहां से निकाला। मैं चाहूंगा जिसका भी माइक ऑन हुआ है प्लीज ऑफ कर दें। अच्छा उसके बाद ऊबर, ऊबर तो टैक्सी सर्विस है, एक बहुत ही अच्छी टैक्सी सर्विस है, ऊबर ने इंडिया के अंदर से 1000 लोगों को 1700 के आसपास अपने बंदों को निकाल चुकी है। अब मैं और डेटा बताता हूँ, ओला 1400 बंदे निकाल चुकी है, ठीक है। उसके बाद स्विगी, जोमैटो का ही एक कॉम्पिटिटिव पार्टनर है स्विगी, जिससे हम खाना वाना मंगाते हैं, और 1100 बंदे निकाल दिए अपनी कंपनी से। आप सोचिए कि क्या नाम है, अभी क्या हालात हैं। मैं इसके बाद बताता हूँ आपका जो क्लाइंट है सबसे बड़ा, मुझे लगता है कि क्या नाम है, इस बात से आदित्य जी, महेश जी और क्या नाम है हमारे वीपी जी, कहाँ है वीपी सर, वो भी एग्री करेंगे, टाटा। टाटा बहुत बड़ा टाइकून माना जाता है, टाटा बहुत बड़ा अपने आप में ग्रुप माना जाता है, तो टाटा ने अपने एक तरीके से, मैं टाटा का डेटा निकाल लेता हूँ एक बारी, फिर आपको मैं अच्छे से बता पाऊंगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं कोई बात को मिसलीड कर रहा हूँ, अगर मिसलीड करूंगा तो आपके लिए भी वो नुकसानदेह होगी और मेरे लिए भी नुकसानदेह होगी। तो टाटा की मैं बात बता रहा था, टाटा ने अपने सभी लोगों की सैलरी को 50% रिड्यूस कर दिया है, 50% कम कर दिया। बात सीधी सी है, बहुत सीधी सी है, मैं किसी को यहाँ पर ज्ञान नहीं देने आया, मैं सब
आपको एक बात बताने आया हूँ कि हालात ऐसे हैं ना, हर इंसान घर में बैठा है, हर इंसान जूझ रहा है, हर इंसान अपने आप में बहुत ज्यादा टफ हुआ पड़ा है, क्योंकि इससे पहले ना हमने कुछ सपने बुने हुए थे कि यार 2 महीने बाद ना मैं अपने बच्चे को यहाँ पे पढ़ाने के लिए स्कूल में एडमिशन दिलाऊंगा, या 2 महीने बाद मैं अपना घर खरीदूंगा, या 2 महीने बाद मैं अपनी बाइक खरीदूंगा, या मैं 2 महीने बाद अपना कोई फोन खरीदूंगा, या मैं 2 महीने बाद अपने घर का फर्नीचर चेंज करूंगा। अब ये चैलेंज हो गया उल्टा, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी आ चुकी है, हम फंस चुके हैं हर सिचुएशन के अंदर। लेकिन इस सिचुएशन में अब सबसे बड़ी बात आती है कि हमें क्या करना चाहिए। प्रदीप जी यहाँ पर हैं, रुपेश जी यहाँ पर हैं, रूप जी यहाँ पर हैं, अशोक जी यहाँ पर हैं, यहाँ पर हमारे साथ, एक सेकंड में नाम थोड़ा सा छोटा है तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ, पूर्णमाल जी यहाँ पर हैं, और विशाखा, अच्छा पूरन जी, पूरन है, हाँ, पूरन जी जयपुर से, जयपुर से, तो पूरन जी यहाँ पर हैं, अलू जी, रमेश जी यहाँ पर हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो बात यहाँ पर यह आती है कि ऐसे में करना क्या चाहिए। मैं आपको एक आज बहुत अच्छा ना ये कह लीजिए इट इज काइंड ऑफ किया, तो ये मंत्र है, इट इज जस्ट अ मंत्र, और वट एवर इट इज, मैं मंत्र, जो लोग मंत्र में विश्वास रखते हैं वो इसे मंत्र मान लें, जो बात में विश्वास रखते हैं बात मान लें, जो इसे एक सलाह मानना चाहते हैं वो सलाह रखें। ये सलाह मैं आपको सभी को देना चाहूंगा कि अगर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, तो मैं महेश जी एक छोटा सा आपसे बस स्टैटिस्टिक मांगना चाहूंगा कि कितने परसेंट, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, अभी 33 लोग हैं इस कन्वर्सेशन में, तो कितने लोग जो हैं वो यहाँ पर, रेशियो बता दीजिएगा, कितने लोग हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अभी वर्किंग है? सारे हैं ये लोग, सारे ही हैं, सारे भी लेफ्ट नहीं है, कोई लेफ्ट, कोई भी लेफ्ट नहीं है। तो मैं आपको बस यही पूछना चाहता था, महेश जी मेरा काम हो गया। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता देता हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए हैं, मैं आपकी ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ कर रहा हूँ, ना मैं किसी और चीज की तारीफ कर रहा हूँ। अभी आपको मैं जब बोलने वाला हूँ वो बात आप ध्यान से सुनना, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो बात अलग है कि बड़ी बड़ी जब कंपनियां हाफ सैलरी कर रही हैं तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन पे तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी भी आप काम कर रहे हैं, अभी भी आपको क्या नाम है, अगर कहीं ना कहीं कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन है। कॉन्ग्रेचुलेशन किस लिए मैं बता देता हूँ, तो ये मैंने स्टैटिस्टिक दिया ना आपको, ये पूरे 8 से 9 न्यूज़पेपर का स्टैटिस्टिक है, ये 8 से 9 न्यूज़पेपर है इसके अंदर, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, नेशनल हेराल्ड, लाइव मिंट, और क्या नाम है आपका, दैनिक भास्कर, जितने भी आपके आसपास के न्यूज़पेपर आते हैं, आपके स्टेट में आते हैं, कहीं भी आते हैं, ये जितने भी न्यूज़पेपर हैं, आप ऑनलाइन सर्च करिएगा, कुछ भी करिएगा, मैं आपको ना एक रेशियो बता देता हूँ कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है एक इंडिया की, एक ऑर्गेनाइजेशन है CMIE एक ऑर्गेनाइजेशन है, CMIE ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, अब मैं बता देता हूँ पहले CMIE है क्या, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी को मॉनिटर करती है, यानी कि अर्थव्यवस्था को जो मॉनिटरिंग करती है, जितने भी हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, आयात निर्यात, उसका पैसा आ रहा है जा रहा है, GST सब कुछ जो भी मॉनिटर करती है, हमारे देश में जितना भी पैसे का व्यापार होता है वो सबको मॉनिटर करती है, उसके अकॉर्डिंग 14 करोड़ लोगों की जॉब जा चुकी है, 14 करोड़ लोगों की, आपको बता देता हूं, जो कि 26% है पूरी इकोनॉमी का, 26%, यानी कि अगर 130 करोड़ या 137 करोड़ की जनता है तो 26% जो है उसके अंदर से जा चुके हैं। ये तो थी पहली CMIE की रिपोर्ट, आप लिखते रहिए कैसे ये, और ये फैक्ट है, आप जाके सर्च करिए कहीं पे भी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बहुत जेन्युइन इंफॉर्मेशन निकाल के लाया हूं। अच्छा, अब CMIE की बात हो गई तो अब बात करते हैं CII। ये CII क्या है, मैं CII बता देता हूं आपको, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी कि कोई भी कंपनी है, अगर कोई भी कंपनी है तो सबका क्या होता है कि लेखा जोखा इस ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है, CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री।
ये कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग यहां पर 15 मई तक आप ध्यान रखिएगा, 15 मई तक यहां पर कितनी जॉब जा चुकी है मैं बता दूं आपको, आप हैरान हो जाएंगे कि 15 मई तक 30 करोड़ लोगों की, 137 करोड़ की जनता है सर, 137 करोड़ की जनता है यहां पर। आप ये सोचिए रामपाल जी यहां पर, रोहित जी और जितने भी लोग हैं, यासिर जी हो गए, अजीत जी हो गए, जितने भी लोग हैं 137 करोड़ में, पहले तो महिलाएं सारी निकाल दीजिए, जितनी भी वर्किंग महिलाएं उनको छोड़ के आप वो निकाल दीजिए जो घर में बैठी हैं अभी, जो हमारी घर की देखभाल करती हैं, जो हमारे घर को बनाती हैं, आप उनको हटा दीजिए, फिर आप हटाइए बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं, फिर आप हटाइए जो बूढ़े हैं जो कि 55 या 60 से हटके हैं, 55 या 60 पे हैं, जो रिटायर हो चुके हैं या फिर जो घर पे बैठे हैं उनको भी हटा दीजिए। टोटल जनता बसती है 50%, 50% में से 30% जनता यहां पर निकल चुकी है। 30 करोड़ की टोटल जनता बसती है 27 करोड़ और 27 करोड़ में सर आप बैठे हैं, आप लगा लो सर कि आप कितने खुशनसीब हो। ये स्टैट्स मैं ऐसे ही नहीं बता रहा आपको, मैंने बहुत रिसर्च करी है, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि ये चीज शेयर करनी चाहिए। तो आप देखिए कि क्या नाम है, 27 करोड़ बचते हैं, 137 करोड़ लोग हैं, जनता हटा दी जो कि क्या नाम है, लेडीज थी हाउस को हमारे मैनेज करती थी, बच्चे थे वो हटा दिए, बूढ़े लोग हटा दिए, जितने भी जवान यंग 55 या 60 मान लो 60 तक हमने लोग जितने भी थे वो ऐड कर लिए हमने यहाँ पे। तो आप मान लीजिए कि 27 से 30% जो लोग हैं वो बचे और उनमें आप हैं, तो ये सबसे ज्यादा क्या नाम है इम्पोर्टेंट है, कि इसलिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा था। अब आपको एक और चीज बताता हूं, ऐसा है कि हमारे साथ बड़े चैलेंजेस है सर, बिट्टू जी हमारे साथ इतने बड़े चैलेंजेस हैं, रोहित सिंह ठाकुर जी हमारे साथ इतने बड़े चैलेंजेस है सर, और वो चैलेंजेस हैं थोड़ा सा हमें हमारा विश्वास डगमगा रहा है। ऐसा नहीं कहूंगा कि यहाँ पर किसी का डगमगा रहा है, मेरा खुद डगमगा रहा है तो मैं आपकी कैसे बात कर सकता हूँ, है ना, मैं तो खुद ही अपना विश्वास डगमगा रहा हूँ कि भाई आगे क्या होगा, आगे कैसे काम करेंगे, आगे किस तरीके से हम अपनी चीजों को मैनेज करेंगे। तो इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे मैंने पहले फॉर्मूला बताया था आपको, मूल मंत्र बताया था कि जिस चीज से जुड़े हुए हो आप उसी चीज से जुड़े रहोगे, तो आपको मैं बता रहा हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत नहीं निकाल सकती। अगर आप बेस्ट परफॉर्मिंग इंसान हो ना, तो आपको कोई किसी की ताकत नहीं निकाल सकती सर। आज अगर मुझसे कोई कह देना कि अशोक जी, रोहित जी यहाँ पर, या फिर क्या नाम है, विशाल जी, विशाखा जी, मोहन जी, मोहन राव जी और यासिर जी, अगर ये सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब सभी लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ, मैं दावा करता हूँ यहाँ पे, महेश जी को लिख के दे सकता हूँ कि महेश जी कभी ये भी नहीं कह सकते कि कोई बंदा निकल जाएगा यहाँ से। ये बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही प्यारी चीज है, ये आपका साथ है सर, ये आप लोग कर रहे हैं एक्चुअली में, मेरे लिए नहीं, अपने आप के लिए, अपनी कंपनी के लिए और आप सबके लिए। चलो आगे बढ़ता हूँ, मैं कुछ बातें और बताता हूँ, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा मैं, मतलब देखो हकीकत में बात करता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी और सुनाता हूँ आपको, मनमुटाव के बारे में हम बता रहे थे कि देर आर सम चैलेंजेस, यू कैन से कि हमारे आपस में कम्युनिकेशन नहीं है, तो बातचीत नहीं हो पा रही है या कुछ भी है, तो मनमुटाव आ जाता है। तो वो मनमुटाव को कैसे सॉल्व करें, एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है, और ये स्टोरी ऐसी है कि आपको सुन के बड़ा मजा आएगा। एक गांव में एक माँ थी, गांव के, मैं जानता हूँ कि सभी लोग यहाँ पर गांव से बहुत जुड़े होंगे, मैं खुद गांव से जुड़ा हुआ हूँ सर, मैं खुद गांव से मतलब जुड़ा हुआ हूँ, मेरा यूपी में गांव है, गौरव का यूपी में गांव है, बहुत सारे लोग हमारे यूपी से हैं, जयपुर से हैं, और ऐसा नहीं है, साउथ में भी हमारे बहुत गांव हैं, हमारे वेस्ट ये बंगाल में भी बहुत गांव हैं, वेस्ट बंगाल में, मतलब बहुत सारे गांव हैं, गांव से हर इंसान जुड़ा हुआ है। एक बेचारी माँ थी सर, और उसके 3 बेटे थे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, प्यारी सी छोटी सी स्टोरी है, तो मैं आपको सुनाता हूँ, मजा आ जाएगा आपको। तो क्या हुआ कि एक दिन तीनों बच्चे बड़े खेती करते थे, क्या नाम है,
बहुत अच्छे से रहते थे, तीनों भाई थे और माँ के साथ रहते थे। नितिश जी, जी मैं चाहूंगा एक बार आप मोहन से जरा पूछे, समझ में आ रहा है या इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है? मोहन जी, आर यू अंडरस्टैंडिंग और इफ यू वांट वी कैन ट्रांसलेट। नहीं नहीं, ओके सर, ओके, पूरी तरीके समझ में आया सर। मैं मोहन, मोहन राव जी से, नहीं मोहन, मोहन मोहन बेंगलोर से। ठीक है सर, कंटिन्यू करें। हाँ, एक बार उनके बैंगलोर से मोहन के हामी एक बार ले लीजिएगा। मोहन राव जी, राइट? हाँ हाँ हाँ, मोहन राव जी सर, प्लीज इफ यू कैन अनम्यूट योर माइक। हेलो सर, होप आपको हमारी कन्वर्सेशन अच्छे से समझ में आएगी। मैं अंडरस्टैंड हो रहा सर, आप क्या पहले क्या बोला ना, व्हाट यू सेड इन स्टार्टिंग दैट द हिंदू न्यूज़पेपर, मिंट, लाइव मिंट, नेशनल हेराल्ड, ज़ोमैटो, यूबर, ओला, स्विगी, बैलेंस, टाटा, टाइम्स ऑफ इंडिया, 50% जॉब्स एंड 50% ऑफ द सैलरीज दे आर गेटिंग, राइट? या दिस इज द डिफिकल्ट टाइम्स वी हैव टू फेस दिस कोविड, and we exactly. have to fight and we have to do our best work and give best result to our company. Okay. thank you Mohan ji, thank you, such a nice person you are. Matlab I appreciate your feedback, really. Okay, appreciate. Nitesh, what do you say? Mohan ke liye taaliyan bajaiye. right taaliyan ko bajaiye. Thank you Mohan, thank you. Agli baar ek spot trainer ka jo hai Mohan Rao ji ke liye fix kar de. मोहन राव जी ने बहुत अच्छे तरीके से पूरी बात को रिपीट किया, बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू सर, थैंक यू सर, में यू नो ही गिव अ वेरी नाइस जिस्ट ऑफ इट ऑल, बहुत अच्छे तरीके से सारी बात उन्होंने बता दी। सो मोहन राव जी, वेरी वेल डन, थैंक यू सर। तो लेट मी कंटिन्यू द स्टोरी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिसका जिस किसी का भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर दें उसे। नितेश आई टेक केयर ऑफ इट, यू डोंट हैव टू आस्क, डोंट वरी, अदरवाइज पीपल गेट कंफ्यूज, आई विल टेक केयर ऑफ इट। ओके, सो द स्टोरी इज कि गांव में एक माँ थी एंड उनके तीन बेटे थे, तीनों बहुत अच्छे से खेती करते थे, माँ के साथ रहते थे, बहुत अच्छे से माँ का ध्यान रखते थे और मतलब प्यार इतना था गांव के लोगों में ना, आज भी वही प्यार है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा जो गांव से शहर में आ गए उनके पास प्यार नहीं, प्यार उनके पास भी आज बहुत है, वो जा नहीं पाते काम की वजह से, देर वॉज लैक ऑफ टाइम, आप ये कह लीजिए कि दे कैन नॉट विजिट टू देयर नेटिव प्लेस, और क्या नाम अपने गांव नहीं जा सकते या अपने ननिहाल या अपने पिता की तरफ नहीं जा सकते, उनके पास टाइम कम है। बट वो जो माँ थी, तीन बच्चे थे, खेती करते थे, साथ रहते थे, माँ जो थी क्या नाम है, सभी के लिए एक साथ खाना बनाती थी, सबको एक साथ परोसती थी और सभी को परोसती थी तो क्या नाम है, सभी खाते भी एक साथ थे, बहुत अच्छा एक एनवायरमेंट बना हुआ था। तो एक दिन उनका सबसे छोटा बेटा जो था उसकी एक जॉब लग गई शहर में उसकी एक जॉब लग गई। अच्छा, तो गांव में जो होता था कि वो शहर में आता, मतलब जाता था, काम करता था, फिर गांव आता था हफ्ते में एक दो बार। तो धीरे 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 फिर उसको क्या हुआ कि ज्यादा सैलरी बढ़ गई उसकी, थोड़ा सैलरी 5-10 हज़ार रुपए मिलने लगे उससे। तो उसने डेली आना जाना स्टार्ट कर दिया, अपने अपनी बाइक ले ली, सब कुछ कर लिया। अब हुआ क्या, एक दिन दोनों भाई खेती कर रहे थे, माँ अपना क्या नाम है खाना वाना बनाने में लगी थी, साफ सफाई में लगी थी, जैसे हमारे घर को बनाती है हमारी लेडीज, और बहुत सिंपल सी बात थी, जो छोटा वाला भाई था वो शहर था अपने, शाम को आता था क्योंकि अब बाइक खरीद ली थी, काम वाम चलने लगा था उसका, तो उसकी आदत थी कि थोड़ा बहुत पैसा वो अपनी माँ को दे देता था। तो एक दिन क्या हुआ, धीरे 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 ऐसे करते करते बरसात का मौसम आ गया। बरसात का मौसम जब आया तो इतनी तेज बारिश हुई कि सारी खेती खराब हो गई। अब जब खेती खराब हुई तो आप लगाइए कि उस खेती खराब होने के चक्कर में घर में कौन एक अर्निंग पर्सन बचा। खेती खराब हो गई तो अपना माल नहीं बेच सकते थे, सामान नहीं बेच सकते थे, और सामान नहीं बेच सकते थे तो जिससे कि उनके घर में खाना नहीं आ सकता था, पैसा नहीं आ सकता था। सिर्फ एक गेहूं की खेती करने से तो खाना नहीं आ जाता ना, दाल भी चाहिए, मसाले भी चाहिए, चावल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो उस खेती खराब हो जाने के चक्कर में अब एक ही पर्सन बचा जो घर के अंदर अर्निंग कर रहा था, वो था उसका सबसे छोटा बेटा। तो
एक दिन ऐसा हुआ कि अब छोटा बेटा रेगुलर आता था तो सारे रात को बैठ के सब खाना वाना खाते थे, अपने आराम से बैठे होते थे, माँ सबके लिए खाना डालती थी, तो धीरे धीरे जो जो राशन बचा हुआ था छोटा बेटा भी थोड़े बहुत पैसे दे देता था। तो क्या हुआ कि धीरे 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 उस सेशन के अंदर यहाँ पे माँ, आप सोचिए, इमेजिन करिए उस चीज को कि वो चीजें चल रही है, माँ बैठी हुई है, सब लोग खाना खा रहे हैं। एक दिन हुआ, दो दिन हुए, तीन दिन हुए, चार दिन हुए, सब ऐसे ही खाना खाते थे, आते थे, खाना खाते थे, अपने सोने चले जाते थे, खाना खाते थे, सोने चले जाते थे। एक महीना हो गया, एक महीने बाद माँ की अचानक से तबीयत खराब हुई। तीनों बेटे बड़े एकदम असमंजस में पड़ गए, दे आर वेरी कंफ्यूज कि करे तो करे क्या, करे तो करे क्या, क्या क्या करे क्या करे। तो माँ को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाया गया। तो अच्छा, इस बीच में कन्वर्सेशन में, इस जो एक दिन जैसे खाना खाते थे सो जाते थे, खाना खाते थे फिर सो जाते थे, खाना खाते थे फिर सो जाते थे, तो छोटे बेटे ने एक बात बोल दी कि माँ काम तो चल नहीं रहा खेती बाड़ी का, मैं अपने शहर से रोज आता हूँ जाता हूँ, पेट्रोल भी लग जाता है। तो ये बात अब माँ ने समझ ली कि बेटा क्या कहना चाहता है, तो उसने ये बात कही कि क्या नाम है, तो मैं पैसे तो ज्यादा नहीं दे पाऊंगा लेकिन कुछ ना कुछ दे दूंगा जिससे घर का राशन चलता रहेगा। तो जब माँ बीमार पड़ी, हॉस्पिटल में गए, तो डॉक्टर ने बोला कि भाई क्या बात है, इतनी बीमार कैसे पड़ गई है, इतनी कमजोरी कैसे आ गई शरीर में, क्या बात हो गई है। डॉक्टर ने कहा कि क्या इन्होंने कुछ एक महीने से ढंग से खाना नहीं खाया क्या। तो बच्चे हैरान पड़ गए, भाई हमारे घर में तो राशन आता था, हमारे घर में तो सामान आ रहा था, छोटा भाई पैसे दे रहा था, तो हम खाना हमारी माँ ने कैसे नहीं खाया। तो फिर माँ की देखरेख करी गई और तीनों भाई जब माँ ठीक हो गई तो एक साथ बैठे, माँ से पूछा गया कि भाई माँ क्या बात थी जिसकी वजह से तुम बीमार पड़ी, हॉस्पिटल चली गई और हमारे लिए बहुत तकलीफ वाली बात थी। तो माँ ने एक बहुत अच्छा आंसर दिया। ये स्टोरी आपको पूरी बोरिंग लग रही होगी लेकिन आखिरी में जो आंसर दिया ना, वो आंसर आपको हिला देगा, वो आपको ये समझा देगा बात को। दिस विल गिव यू अ, यू कैन से कि दिस विल गिव यू अ इंफॉर्मेशन कि हाँ वाकई में क्या इंसान ऐसे होते हैं या नहीं। तो ये जब माँ से पूछा गया कि भाई माँ क्या बात थी जिसकी वजह से आप लोगों ने खाना हमें दिया, आपने खाया नहीं खाया हमें कुछ पता नहीं लग रहा, तो माँ ने एक ही छोटी सी बात कही, बेटा खेती तो खराब हो चुकी थी और बची जो चीज थी वो तेरी नौकरी से जो छोटा मोटा पैसा आता था, वो अब बचा तो बचा क्या, वही जो छोटा मोटा पैसा आता था उसमें मैं घर की महीने में 15 दिन ही चला पाती थी, तो मैं कभी खाना खाती थी कभी नहीं खाती थी, कभी खाना खाती थी कभी नहीं खाती थी, तो हफ्ते में 3 दिन खाना छोड़ देती थी, 4 दिन खाना छोड़ देती थी। अब सोचिए जो सुबह का काम करता हुआ बंदा जब रात की रोटी नहीं खाए तो उसका क्या हाल। तो माँ ने कहा कि मैंने जितनी कोशिश हुई, क्योंकि मैं तो बूढ़ी हूं, मेरा तो क्या नाम है कैसे ना कैसे गुजारा चल जाएगा, तुम जवान हो और तुम्हारे को ज्यादा खुराक की जरूरत है, तो मैंने कोशिश की कि मैं कम रोटी खाऊं या ना खाऊं तो चलेगा, और तुम्हारे लिए जो है वो पूरा पढ़ने दूंगा मैं। तो ये बात जब माँ ने कही तो बच्चों की आंखों में आंसू आ, और ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए कि हमारे साथ ऐसा होता है कि जब भी हम कुछ करना चाहते हैं हम करते हैं, सब चीजों का ध्यान रखते हैं, बट हम उस इंसान का ध्यान नहीं रखते जो हमारा ध्यान रखता है ना। ये बहुत सिंपल सी बात है और ये बहुत अच्छी सी एक स्टोरी है जिससे हमें सीख मिलेगी, इट्स अ इंस्पिरेशन फॉर अस कि हमें उस इंसान का भी ध्यान रखना चाहिए। आज के टाइम में वो इंसान पता है कौन है, आप वो इंसान नहीं है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। हमें पता है कि हमारा ध्यान रखा जा रहा है, हमें पता है कि हम चीजों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, समस्याएं हैं, इस समस्याओं का हल कौन कर रहा है, मेन ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें, कोशिश यही है कि ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश यही रहती है कि वो अपने साथ जुड़े हुए सभी एम्प्लॉयज की, मैं मानता हूं कि देर सवेर होती है, देखिए एक बहुत ही बड़ी मैं आपको बात डिस्कस करने जा रहा हूं जिससे हो सकता है कि बहुत लोग सहमत हैं और ये सहमति आप सभी को बहुत ज्यादा एक मतलब लगेगा कि हाँ वाकई में ये बात है,
और वो बात ये है कि कई लोगों को लगता होगा कि यार मेरी सैलरी बहुत लेट आ रही है भाई, कई लोगों को लगता होगा यार मेरी सैलरी अभी तक आई क्यों नहीं, एक तारीख हो गई है, कई लोगों की सैलरी मतलब लगता होगा कि यार इतने में गुजारा नहीं होगा, अभी छोड़ देता हूं। लेकिन मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप हैं, रूट्स अगर आपकी जुड़ी हुई है, प्यार आपका जुड़ा हुआ है, आपका वो प्यार और वो एक कहते हैं ना स्नेह इमोशंस, यू कैन से कि आपकी जो फीलिंग्स अगर जुड़ी हुई है, इफ यू आर कनेक्टेड विद योर फीलिंग्स टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, आपको मैं बता रहा हूं आज आप किसी की सैलरी अगर 20,000 है 25,000 है तो 50,000 करने में कोई नहीं रोक सकता। मैं और चीज, अच्छा ये तो स्टोरी सुना रहा हूँ महेश जी और कह रहा मैं जितने भी लोग हैं ये तो स्टोरी सुना रहा हूँ, अच्छा कंपनी आपके लिए क्या नया करने वाली है मैं वो भी सुनाऊंगा। अभी अभी क्या ना, मैं क्या है ना कि ये थोड़ा सा पड़ाव बड़ा है, सिर्फ अभी तो एक सीढ़ी दो सीढ़ियां चढ़ी है हमने। एक बात और बता दूं, अगर हम रूट पे जुड़े हुए हैं, रूट से एक पेड़ की अगर जड़ है और अगर जड़ जुड़ी हुई है ना, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम उससे जुड़े रहें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम उसको कहीं ना कहीं वहां से छोड़ दें निकल जाएं, तो आज की सिचुएशन में तो जॉब किसी को भी नहीं मिल रही ये तो। और ये मत मानिएगा कि क्या आपको ऐसा नहीं फील करना है कि ये मैं आपको सीख दे रहा हूं, मैं जनरल डिस्कशन कर रहा हूं, क्योंकि आज के समय में बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। मैं अभी एक बंदे को फोन मिलवाऊंगा आपके सामने, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा आपके सामने, और आप मतलब मुझे लगेगा मतलब मुझे क्या आपको भी लगेगा, आप सोचेंगे ये बंदा पागल है क्या जिसको फोन मिलाया ये। आप सुनिएगा उसकी कन्वर्सेशन। गौरव मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर में ना आप ऋषभ को लाइन पे लें, और ऋषभ को लाइन पे लेंगे हम एक कन्वर्सेशन सुनवाएंगे इनको सभी को, है ना। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा था कि रूट से जुड़े रहना, अपनी जड़ों से जुड़े रहना। अगर हम जड़ों से जुड़े हुए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग वाकई में अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हैं। जिस भी, मैं मानता हूं कि जो भी कोई सिचुएशन हो, जो भी कोई एक क्या नाम है, मैं एक सेकंड, मेरी वीडियो पॉज हो गई है, मैं माफी चाहूंगा आप सभी लोगों से, ठीक है। सो जिस भी अगर देखा जाए ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी किसी भी कंपनी के अंदर चैलेंजेस आजकल बहुत हैं, किसी का सैलरी का चैलेंज है, किसी को रखा ही नहीं गया है, किसी को बहुत सारे चैलेंजेस हैं, आज सिर्फ और सिर्फ वही इंसान काम आएगा ऑर्गेनाइजेशन के। आज से 10 महीने बाद सोचिएगा ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा। आज से 10 महीने बाद ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ उसे याद करेगी जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। समय बहुत बदलने वाला है मोहन जी, समय बहुत बदलने वाला है। यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस, देयर विल बी अ ह्यूज चेंज इन द इंडस्ट्री, देयर विल बी अ ह्यूज अ ड्रास्टिक चेंज इन द इंडस्ट्री। ओनली एंड ओनली दोज विल सर्वाइव, दोज हु आर हेल्पफुल फॉर द कंपनी। वही लोग सर्वाइव करेंगे जो सिर्फ कंपनी के लिए काम आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्या नाम है आप नहीं आ रहे, सब आ रहे हैं भाई, मेरे से ज्यादा उल्टा काम में आ रहे हो आप लोग। लेकिन जड़ों से जुड़े रहना भी अपने आप में एक पेड़ की विशेषता है। अगर जड़ ही ना हो पेड़ की तो पेड़ खड़ा कैसे हो जाएगा। आप जड़े हैं पेड़ की, अगर आप ही हिल जाएंगे तो फिर पेड़ कैसे खड़ा रहेगा। हाँ, तो आगे बात करते हैं, काम पे ट्रस्ट होना चाहिए आपको, अपने काम पे, जिस काम को भी कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, जस्ट कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। आप कुछ भी कर रहे हैं, अपने आप के अंदर विश्वास रखिए, अपने आप के अंदर जोश जगा के रखिए। क्या आपको लगता नहीं कि ज्यादा पैसे कमाएं यार, क्या आपको लगता नहीं कि क्या नाम है आपको एक तरीके से अपनी जरूरतों को पूरा करना है। ये जरूरतें पूरी होंगी और ये जरूर पूरी होंगी। मैं आपको बता दूं कि ये किस तरीके से पूरी होंगी, ये इसी तरीके से पूरी होंगी कि आप जब खुद अपने कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा आप सभी को। होता है ना कि कंफर्ट जोन क्या होता है, मैं पहले सबसे पहले आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड दिस कंफर्ट जोन फ्रॉम ओके हमारे राव साहब, जस्ट सेकंड, मुझे दिख नहीं रहे हैं। अच्छा चलिए, कंफर्ट जोन की मैं बात कर रहा था तो यहां पर अभी
अच्छा मैं चाहूंगा कि कंफर्ट जोन को एक बार कोई डिस्क्राइब करे कि कौन करना चाहेगा, मतलब हमारे जितने भी लोग हैं। शकील जी चलिए आप कर दीजिए कंफर्ट जोन को डिस्क्राइब, कंफर्ट जोन क्या है ये? सर आपका माइक म्यूट है। अच्छा मैं बता दूं, देखो शकील जी से अच्छा कोई कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं जानता होगा, बट मैं उनसे इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आपको एक बार सीख मिल जाए उस चीज की। जी एक्चुअली सर कंफर्ट जोन को आप देखिएगा तो बहुत तरीके से देखा जाए। जी शकील जी, पहले तो कंफर्ट जोन इसी को मान के चलना चाहिए। शकील जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं देख रहा हूँ आवाज आ रही है। हेलो बोलिए शकील जी बोलिए। एक सेकंड अभी आ रहा है सर। आवाज आ रही है सर। आ रही है सर। आ रही है सर आवाज। बोलिए बोलिए गौरव आपको आवाज आ रही है शकील जी की? हाँ नितेश आवाज आ रही है। शकील जी कंटिन्यू। एक्चुअली सर जो आप कंफर्ट जोन की बात बोल रहे हैं इसके बहुत तरीके से अलग अलग डिफिनेशन है। आप किस तरीके से अपने आपको कंफर्ट महसूस करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कितने कंफर्ट हो। राइट। अगर इस सिचुएशन जो है अभी चाहे जिंदगी के लाइफ में जो चल रहा है कर रहे हैं इसमें भी आप अगर कंफर्ट खोजने जाओगे इसमें भी कंफर्ट है। कांटे या धूप या पत्थर सर ये तो जिंदगी में आते जाएगा, किसी चीज से डरना नहीं है। राइट। क्योंकि सर राह मुश्किल तो हो जाता है, राह में चलते हुए मुश्किल तो आ जाता है लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए उस हस्ती बिल्कुल ये कंफर्ट। जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। क्योंकि सर अगर हम ये सोचने लगेंगे कि मैं कंफर्ट है ही नहीं तो फिर मेरा धीरे धीरे कंफर्ट जोन का जो हाई है उसको गिराते गिराते हम ऐसे डिप्रेशन में चला जाएंगे कि जिंदगी में आपको लगेगा मेरे जिंदगी में कुछ है ही नहीं कंफर्ट। बिल्कुल तो बिल्कुल सही बात। इसको हासिल करने के लिए कंफर्ट रहने के लिए पहले तो ये चीज है कि अपने आप में ये महसूस होना चाहिए कि जैसे आपने पहले बोला है कुछ डाटा हम लोगों के साथ शेयर किया है और हम लोग भी न्यूज देखते रहते हैं और कुछ डाटा भी बहुत टाइम है अपने पास तो इस चीज को देखते हैं, न्यूज में भी देखते हैं। अपने देश का प्रधानमंत्री भी अपना पीएमजी भी बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो भी खुद परेशान है। हम लोग पूरा देश सारे वर्ल्ड परेशान है कि आदमी कैसे जिंदा रहे और कैसे इस चीज को झेल के भी आगे हम लोग कंफर्ट जोन में कैसे पहुंचे, उस कंफर्ट जोन में पहुंचे जो कंफर्ट जोन में मैं पहले से था और उस कंफर्ट जोन में हम लोग फिर दोबारा कैसे जाए। इसके चलते हम लोग का कंपनी, हम लोग का एमडी साहब, हम लोग का वीपी साहब, हम लोग का टॉपर मैनेजमेंट में जो है सभी मिलके चाह रहे हैं कि हम लोग इस कंफर्ट जोन से अभी के सिचुएशन से लड़ के दोबारा हम लोग उस कंफर्ट जोन में जाए। उसके लिए टाइम है, वो टाइम फिक्स नहीं कर पाएंगे कितना टाइम लगेगा। हम लोग लड़ाई करेंगे इस चीज से जूझते रहेंगे तभी हम लोग उस जगह को अचीव कर पाएंगे सर। चलिए तो दो तरीके के कंफर्ट जोन है, जैसे कि एक शकील जी ने बताया कि पहले जिस सिचुएशन में थे उस सिचुएशन में हम कैसे आए, एक तो कंफर्ट जोन ये हो गया उस कंफर्ट वाले लेवल पे कैसे आए। एक कंफर्ट जोन और होता है, आप अपने घर पे बैठे आराम से, दुनिया में क्या चल रहा है आपको कोई मतलब नहीं, अपना काम आपका आ रहा है, आपको कॉल आ रही है, आपको कोई मतलब नहीं। तो ये एक तरीके का कंफर्ट जोन और होता है। तो ये जो कंफर्ट जोन होता है ना ये कहीं ना कहीं आपके लिए मुसीबत साबित होता है। हमें उस कंफर्ट जोन को छोड़ना है और उस कंफर्ट जोन को पकड़ना है जिसकी शकील जी बात कर रहे हैं। वो हमारे लिए अच्छा कंफर्ट था कि हम काम कर रहे थे, डेली जा रहे थे आ रहे थे, बातचीत कर रहे थे, नए नए लोगों से मिल रहे थे, पुराने लोगों से मिल रहे थे, उस कंफर्ट जोन को भी पकड़ना है। तो उस कंफर्ट जोन को कैसे पकड़ें और उस कंफर्ट जोन को कैसे छोड़ें, यानी कि जो आलस वाला कंफर्ट जोन है उसको कैसे छोड़ें और जो अच्छा कंफर्ट जोन है उसको कैसे पकड़ें, ये आपको सोचना होगा। अब मैं बता दूं आप कैसे छोड़ सकते हैं उस कंफर्ट जोन को। पहली बात, जितने भी लोग सुबह उठते हैं, जितने भी लोग रोज जल्दी उठते हैं, जितने भी लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, एक बात ध्यान रखिए, आप उठिए पहले तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करिए,
वो चाहे अल्लाह हो, चाहे भगवान हो, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे वाहेगुरु हो, जो भी हो, आप जिस किसी को भी मानते हैं, आप अगर अपने गुरु को किसी को मानते हैं तो आप गुरु को शुक्रिया अदा कीजिए। क्यों? जब तक आपके अंदर ये पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी, जब तक आपके अंदर वो कमाने की, जब तक आपके अंदर पाने की इच्छा नहीं आएगी, जब तक आपको शुक्रिया अदा करने की इच्छा नहीं आएगी, जब तक आपको थैंक्स करने की मोटिवेशन नहीं जागेगी, सो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, आप उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। सुबह उठिए, आप जमीन को छुइए, अपने गुरु को याद करिए, अपने भगवान को याद कीजिए, अपने अल्लाह को याद कीजिए, जिस किसी को भी याद करना हो आप उसको याद कीजिए, और याद करके बोलिए कि आज सुबह का सूरज दिखाया ना, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। क्योंकि अगर आज सुबह का सूरज ना देखे तो भाई घर वाले तो बहुत ज्यादा ही डिस्ट्रेस हो जाएंगे ना, मतलब डिप्रेस हो जाएंगे, अपने आप में स्ट्रेस में भर जाएंगे एक तरीके से। तो आप उस चीज का ध्यान रखना है, आप शुक्रिया अदा कीजिए। अब दूसरा पड़ाव, आपकी दिनचर्या के बारे में सोचिए कि आज आप क्या करने वाले हैं। खाली बैठने से खाली दिमाग शैतान का घर, बहुत बढ़िया कहावत है, जिस किसी ने भी कही है, ये बात ध्यान रखिए। अगर आपका खाली दिमाग है तो आपका शैतान का घर है। अच्छा, रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ही दिल को छूने वाला एक्सीडेंट था, मैं बताता हूँ। वो एक्सीडेंट था कि हमारे एक बॉलीवुड के स्टार थे सुशांत सिंह राजपूत, बहुत ही होनहार कलाकार, बहुत ही अच्छे स्टार, बट डिप्रेशन था, देखिए अकेलापन था, उस अकेलेपन को दूर करना है हमें। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर हर एक बंदा है वो कैसे दूर करेगा, किस तरीके से दूर करेगा, ये आपको रोज की दिनचर्या बनानी होगी। चलिए अब बात करते हैं आगे की, ये दिनचर्या तो होगी होगी, लेकिन इस दिनचर्या को हम किस तरीके से कर सकते हैं, विश्वास के साथ कर सकते हैं। विश्वास एक ऐसी चीज है, अगर आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास बना रहेगा तो वो विश्वास जो है आपको मोटिवेशन देगा काम करने की। कि अच्छा, एक बात और, अपने काम को कभी भी गलत ना करें। जिस दिन आपने अपने काम को गलत कह दिया ना, जिस दिन आपने सोच लिया कि यार मेरा काम ना बेकार है, मैं नहीं करूंगा, छोड़ देता हूं आज, मैं आपको विश्वास दिला दूं, उस दिन से उस बंदे का पतन होने लग जाता, पतन यानी कि क्या नाम है, वो टूटने लग जाता है, उस दिन से खराब होने लग जाता है, डिमोलिश, खत्म होने लग जाता है वो इंसान। तो आपको ये विश्वास अपने अंदर रखना होगा, आपको अपने अंदर ये सोच रखनी होगी कि हम जहां पर हैं वो बहुत एक अच्छी जगह है, हमारा काम जो है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, हम जिस जगह पे हैं अगर हम ना जाएं तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कभी भी फायदा नहीं उठाए साहब, बहुत जरूरी है अगर आप सभी ने फायदा उठा लिया उस चीज का। देखिए पेड़ आप मतलब मैं चाहूंगा एक सेकंड, एक शख्स हमारे, दो तीन लोग हैं जो पेड़ के नीचे बैठे हैं, मैं पेड़ से एक एग्जांपल दूंगा, विशाखा जी हैं जो पेड़ के, विशाखा जी तो अपने आप में ही बहुत ही अच्छा नाम है जो कि पेड़ से मिलता जुलता है, और साथ में क्या नाम है, एक हमारे शख्स हैं जो कि पेड़ के सामने ही बैठे, नीचे बैठे हैं, मेरे को नाम नहीं दिख रहा इनका, कुमार जी भी हैं जो पेड़ के पास बैठे हैं, नितेश, हाँ जी, और मोहन जी कुमार हैं अपने, और अमित लखनऊ से हैं, मोहन जी भी बैठे हैं पेड़ के नीचे, तो और मोहन जी महेश हैं अपने नोएडा वाले, राइट। तो मैं सर एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक मोहन राव जी भी है, सभी लोग बैठे हैं, विशाल जी भी अपने अभी थोड़ी देर पहले पेड़ के आसपास चक्कर लगा रहे थे, बहुत हरियाली है उस पेड़ के नीचे जहाँ विशाल है। मैं आपको एक बात बता दूं सर, पेड़ की तरह बनो, जितने लोग हैं ना पेड़ की तरह बनो, अगर आप पेड़ की तरह नहीं बन पाए ना तो ना किसी को छांव दे पाओगे, ना किसी को फल दे पाओगे। अब बता दो पेड़ की स्टोरी क्या है, पहले तो मैंने बताया कि जड़े मजबूत होंगी तो आप हैं, नहीं तो फिर जो आपके ऊपर हैं उससे ऊपर हैं और उससे भी ऊपर हैं वो फिर नहीं है, आप नहीं है तो कुछ नहीं है, और आप हैं तो सब कुछ है। तो मैं बात कर रहा था पेड़ की, पेड़ देखिए जितनी भी तेज आंधी हो, जितने भी लोग हों, जितने भी, अगर आपका व्यक्तित्व, आपका नेचर, इफ आई टॉक अबाउट योर नेचर, इफ योर नेचर इज फ्लेक्सिबल, आपका व्यक्तित्व फ्लेक्सिबल है, लचीला है, तो आप कहीं भी जाइए आप वो आपकी तरह बन जाएंगे, आप उनकी तरह बने ना बने वो अलग बात है। अगर आप किसी में मिलनसार हैं, इफ यू आर फ्लेक्सिबल विद द एनवायरमेंट,
आप मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, अच्छा कम्युनिकेशन कर लेते हैं लोगों से, अच्छी से बातचीत कर लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं सक्सेसफुल इंसान की सबसे पहली स्टोरी है वो। जिंदगी में एक बात ध्यान रखिए कि कभी भी कतराए नहीं, डरे नहीं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कि डर गए तो क्या, अगर नहीं डरे तो हम सबको ऐसी की तैसी कर देंगे भाई कुछ भी हो जाए चाहे, है ना, ये नहीं करना है। अगर आप डरते नहीं है तो अपने क्या ना डरने का फायदा भी नहीं उठाना, देखो ये बहुत जरूरी है। अच्छा मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद मैं गौरव को इंट्रोड्यूस करूंगा क्योंकि गौरव भी बहुत अच्छी बातें बताने वाला है आपको। तो अच्छा नीतीश जी, हाँ जी, मैं ये अपनी टीम से एक बार पूछना चाहूंगा, कुछ स्नैक्स और कुछ केक का इंतजाम किया था, क्या वो कुछ लोगों के पास पहुंचे अभी? नहीं, मेरे पास आ गया है। जिसके पास आ गया प्लीज अपना हाथ उठा दे प्लीज। मेरे पास अभी आया है जस्ट थोड़ी देर पहले। अच्छा अच्छा, जिनके पास अगर बाई चांस नहीं आया तो वो रास्ते में ही होगा, मैं बता दूं सर। तो ये मैं इसी की बात कर रहा था, और मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाना चाहूंगा कि देखिए अपने व्यक्तित्व का फायदा उठाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑन द सेम हैंड हम उस चीज को ग्रेटिट्यूड कैसे दे सकते हैं, यानी कि शुक्रिया अदा कैसे कर सकते हैं उस चीज का। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, रामायण हम सबने पढ़ी है। अच्छा जिन्होंने अगर बाई चांस नहीं भी पढ़ी हो तो एक स्टोरी की तरह लें, बहुत अच्छी स्टोरी है, बस अपने कहानी है, किस्से हैं ये बहुत अच्छे हैं। एक बारी सर रामायण का एक बहुत ही अच्छा सा एक स्टोरी है, ये स्टोरी ऐसा है कि हनुमान जी को आदेश दिया जाता है कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, यानी कि लक्ष्मण जी जो होते हैं वो उनको तो मतलब बाण लग जाता है, तो जिसकी वजह से हनुमान जी जो होता है संजीवनी बूटी लानी होती है उन्हें। आप महेश जी कुछ कह रहे हैं क्या? ये कहना चाह रहा था कि बहुत लोगों को मूर्छित का शायद ना पता हो, बेहोश। अच्छा बेहोश हो गए थे, बेहोश हो गए। मैं माफी चाहूंगा, अगर जिसको नहीं आ रहा हो तो प्लीज अपना हाथ खड़ा कर दे, मैं समझ जाऊंगा। तो लक्ष्मण जी में समझना है तो कोमा में चले गए। सो हनुमान जी लक्ष्मण जी वहीं पे मतलब बेहोश पड़े थे, राम जी बराबर में बैठे हुए थे, वैद्य जी बैठे हुए थे, जो हमारे आजकल के डॉक्टर्स होते हैं ऐसे वैद्य होते हैं, वैद्य जी होते हैं, वो बैठे हुए थे। तो वो एक बात कहते हैं कि भाई इनका इलाज तो संजीवनी बूटी से ही होगा, और तो लोगों ने कहा कि भाई संजीवनी बूटी लाएगा कौन, ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है कि संजीवनी बूटी लाएगा कौन, और वो तो हिमालय पे और हम तो यहाँ पे बैठे हैं डाउन साउथ, बिल्कुल एकदम बिल्कुल साउथ के अंदर बैठे बिल्कुल नीचे। तो फिर एक शख्स थे जो पूरे उसके अंदर पूरी सेना के अंदर एक ही शख्स थे, और वो थे हनुमान जी। ऐसा नहीं कि राम जी ने ऑर्डर कर दिया तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ऑर्डर कर दिया मैं क्यों जाऊं, हैं मैं क्यों बात मानूं आपकी, ऐसा थोड़ा ना होता है यार। आपने कहा मेरे को सेवक बनाया गया, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपके लिए मैं पहाड़ उठा लाऊंगा। तो हनुमान जी को बोला गया कि हनुमान जी आप जाओ और क्या नाम है संजीवनी बूटी लेके आओ। अब हनुमान जी असमंजसता में कि मैं जा तो सकता हूं लेकिन कैसे जाऊं, किस तरीके से जाऊं, क्योंकि अगर सुबह तक मैं सुबह से पहले यानी कि सुबह होने से पहले अगर मैं वो संजीवनी बूटी नहीं लाया तो लक्ष्मण जी अपने प्राण त्याग देंगे, यानी कि वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएगी उनकी जिंदगी। तो यहां पर हनुमान जी को उनकी शक्तियों का ना आभास कराया गया, उनको उनकी शक्तियां याद दिलाई गई कि देखो तुम ये कर सकते हो, जैसे कि हम आज कर रहे हैं भाई, देखो हम सब ये काम कर रहे हैं और हम कर सकते हैं, और क्यों नहीं कर सकते। जामवंत ने याद दिलाई, जामवंत ने, हाँ जामवंत ने, हाँ जामवंत, जामवंत ने याद दिलाया हनुमान जी को कि क्या नाम है आप ये कर सकते हो, आप पवन से भी तेज उड़ सकते हो, यानी कि हवा से भी तेज उड़ सकते हो। और ये बात बता दूं मैं आपको, हनुमान जी जिस गति से गए थे ना, आप यकीन नहीं मानेंगे कि आज भी यही लिखा है कि सिर्फ एक लकीर सी जाती हुई दिखी थी, इतनी तेज गति से गए थे। मतलब जितने भी लोग ये इसे प्रिडिक्ट करते हैं, ये पुराने लोग नए लोग, वो यही कहते हैं कि इतनी तेजी से हनुमान जी गए थे कि क्या नाम है वो लकीर सी दिखी थी, और वो सुबह होने से पहले पहाड़ ले आए थे, लक्ष्मण जी को अपने बेहोश से वापिस उठा दिया उन्होंने। अब इस स्टोरी के अंदर मॉरल क्या है, जिन्होंने इस स्टोरी को स्टोरी की तरह लिया उसका मॉरल सीखिए और इससे सीख लीजिए क्या सीख है। सबसे पहले जो काम आपको दिया जा रहा है वो काम बहुत जरूरी है साहब, वो बहुत जरूरी है। अगर वो काम ना होना तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ी मुसीबत वाली बात है।
और अगर हम ये कह दें कि भाई ये काम हम क्यों करें, तो फिर क्या फायदा ऐसे काम का? अपने काम को कभी खराब नहीं कहना। अगर अपने काम को खराब कह दिया, या अगर हम आज ये कह दें कि नहीं जी आज नीतीश जी ऐसा कैसे बोल रहे हो, हम तो अपने तरीके से चलेंगे। मैं मानता हूं सब अपने तरीके से चलते हैं, लेकिन अगर आप अपने तरीके से ही चलोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखें कि विश्वास होना चाहिए, काम पे ट्रस्ट होना चाहिए। ये बात आप लिखिएगा, जब मैं पॉइंट दोबारा रिपीट कर रहा हूं तो प्लीज लिख लीजिए, विश्वास होना चाहिए अपने काम के ऊपर, ट्रस्ट होना चाहिए। आपको अपने काम को कभी खराब नहीं कहना है, ये बात ध्यान रखिए। हमेशा संवाद रखना है, हमेशा कम्युनिकेशन रखना है, हमेशा बातचीत करते रहना है, ये बात आप ध्यान रखिए। हमेशा जो भी काम आपको सौंपा जा रहा है, कुछ भी हो, अगर काम आपको सौंपा गया तो कुछ सोच समझ के सौंपा गया होगा। अगर आज हनुमान जी को ये कह दिया जाता कि हनुमान जी आप नहीं जाओगे, जामवन जी जाएंगे, तो आप बात ध्यान रखिएगा, संजीवनी बूटी आती नहीं, लक्ष्मण जी जिंदा होते नहीं। बहुत अच्छी स्टोरी थी, काफी अपने आप में एक सीख थी कि जिसका काम उसी को साझे, और करे तो फिर बेवकूफी लगेगा वो। तो जो काम आपको दिया जा रहा है वो काम आप कीजिए। और अभी भी एक बात ध्यान रखिएगा, आखिरी बात बोल रहा हूँ, उसके बाद गौरव को इंट्रोड्यूस करूंगा मैं। कभी भी जो आपसे बात कर रहा है उस बात को आधी अधूरी मत छोड़िए। अगर आप आधी अधूरी छोड़ देंगे तो बात ध्यान रखिएगा, वो काम खराब हो सकता है। मैंने आज क्या नाम है, रोहित जी को कोई बात बोली, तो रोहित जी ने कहा कि क्या नाम है भाई, मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो जा रहा हूं अपना छोड़ छाड़ के, और क्या नाम मेरे बस की नहीं। तो रोहित जी ने बात को शायद अधूरा छोड़ दिया। रोहित जी ऐसा नहीं, मतलब गलत मत लेना, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मतलब मैं आपको सिर्फ समझना है, कोई गलत बात नहीं सोचनी है, मैं आपके लिए हमेशा। या ये मान लीजिए आपने मेरे को कोई बात कही और मैंने बात को छोड़ दिया, तो फिर वहां नुकसान है। रोहित जी ने मेरे पे से विश्वास खो दिया कि यार ये बंदा काम करने लायक नहीं है, कोई बात नहीं कहीं और चले जाएगा, नीतीश शर्मा कहीं और चला जाएगा, कहीं और काम कर लेगा, वहां पे भी जाके कह देगा सर मेरे बस का काम नहीं है, मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये तो मेरे को पता ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकता काम, मैंने ऐसा कर दिया तो फिर तो मैं वहां से भी निकल जाऊंगा। ध्यान रखिए, विश्वास, आपका कम्युनिकेशन, आपका ट्रस्ट, आपके काम को अच्छा कहना, आपके काम को हमेशा प्रोत्साहित करना, ये आप ही का काम है। कंपनी आपके साथ हमेशा, कंपनी आपके साथ सदैव। अब जो आज के टाइम में चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, आज के टाइम में जो परेशानियां आ रही हैं, उसमें क्या क्या नतीजे निकल रहे हैं, किस किस तरीके से हम जूझ रहे हैं, जैसे मैंने एक स्टार का एग्जांपल दिया कि वो हाल ही में उनके साथ एक इंसिडेंट हो गया है, तो क्या क्या परेशानी आ रही है, गौरव उस चीज को डिस्कस करेंगे, बताएंगे। गौरव, मैं चाहूंगा कि एक बार गौरव के लिए भी जोरदार तालियां हों, क्योंकि गौरव भी काफी अच्छी चीजें आपके लिए बताने वाले हैं। तो प्लीज गौरव, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच नितेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, अब मैं आप सभी लोगों से बातचीत करने वाला हूं, तो सबसे पहले जितने भी लोग हैं, आप जहां भी खड़े हुए हैं या जहां पर भी बैठे हुए हैं, आपको करना क्या है, आपके दोनों हाथ जो भी हैं, अगर आपने सेलफोन पकड़ा हुआ है तो सिर्फ आप अपना एक हाथ उठाइएगा, अगर आपने सेलफोन नहीं पकड़ा हुआ तो दोनों हाथ कुछ इस तरीके से कीजिए। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो जिस तरीके से मैं यहां पर कर रहा हूं उस तरीके से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए दोस्तों। चलिए, ये तो थी एक छोटी सी एक्सरसाइज आप सभी लोगों के लिए, ताकि अगर आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं अकड़न हो गई है तो वो अकड़न थोड़ी सी ठीक हो। और अब मैं यहाँ आप सभी से पूछना चाहूंगा, और जवाब देने के लिए आप सभी लोग अपना हाथ हवा में उठाएंगे। मेरा सवाल आप सभी लोगों से है कि कितने लोग यहाँ पर किसी ना किसी तरीके के मैं एक बार यहाँ पर सभी से पूछना चाहूंगा कि कितने लोग किसी ना किसी तरीके के तनाव से ग्रस्त हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडर एनी टाइप ऑफ अ स्ट्रेस, जस्ट रेज योर हैंड। मैं भी अपने आप को इस लिस्ट में मानता हूँ। अगर आप समझते हैं कि आप भी किसी ना किसी तनाव में हैं, किसी ना किसी स्ट्रेस के अंदर हैं, तो अपना हाथ हवा में उठा दीजिए प्लीज।
तकरीबन 50-60% यहाँ पर अभी तकरीबन हमारे साथ में 35 लोग जुड़े हुए हैं और 35 लोगों के इस लिस्ट में तकरीबन 17-20 लोगों ने हाथ अपना हवा में उठाया, कुछ लोगों ने नहीं उठाया। बहुत अच्छी बात है अगर आप स्ट्रेस में नहीं है, वेरी वेल डन। और फिर भी अगर ऐसा कुछ आपको लगता है जिससे कि आपको समझ में आए कि हाँ आप स्ट्रेस में हैं, तो ये सारी बातें आप सभी के लिए हैं। अगर ये बातें आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हैं, तो भी आपको खासकर ये बातें सुननी है, क्योंकि आप नहीं तो शायद आपके परिवार में या तो आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके दोस्तों में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके अंदर तनाव के, स्ट्रेस के कोई ना कोई लक्षण हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जितने लोग हैं उन सभी से पूछना चाहूंगा, स्ट्रेस से, तनाव से आप क्या समझते हैं? जो कोई भी जवाब देना चाहता है प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए कि स्ट्रेस, तनाव आपके लिए। गौरव, आई गेस आपकी आवाज कट रही है। हाँ गौरव, आपकी आवाज अभी आ रही है ठीक से? अभी आ रही है लेकिन पहले कट रही थी। अच्छा, अभी मेरी आवाज तकरीबन सभी लोगों को आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं बीच बीच में, क्योंकि देखिए तकनीकी की अपने आप में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां हैं, थोड़ी बहुत खामियां जरूर है। मैं अभी जो भी अभी विशाखा जी उनको बताना चाहूंगा। अभी मैंने थोड़ी देर के लिए रोमा जी को इस ग्रुप से अभी निकाला है, बिकॉज उनकी तरफ से बार बार म्यूट अनम्यूट होता रहता है, बड़ा डिस्टर्बेंस रहता है बाकी लोगों के लिए। तो आई थिंक आप एक बार विशाखा जी उनको कॉल करके एक बार समझाइए सो दैट वी कैन कंटिन्यू फॉरवर्ड। तो मैंने पूछा कि आपका तनाव से क्या समझते हैं आप, स्ट्रेस से क्या समझते हैं आप, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए मुझे। और मैं मानता हूं कि एक एक का नाम लेके अगर आप बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए नितेश, मैं एक बार यहां पर पूछ लेता हूं प्रदीप कुमार नायक जी से। प्रदीप कुमार नायक जी, प्रदीप कुमार नायक जी बताइए मुझे सर कि स्ट्रेस, तनाव आपके लिए क्या है? फोन कर दूंगा, फोन तू जा। प्रदीप जी, चलिए मैं पूछता हूं। हाँ प्रदीप जी हैं, प्रदीप जी बोलिए। प्रदीप अपना माइक अनम्यूट करो। हेलो, बोलिए प्रदीप जी। हाँ जी सर बताइए, आवाज आ रही है। नमस्ते सर। नमस्ते प्रदीप जी, बताइए तनाव से, स्ट्रेस से आप क्या समझते हैं? क्या तनाव है, आप क्या समझ रहे हैं, आप किस चीज को आप लेकर तनाव में हैं? प्रदीप, क्या परेशानी है? हेलो, लाइफ में परेशानी है? सब ठीक है? माइक माइक बोलिए। लाइफ में सर कुछ परेशानी नहीं है, इसी कंपनी में जुड़े हुए हैं और काम भी सही चल रहा था। अभी ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। ये सिचुएशन तो अच्छी हो जाएगी, इस सिचुएशन को लेकर परेशान ना रहे। मैं आपसे बताता हूँ, आप जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी से बातचीत करना चाहूंगा इस बारे में और कहना चाहूंगा कि देखिए दोस्तों, किसी भी तरीके की फीलिंग जो कि इमोशनल या कि फिजिकल टेंशन दे, वो तनाव होती है, वो स्ट्रेस होती है। सो अ फीलिंग ऑफ इमोशनल और फिजिकल टेंशन इज नोन एज स्ट्रेस। तो बात आती है कि आप तनाव से बचें कैसे। गौरव जी, आपकी आवाज बहुत ज्यादा बिल्कुल हो रही है। गौरव, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आपका नेटवर्क बहुत जा रहे हैं। नितेश, मैं ज्वाइन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ माय सेल फोन।
मैं अपने सेल्फ जी जी आप कर लीजिए करी। तो मैं गौरव की बात को कंटिन्यू करता हूँ। गौरव ने कहा था कि तनाव की सिचुएशन में हम यहाँ पर जूझ रहे हैं, तनाव में हम गुजर रहे हैं, और काफी ऐसे मोमेंट आते हैं जब तनाव ना बढ़ जाता है, और ये तनाव आप किस तरीके से यहाँ पर हमें गौरव एक बार बताएंगे। गौरव प्लीज तनाव के बारे में कंटिन्यू कीजिए। करेक्ट नितेश, गौरव आपके दो डिवाइस ऑन है एक साथ। नितेश अभी मेरी आवाज अच्छे से आ पा रही है सभी लोगों को? ओके तो देखिए एक छोटी सी सेटिंग में यहाँ पर करूंगा सो दैट आई कैन हियर ऑल ऑफ यू। और नितेश मैं चाहूंगा कि जब मैं अपना अगला पॉइंट बोलता हूँ तो उसके एक मिनट तक आप कंटिन्यू करें ताकि मैं एक जो छोटी सी टेक्निकल जो कमी है उसको मैं ज्वाइन इन करूँ थोड़ी सी देर में, पर अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ फॉर नाउ। ऑलराइट, तो जितने भी यहाँ पर हमारे सज्जन सभी मौजूद हैं, आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस के बारे में, तनाव के बारे में। और जब स्ट्रेस की और तनाव की बात आती है तो कोई भी ऐसी फीलिंग, चाहे वो इमोशनल हो या फिजिकल हो, जिससे कि हमें टेंशन होती है, वो तनाव का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो मैं यहाँ जितने भी लोग हैं उनको ये बात कहना चाहूंगा कि आप इस तनाव को कैसे पहचान सकते हैं। तनाव को पहचानना, बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं तनाव के जो आप पहचान सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली मेंबर्स में, या फिर किसी अनजान इंसान के अंदर भी। तो जब कोई भी इंसान तनाव में होता है तो एक लक्षण हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि सारे लक्षण भी हों इनमें से जो मैं बताऊं, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी लक्षण ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक लक्षण उस इंसान के अंदर आपको दिखे। तो एक लक्षण ऐसा होता है कि उस इंसान की जो भूख है वो कम हो जाती है या तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो अगर कोई इंसान स्ट्रेस में है, देयर इज अ पर्सन हु इज अंडर स्ट्रेस और अंडर एनी काइंड ऑफ टेंशन, देन पर्सन लूजेस एपेटाइट, उसकी भूख कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। इसके अलावा एक और तरीका जिससे आप पहचान सकते हैं कि आगे वाला जो इंसान है ये स्ट्रेस में है, वो है बहुत ही आसान सा। अगर आपके आसपास का वो इंसान छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा करता है, कोई भी छोटी बात के ऊपर, जिस बात के ऊपर शायद उसे पहले कोई दिक्कत ना होती हो, पर पिछले कुछ दिन से या फिर शायद आज ही खास दिक्कत आने लगी है, तो और वो गुस्सा ज्यादा कर रहा है, तो ये एक लक्षण हो सकता है तनाव का। ज्यादा गुस्सा आना या छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना तनाव का लक्षण हो सकता है। बात करता हूं अगले एक और ऐसे सिम्टम की जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो तनाव में है कि नहीं। तो अभी तक मैंने बात की कि भूख कम लगना या भूख का खत्म हो जाना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना। एक और बहुत ही अहम लक्षण वो है नींद का उड़ जाना या नींद का कम हो जाना। यानी उस इंसान को जो स्ट्रेस में है, तनाव में है, उसको नींद कम आती है या तो नींद बिल्कुल ही गायब हो जाती है। गौरव जी मेरे को बहुत नींद कम आती है। श्याम जी हो सकता है कि तनाव हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप रात में कहीं कॉल किसी इंसान को मिला रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। जस्ट जो गौरव जी ये सबको परेशान करने के लिए आए धरती पे। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप ऐसे पर, मैं तो चाहूंगा सर आपका नींद ना ही आए। साहब ये तो शराब दे रहा है शकील तो मेरे को। मैं शराब नहीं दे रहा हूँ, अगर आप नहीं जाइए मतलब कुछ और है। आप अगर सो जाइएगा तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। सही बात आपने कही, और मैं बताऊं कि तनाव से बचना कैसे। और ये जो अभी हमारी बातचीत हुई है छोटी सी, ये भी तनाव से बचने में बहुत कारगर होती है। कैसे मैं बताऊंगा आपको। तो मैंने आपको बताया कि भूख कम लगना, नींद का कम आना, गुस्से का ज्यादा आना या छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये इंसान स्ट्रेस में है, कि ये इंसान किसी ना किसी तरीके के स्ट्रेस में जरूर है। तो अब तो ये बात हुई कि पहचानना कैसे है कि कोई इंसान स्ट्रेस में है। अब बात आती है कि स्ट्रेस में है तो आप उससे बचना कैसे है तनाव से, क्योंकि तनाव से बचना भी बहुत जरूरी है। गौरव जी, जी सर, आप थोड़ा वीडियो को गौर से देखो, संतराव तनाव में लग रहा मुझे।
संतराम जी को एक बार देख लेता हूँ सबसे पहले कि संतराम जी हैं कहाँ मेरी स्क्रीन हाँ, पर हाँ देखो जरा संतराम अभी थोड़ा पीछे हटे कैमरे से संतराम और एक शशि पर देखिए रूप सिंह जी तनाव में नहीं है बिल्कुल भी रूप सिंह जी तनाव छोड़ चुके हैं अगर थोड़ी देर तक मैं रूप सिंह जी से बात ना करूं तो रूप सिंह जी चादर सो जाएंगे रूप सिंह जी शिव बरन थोड़ा हंस भी दे यार चलो कंटिन्यू जी बिल्कुल सर तो बात आती है कि तनाव हो गया कि क्या है ये भी बात हो गई कि तनाव को पहचानना कैसे है अब बात आती है कि तनाव से बचना कैसे है देखिए एक तो होती है प्रोफेशनल हेल्प यानी कि एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाते हैं मनोचिकित्सक के पास और वो आपको दवा देते हैं पर उस लेवल तक हमें दिक्कत को बढ़ने ही नहीं देना है उस लेवल तक हमें तनाव को बढ़ने ही नहीं देना है तनाव जैसे ही दिखे जैसे ही ये लक्षण आपको दिखे जो मैंने अभी बताए हैं तनाव को वहीं के वहीं खत्म करना है खत्म कैसे करना है खत्म करने का बहुत ही आसान से जो तरीके हैं मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं यहां पर और वो तरीके कुछ इस तरीके से सबसे पहले तनाव को पहचानने के बाद आप टेक कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेस आप अपने तनाव पर नियंत्रण कीजिए तनाव के नियंत्रण में नहीं आना है आपको तनाव के ऊपर नियंत्रण करना है किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मान लीजिए कोई इंसान तनाव की वजह से गुस्सा बहुत करता है तो आपको पता होना चाहिए अगर ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं जरूरत से ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं तनाव क्या है क्या ये तनाव की वजह से अगर आप कहते हैं कि जी हाँ ये तनाव की वजह से ही है तो ये चीज आपको हेल्प करेगी तनाव में रिक्वेस्ट कि आप अपना माइक एक बार ऑफ कर ले पूरन जी थैंक यू पूरन जी गौरव जी नितेश जस्ट अ सेकंड मैं अपनी वीडियो पिन कर देता हूं अच्छा उसके बाद जैसे ही गौरव का एक पार्ट खत्म होगा गौरव आई के दो डिवाइस चल रहे हैं हाँ जी तो मैं बता रहा था कि आपको जैसे ही गौरव का ये वाला सेशन हम थोड़ा सा खत्म करेंगे तो मैं एक शख्स से मिलवाना चाहूंगा जिसका मैंने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था आपसे और आप लोग हैरान हो जाएंगे वाकई में ये शख्स को मैंने ज्वाइन करवाया है जबरदस्ती की एक बार आप बातचीत कर तो क्या नाम है मैं आपसे उसकी बातचीत कर रहा हूँ गौरव ओवर टू यू अभी के लिए जी नितेश तो मैं बता रहा था आपको कि आपको तनाव के ऊपर नियंत्रण करना है यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योर स्ट्रेस और तनाव के ऊपर नियंत्रण करने के लिए ये जो तरीके हैं मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं कि आप सबसे पहले तो सिर्फ हाँ कहना जरूरी नहीं है लर्न टू से नो यानी ना बोलना सीखिए आपको अपने सीनियर्स को ना नहीं कहना है ये चीज को समझेंगे You don't have to say no to your seniors. नितेश मेरी आवाज अच्छे से आ रही है आपकी आवाज पूरी है तो उसके पंख को मैं कंटिन्यू करूं सर नितेश मैं चाहता हूं कि आप एक मिनट के लिए ऋषभ से बात कराइए हमारी ऑडियंस की अभी मैं यहां पे कंटिन्यू करता हूं तो गौरव ने बोला था कि हमें अपने क्यों नहीं कर सकते आप बताओ ऐसे भी सीनियर्स होते हैं कि देख लो अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है और नहीं कर सकते हो तो भी अच्छी बात ठीक है अब पहला केस बताता हूं जब आपको सीनियर इग्नोर कर दे कहते हैं कि चलो ठीक है अगर नहीं हो सकता तो छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है छोड़ दो इन द सेंस कि वो केस में उस सीन में सीनियर के दिमाग में ये बात बैठ जाती कि भाई ये बंदा लायक तो है नहीं इस चीज के आगे अगर कोई बड़ा काम आ गया तो मैं उस चीज को छोड़ दूंगा इसको नहीं दूंगा किसी और को दे दूंगा चाहे वो कोई भी बंदा हुआ
मान लीजिए अगर मेरे को कोई काम, मैंने अपने सीनियर को मना कर दिया, मैंने कहा कि मैं आज सर मैं तो नहीं कर पाऊंगा ये काम, अगर मैंने उस काम को मना कर दिया तो मेरा सीनियर कहेंगे कि ठीक है एक काम करता हूँ, ये संजय जी को काम दे देता हूँ, संजय जी ये काम कर सकते हैं, ये मुझे पक्का पता है। वो काम नहीं देंगे, वो संजय जी को काम दे देंगे, वो अलूरी जी को काम दे देंगे, वो अजीत जी को काम दे देंगे, वो और लोगों को काम दे देंगे, लेकिन वो मुझे काम नहीं देंगे। पहले तो ये हुए, पहले सीनियर। दूसरे सीनियर जो कहते हैं कि भाई क्यों नहीं कर सकते, किस लिए नहीं कर सकते, वो आपसे जवाब मांग रहे हैं। रामपाल जी प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए। अच्छा, जो दूसरे सीनियर हैं, दूसरे तरीके के सीनियर हैं, कि वो कहते हैं कि भाई क्यों नहीं कर सकते, यानी कि इसका मतलब उस सीनियर को आपसे एक्सपेक्टेशन है, वो आपसे चाहते हैं कि आप उस काम को करें। रोहित जी मैं चाहूंगा कि प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें। रामपाल जी प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें। जिस किसी का भी माइक ऑन है प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें, क्योंकि आवाज बहुत आ रही है, तो मुझे अपनी आवाज भी बोलने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि जो सीनियर है अगर वो आपसे जवाबदेही करते हैं, अगर आपसे जवाब मांगते हैं, और जवाब मांगते वक्त वो कहते हैं कि भाई क्यों नहीं कर सकते, इसका मतलब वो बंदा बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके आया था आपसे, वो बंदा बहुत ही दिल लगा के लेके आया था कि आप इस काम को कर सकते हो, लेकिन आपने ये काम नहीं किया, तो वो जवाब मांग रहा है, यार मेरी तो बड़ी एक्सपेक्टेशन थी तो उससे कि तू ये काम कर सकता है, मेरी तो बड़ी एक्सपेक्टेशन थी और हमने मना कर दिया उन चीज को, तो वो क्या नाम है उस चीज के अलग होते हैं। तो ये एक अलग तरीके के सीनियर होते हैं। पहले वो जिनको पता कि भाई ये नहीं कर सकता, छोड़, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वो जिनको पता है कि भाई ये बंदा कर सकता है, लेकिन मैं गया तो उसने मना क्यों कर दिया, क्या बात हुई, क्या वजह हुई जिसने मना कर दिया। अब तीसरे आते हैं जिन्हें बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन्हें ये भी फर्क नहीं पड़ता कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, जिन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि ये काम करेगा नहीं करेगा, जिससे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो काम करेगा नहीं करेगा। मैं आपको बता दूं, अगर उस इंसान को फर्क नहीं पड़ता तो उसके नीचे कभी काम मत करना, ये बहुत सच्ची बात बता रहा हूं। यासिर जी आपका माइक ऑन है सर, एक बार माइक ऑफ कर दे प्लीज। रोहित जी आप अपने माइक को बार बार ना क्लिक करें, मैं आपको म्यूट कर रहा हूं अभी, आप माइक वाले बटन को क्लिक नहीं करेंगे फिर से सर। रोहित जी, रोहित खरालिया जी, रोहित खरालिया, आप अपने माइक वाले बटन को क्लिक नहीं करेंगे सर दोबारा। तो मैं बात कर रहा था कि ऐसे ऐसे जो सीनियर हैं, ऐसे जो सीनियर हैं जो कहते हैं कि जिनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनके नीचे तो कभी काम नहीं करना आपको, लेकिन जो सीनियर है जिसको फर्क पड़ रहा है वो पूछ रहा है आपसे कि भाई क्या बात है कि तुम काम क्यों नहीं कर सकते, यार मैं तो बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके आया था तेरे पास और तू ये काम नहीं कर रहा मेरा। उस इंसान के लिए अगर आप काम ना करें तो मैं बता दूं कि आप किसी के लिए भी नहीं कर सकते फिर तो। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ये सबसे ज्यादा विश्वास वाली चीज है। अगर आप ऐसे सीनियर जो आप सीनियर को मना कर देते हैं, जो जवाब नहीं चाहता उसको तो छोड़ दो, जिसको आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है और वो एक्सपेक्टेशन किसी और से है, तो इसका मतलब आपका पत्ता साफ हो गया। और तीसरी चीज जिससे फर्क नहीं पड़ता, तो किसी से भी फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन आपके पास लेकर आया है, ध्यान रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, अगर आपने उस इंसान के लिए काम नहीं किया तो ये उस तरीके से होगा कि बच्चा अपने बाप के पास एक्सपेक्टेशन लेके आता कि पापा पापा आज नया वीडियो गेम लूंगा, या फिर क्या नाम है बच्चा नहीं तो फैमिली मेंबर को एक्सपेक्टेशन लेके आता कि अरे यार आज हम ना ये यहाँ पे घूमने चलेंगे, और आपने उसका दिल तोड़ दिया। वो दिल तोड़ दिया ना, तो वो कहीं ना कहीं खटास आ जाती है, यार ये बंदे ने मेरा काम मना कर दिया। अच्छा मैं एक क्या नाम है गौरव, मैं चाहूंगा कि एक शख्स से मैं थोड़ा सा रूबरू कराऊं। तो मैं चाहूंगा कि अभी ये शख्स जो है ना आपकी को मतलब बड़ा मोटिवेशन देंगे, ये शख्स मुझे लगता है कि ऋषभ जी आप अपनी ना वीडियो ऑन कर लीजिए एक बारी, मेरे को मेरे कहने पे ना ऋषभ जी बड़ी मुश्किल से आए, ये एक शख्स हैं। ऋषभ की अगर अब हम वीडियो पिन कर सके गौरव। ओके सो ऋषभ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ ऋषभ, उसके बाद माइक अनम्यूट करना, फिर अपने बारे में बताना। देखो मैं अभी किसी को कुछ नहीं बता रहा, मैं कोई सिखा पढ़ा के नहीं लाया, ऋषभ मेरे पास एम्प्लॉय है, मैं आपको बता दूं ये मेरा सबसे पहला एम्प्लॉय है,
और मेरी कंपनी का सबसे पहला एम्प्लॉय, मेरी खुद की कंपनी है, क्या नाम है, ये आदित्य सर जानते हैं, महेश जी जानते हैं और भी लोग जानते हैं, गौरव मेरा पार्टनर है, बहुत अच्छा, हम दोनों भाई की तरह साथ साथ रहते हैं। बट ये बंदा ऐसा है जो पहली बार, पहला बंदा है, ये पहला एम्प्लॉय है मेरी कंपनी का, और क्या नाम है, आपको विश्वास नहीं होगा अब ये आपको जो बताएगा, लेकिन हमने कुछ जो आप लगा लीजिए कि इसने मुझे ज्वाइन किया था 2018 में, करा था गौरव या 17 में, 2017 में करा था, 2017 में किया था, मैं माफी चाहूंगा कि क्या नाम है, मेरे को ध्यान नहीं रहा, बट मैं चाहूंगा कि क्या नाम है, एक बार ऋषभ अपनी जर्नी के बारे में बताया और इन 3 महीनों के बारे में बताए कि क्या सिचुएशंस हुई हैं। तो ऋषभ प्लीज अपना माइक अनम्यूट करो और एक बार अपने बारे में थोड़ा सा इनको बताओ कि कहां से आपने स्टार्टिंग करी, क्या किया, किस तरीके से, माइक को अनम्यूट करके प्लीज आप अपनी चीजों के बारे में बताओ। ऋषभ माइक अनम्यूट है अभी भी आपका। नितेश वेट, हाँ एक बार आप देखो गौरव, आप अगर सुनेंगे ना हैरान रह जाएंगे, मतलब मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आपको लग सकता है कि मैं बहुत बड़ी डिंगे मार रहा हूँ, बहुत बड़ी बातें कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि यार क्या बातें कर रहा है, ये खुद ही बता रहा है, लेकिन ये बंदा अगर खुद बताए तो ज्यादा बढ़िया। माइक से, हाँ जी ऋषभ बोलिए। हाय सर, तो ऋषभ अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करो। हाय, हेलो, माय नेम इज ऋषभ, मेरा नाम ऋषभ है, मैं टीम वर्क इंडिया से हूँ और मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ टीम वर्क इंडिया में, और ये जर्नी मेरी ऐसे शुरू हुई थी नीतीश सर और गौरव सर के साथ कि पहले मैं एज अ इवेंट में काम करता था, एज अ प्रमोटर काम करता था इवेंट में, या इवेंट मैनेजर के थ्रू मैं जाता था, महीने के दो काम आते थे, 500, 500, 1000, 800 रुपए के, और उसी में हमारा गुजारा चलता था कि मतलब जा रहे हैं अपनी पॉकेट मनी की तरह, महीने के महीने हो गई काम तो ठीक है, यही सब चलता था हमारा। तो फिर किसी एक्सीडेंटली मैं इनके शो में मिला था, मैं इनका फर्स्ट शो था टीम वर्क इंडिया का, मैं कंपनी का नाम भी नहीं पता था ऑनेस्टली, तो एक्सीडेंटली फर्स्ट शो था इनका टीम वर्क इंडिया का, और मेरे को नीतीश सर और गौरव सर मिले थे वहाँ, तो मैं किसी के थ्रू गया था, और मैंने जब वहाँ पे काम किया था, मेरे को, मैं क्या बताऊँ, मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला था इनके साथ काम करने में, और मेरे को तब मिले थे 300 रुपए मिले थे, मैंने 300 रुपए से स्टार्ट किया था इनके जब इनके साथ मैंने काम करना शुरू किया था, और वहां से नीतीश सर और गौरव सर ने मेरे को जोड़े रखा, उन्होंने मतलब भरोसा दिया मेरे को कि आगे भी हम काम बताएंगे आपको, और जब भी शो आते थे महीने में एक या दो आते थे, 2-3 हर हफ्ते आते थे पहले, तो जब भी शो आते थे मैं, मेरे पास कॉल आ जाया करता था, और मैं एज अ प्रमोटर चले जाया करता था, और वही है कि वहां से शोज कंडक्ट करवा, वहां से प्रॉप्स और गेम्स के प्रॉप्स और सब देख रहा। ऋषभ इनको एक बार जॉब के बारे में बताओ कि तुमने जॉब कैसे स्टार्टिंग की, क्या मतलब रहा तुम्हारा जॉब का सिनेरियो? जॉब का सिनेरियो मेरा ऐसा था कि नीतीश सर है जो, इन्होंने मेरे को सबसे पहले कह दिया था जब इनके साथ काम करना बीच में शुरू करे, तो इन्होंने कह दिया था कि जब भी ऑफिस खुलेगा सबसे पहले तेरे को ज्वाइन करेंगे, और इन्होंने, मैं मानूंगा नहीं, मैं बताऊंगा कि उसके एक साल बाद ही जब ऑफिस खुला हमारा पिछले साल तो इन्होंने ज्वाइन कराया मुझे एज अ फर्स्ट एम्प्लॉय, और जब भी ऑफिस खुला मैं ज्वाइन करा, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया मैंने इनके साथ, और बहुत कुछ सीखने को मिला, और ऑफिस ज्वाइन करने के साथ साथ इन्होंने जो जो काम होते हैं, जो जो मतलब कैसे करा जाता है कैसे नहीं करा, मेरे को मोटिवेटेड रखा हमेशा इन्होंने ऋषभ मेरे साथ। इसके अलावा अभी करंट सिनेरियो, स्टोरी पूरी मैं सुनाऊंगा सबको, क्योंकि क्या नाम है, तुम अपने करंट सिनेरियो को बताओ, 3 महीने की बात जो अभी है। अभी करंट सिनेरियो ये है कि मतलब तीन महीने से मतलब सैलरी तो नहीं मिल पाई, लेकिन मेरे को भरोसा है इन पे, मेरे को अपने दोनों सर पे भरोसा है कि मेरे को मिल जाएगी, मेरे को उसकी कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है मेरे को, क्योंकि मैंने सर क्या, मैंने सबसे पहले भाई बुलाता था, मैं सच बताऊं तो, और टू बी ऑनेस्ट, तो फिर लेकिन मैं, ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं शुरू से, मेरे भरोसा है इन पर, और मैं तो ये चाहूंगा कि तो मैं चाहूंगा थोड़ी देर के लिए रोकना, क्योंकि मैं सबको एक ना बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, जल्दी से खत्म करूंगा मैं स्टोरी। स्टोरी ये है कि क्या नाम है, ये स्टार्टिंग में मेरे साथ आया था ऋषभ, और ये बेचारा
एक दिन का एक इवेंट करता था और हमारे महीने में 3 या 4 इवेंट होते थे, कभी 500 मिल जाते थे, कभी 300 मिल जाते थे। सर टोटल महेश जी महीने का ना इस बंदे को 1500 या 1600 रुपए मिलता था। 1500-1600 रुपए में किसी का गुजारा नहीं चलता सर, आज के बिल आ जाते हैं मोबाइल के, 1500-1600 में बिल आ जाते हैं और थोड़ी मोड़े खाना पीना हो जाए तो एक बंदा स्टारबक्स में 2 बार चला जाए खत्म हो जाएंगे पैसे। तो इस बंदे ने कहा कि मुझे काम करना है। डेडिकेशन देखिए सर आप, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा, विश्वास रखना मैं इस चीज से, इस सेशन से अपने बहुत प्यार करता हूं, तो मैं इस चीज को कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और ये बंदा मेरे साथ जुड़ा, इसने कहा कि सर मुझे काम करना है, मुझे जॉब पे लगा लो। मैंने कहा देख अभी मैं ऑफिस खोलने के लायक नहीं हूं, जिस दिन हो जाएगा तू सबसे पहला एम्प्लॉय होगा। ये मेरे पीछे लगा रहा, इसको पता था कि इसको मैं लगा लूंगा। ये 1500 रुपए से सर स्टार्ट हुआ, 1500 भी कैसे, इसको 500 रुपए एक दिन के मिलते थे, महीने में 3 काम आए तो 1500 हो गए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसने पूरा अपना रखा कि सर कोई काम तो नहीं आ रहा, भैया कोई काम तो नहीं आ रहा, ये मेरे को भैया ही बोलता है, अभी तक भैया बोलता है सर, तो ये आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूं, ऑनेस्टली बता रहा हूं। लेकिन इस बंदे ने डेडिकेशन इतनी रखी ना कि मुझे क्या नाम आप ही के साथ रहना है कुछ। इसकी मम्मी फोन करती थी, ये 22-23 साल का ही है अभी, आपसे तो बहुत ही छोटा है, इवन हम सबसे छोटा है, 22 साल का है, 23 साल का है, अब तो 24 का हो गया होगा। लेकिन इसकी मम्मी फोन करती थी, मुझे चिंता हो रही है बेटा ये पता नहीं कहां जाता है, क्या करता है, आपके साथ है नहीं है। हमने कहा कोई नहीं आंटी, हम करवाएंगे इसको, तो कुछ ना कुछ करवाएंगे, किसी ना किसी के लिए इंसान ने, ऊपर वाले ने एक चीज सेट कर रखी होती है, वो जरूर होगी और होगी, मैं चैलेंज करता हूं। मैंने इसकी मम्मी को ये बोला, मैंने कहा 1.5 साल में अगर आपके लड़के को नहीं लगाया ना तो आप छुड़वा देना, चाहे किसी को भी कुछ भी हो जाए, मैंने ये बात कही। अब मैं बात बताता हूँ, ऑफिस स्टार्ट हुआ, ये सबसे पहला एम्प्लॉय था, ऑफिस स्टार्ट हुआ सबसे पहला एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉय अपनी सैलरी तो छोड़ो अपने पर्सनली जेब से लगा के पैसा भी नहीं आएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आज इस बात को कि पर्सनल जेब से पैसा लगा के नहीं आएगा। ये एक लौता ऐसा बंदा था कि मैंने इसको कहा मैं तेरे को अभी सैलरी नहीं दे सकता, लेकिन मैं तेरे को तेरे आने जाने का पैसा दे सकता हूँ। मैं कहा तू करना चाहेगा, इसने कहा मैं करूंगा। इसने आने जाने का पैसा खुद लगाया पहले, फिर उसके बाद मैंने इसको खाली ट्रैवल दिया। मैंने कहा तेरा 6000 लगता है आने जाने का, मैं तेरे को ट्रैवल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, है ना। जैसे ही ना मैं, इसने धीरे धीरे मेरे साथ आना चालू करा, इसने चीजें चालू करी, सब कुछ करा, धीरे धीरे मैंने इसको सीधे सैलरी पे लग गया, मेरा काम बढ़ने लगा, मैंने इसको सैलरी पे रख गया, इसके घर वालों को विश्वास हुआ, इसके सभी लोगों को विश्वास हो गया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सर महेश जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये हमारे जितने भी परिवार वाले ये सारे बैठे हैं, यासिर जी बैठे हैं, रुपेश जी बैठे हैं, हमारे पूरन जी बैठे हैं, विशाखा जी बैठे हैं, सब हाफ सैलरी ले रहे हैं, सब हाफ सैलरी ले रहे हैं। इस बंदे को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये एक लौता ऐसा बंदा है, एक दिन फोन नहीं करा इसने कि भैया सैलरी दे दो मेरी। इसको इसको इतना विश्वास है इसको अच्छा इसके मन में ये भी था, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह रहा, देखिए हर किसी इंसान को सैलरी की जरूरत होती है, हर इंसान के अपने सपने होते हैं, हर इंसान की अपनी जरूरत होती है, किसी का परिवार है तो उसको सैलरी की सबसे ज्यादा जरूरत है, ये मैं मानता हूं। बट मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, मैं कुछ किसी को गलत नहीं डिनोट करना चाहता, किसी को बताना नहीं चाहता। ये शख्स ऐसा शख्स है जिसने 3 महीने में एक बार भी नहीं बोला, 18 मार्च ऋषभ 18 या 19 मार्च कब बंद करा था ऑफिस, 18th 18 मार्च 2020 को ऑफिस बंद करा था, आज डेट है 27 जून 2020। सर इसने एक फोन नहीं किया, एक फोन नहीं, इसने सिर्फ ये फोन किया भैया क्या चल रहा है, कुछ नई चीजें बनी कि नहीं बनी, मैं आज ये पोस्ट कर दूं कि नहीं कर दूं, सोशल मीडिया प्रमोशन कर दूं कि नहीं कर दूं, मैं ये कर दूं। डेडिकेशन देखिए आप, अगर मैं इसको कह दूं सर ये इतना, मतलब मैं किसी की तारीफ मुंह पे नहीं करना चाहता, ये शायद इसका पहला सेशन होगा जिसकी मैं इतनी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन एक बात आपको बता दूं, आप इसका नंबर ले लो और आप इसको ये कह दो कि क्या नाम है 6 बजे सुबह के 5 बजे सुबह के 4 बजे सुबह के मिलना है, तो ये 4:01 पे खड़ा होगा और फोन आएगा आपको कि सर मैं यहाँ पर हूं। आप देखिए कि कहने में डेडिकेशन है। तो यही मैं और गौरव यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, हमारे काम में सिर्फ एक ही चीज है, वो है कमिटमेंट। एक बार हमने किसी को कमिट कर दिया, ये सलमान खान वाली बात है वैसे, आप क्या नाम है अगर समझे कि एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं सिर्फ अपने बॉस की सुनूंगा और किसी की नहीं सुनूंगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है सर कि आप देखिए कि कोई इंसान कितना कमिटेड है, अगर इंसान दृढ़ निश्चय लेके बैठा हो ना तो
500 वाला 20,000 पे भी जा सकता है। ऋषभ आपके सामने एग्जांपल है, और मैंने इसको बोला है कि मैं तब तक चैन नहीं लूंगा। महेश जी मैं मतलब आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने इसको बोला है कि तू तब तक मेरे साथ मेरे अंदर ऐसे ना मतलब पिन मारता रही हो जब तक मेरे साथ तू 40,000 रुपए सैलरी ना ले मेरे से पर्सनली। और सर एम्प्लॉयज है, मैंने उनको इसलिए जान के नहीं दिया लाइन पे कि कह रहा मैं सबसे पहला एग्जाम्पल देता हूँ जो मेरी लाइफ का एकदम साक्षात है, सामने है मेरे। तो ये पहला ऐसा एम्प्लॉय है जिसको मैंने कहा था कि जब तक तू मेरे से 40,000 रुपए सैलरी नहीं लेगा ना एक दिन की, तब तक मैं चैन नहीं लूंगा। तो मैं चाहता हूं कि हर इंसान के अंदर ऐसी डेडिकेशन हो, हर इंसान के अंदर ऐसी सोच हो, हर इंसान के अंदर ऐसा जज्बा हो। अगर वो है तो सब कुछ है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, कमिटमेंट बहुत जरूरी है, काम से प्यार जरूरी है, सब कुछ जरूरी। आप सब कुछ करते अगर कमिटमेंट नहीं है तो कुछ नहीं है। देखिए, और मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बस आपसे शेयर करूंगा, मैं दो मिनट आपको सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। अगर कुछ लोग लीव कर चुके हैं कन्वर्सेशन को और वो वापस जुड़े हैं तो बेटर रहेगा, तो मेरे लिए यही अच्छा है ताकि वो सारी बातों को सुने। तो मैं ये बता रहा था आपको, कमिटमेंट ऐसा होना चाहिए ना कि सर हिला दो, आप ये कहो कि क्या नाम है मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। कि श्याम जी ने बोला है, अरे सर हम ही करेंगे, कुछ नहीं हो सकता, कि कोई नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। शकील जी बोलेंगे कि मैं कर सकता हूँ, यासिर जी बोलेंगे मैं कर सकता हूँ, अजीत जी बोलेंगे मैं कर सकता हूँ, सब लोग बोलेंगे, विशाखा जी बोलेंगे अरे सर क्यों भेज रहे हो किसी को, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं बैठी हूँ, रोहित जी बोलेंगे यहाँ पर, और जितने भी लोग हैं। अगर इस बात को आज एक कान खोल के एक बात समझ लीजिए कि ये कमिटमेंट आपने देना सीख लिया ना। एक बात बहुत सिंपल है, मैं बताता हूँ, एक कैसे दिखाऊं आपको, एक मिनट मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, मैं एक और डिवाइस से ऑनलाइन आ रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा। गौरव मेरी मैंने अभी वीडियो ऑफ करी है, मेरे इस डिवाइस को आप वो कर सकते हो जो मेरा अभी दोबारा से आया है। जी जी जी, मैं वो दूसरा डिवाइस पिन करता हूँ। पिन करिए, मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा आपको कि कमिटमेंट क्या होता है। अपने आप से अगर कमिटमेंट करते हैं आप। जी नितेश। अच्छा मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ सभी को गौरव। सर अगर जिसको भी दिख पा रहा हो मुझे बताना, ये दिख रहा है मेरा मोबाइल सबको, एक सेकेंड, ये मेरा मोबाइल सबको दिख रहा है जी। अगर दिख रहा हो तो इस पे लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूं, अब मैं बता देता हूं मैंने मोबाइल पे क्या लिख रखा है। कमिटमेंट सर इसे कहते हैं कमिटमेंट, कि ओन हाउस अपना घर सर्च चल रही है, मतलब देख अभी देखना चल रहा है, सर्च चल रही है, और डेट बता देता हूं आपको क्या लिखी हुई है, 10 फरवरी, 10 फरवरी यहाँ पे लिखी हुई है, 10 फरवरी अगर दिख रही हो तो 10 फरवरी 2021 तक मुझे लेना है, ये मेरी कमिटमेंट है मुझसे, ये मेरी कमिटमेंट है, 10 फरवरी 2021 तक मुझे घर लेना है। क्यों लेना है पता है, क्योंकि तो मैं चाहता हूं कि मैं इतना काम करूं, इतने अच्छे तरीके से काम करूं, मेरी कंपनी अभी मुझे सैलरी इतनी देती है जितनी आपकी कंपनी आपको देती है, मेरी खुद की कंपनी सर, मेरी खुद की कंपनी मुझे 18,800 रुपए देती है टीडीएस कार्ड कूट पे जो भी आता है। अब आप बताइए, जब मेरी खुद की कंपनी मुझे इतना दे रही है तो मैं कैसे करूं, मैंने मेरे को हार्डवर्क करना है उस चीज पे, मेरे को पता है अगर मैं उस चीज का कमिटमेंट करूंगा, उस चीज का दृढ़ निश्चय रखूंगा, तो गारंटेड कह रहा हूं कि दुनिया का क्या किसी का बाप भी आ जाए तो कुछ नहीं होगा, मैं करके दिखा दूंगा ये चीज, ये आप में होना चाहिए। अब आपको कह रहा हूं गौरव आप कंटिन्यू करना चाहेंगे या फिर मैं ही कंटिन्यू करूं इसे। नितेश मैं अपना जो मेरा टॉपिक है मैं एक बार वो कंप्लीट कर लेता हूँ, एंड देन उसके बाद में एक गेम है हमारे सभी ऑडियंस मेंबर्स के लिए, और फिर हम जो कंप्लीट फ्लो है जो फॉलो कर रहे हैं उस फ्लो में फिर से वापस आएंगे। ठीक है ओके। सो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे तनाव के बारे में, हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रेस के बारे में। तो जब स्ट्रेस के बारे में तनाव के बारे में बातचीत चल रही थी तो मैंने आप लोगों को बताया कि आप सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पहचान सकते हैं। सिम्टम्स के बाद में मैंने आपको बताना शुरू किया था कि आप किस तरीके से इस स्ट्रेस को तनाव को दूर कर सकते हैं। मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि आपको टेक कंट्रोल, आपको नियंत्रण करना है अपने तनाव के ऊपर, तनाव आपके ऊपर नियंत्रण करे ऐसा नहीं होने देना है।
आपको तनाव के ऊपर नियंत्रण करना है। आपको ये देखना है कि आप तनाव की वजह से गुस्से में तो नहीं जा रहे हैं, गुस्से में तो बातचीत नहीं कर रहे हैं, नहीं, आपको वैसा नहीं होने देना है। उल्टा आपको समझना है कि अगर आपको कहीं गुस्सा आ रहा है तो कहीं उसका कारण तनाव तो नहीं है, कहीं उसका कारण स्ट्रेस तो नहीं है। अगर आपको नींद कम आ रही है, भूख कम लग रही है, तो आपको ये समझना है कहीं इसका कारण तनाव तो नहीं, और अगर तनाव उसका कारण है तो मेरे अगले कुछ एक जो पॉइंट्स हैं वो आपको बताएंगे, वो आपको समझाएंगे कि हाँ किस तरीके से आप इस तनाव को पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, और जब तनाव आपके कंट्रोल में आ गया तो कैसे उस तनाव को बोल सकते हैं कि भाई तनाव अब हमने की तुझसे टाटा बाय बाय नमस्ते, अब तनाव जी आप अपने रास्ते जाइए। तो मैं आपको बताने वाला था, मैंने आपको बताया था दैट यू हैव टू लर्न टू से नो, आपको ना कहना सीखना है। फिर मैंने आपको बताया था आपको अपने सीनियर्स को ना नहीं कहना है, जिसके ऊपर नितेश ने आपको बहुत अच्छे पॉइंट समझाए। आपको लर्न टू से नो ये वाली लाइन को याद रखना है, यानी कि मान लीजिए मैं आपको कहूं कि एक दिन में आपके पास कितने घंटे हैं, 24 घंटे आपके पास हैं, 24 घंटे मेरे पास हैं, पूरी दुनिया में कोई भी इंसान अगर है तो उसके पास एक दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे हैं। मान लीजिए उस 24 घंटे में सिर्फ मैं 8 घंटे या 10 घंटे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, तो मेरे पास स्ट्रेस कम है। वहीं पर मेरे घर वाले मुझे 4 काम दे दें तो वो 4 काम भी मुझे उसी दिन 24 घंटे में पूरे अगर करने पड़े तो मेरे ऊपर थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर होगा, मेरे ऊपर थोड़ा सा ज्यादा दबाव होगा। अगर ये अलग अलग चीजों का दबाव मेरे ऊपर इसी तरीके से बढ़ता जाता है तो ये कहीं ना कहीं तनाव में बदल जाएगा, मेरी खिंचाहट में बदल जाएगा, मैं खींच जाऊंगा। शायद मैं कह दूं कि अपने घर वालों को कह दूं कि आप ये क्या बात कर रहे हो, मुझे बात नहीं करनी है इस बारे में, या शायद मैं नितिश को बोल दूं या फिर मेरे जो डायरेक्टर हैं उनको बोल दूं कि सर मैं इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करना चाहता या मैं ये सेशन नहीं करना चाहता क्योंकि मैं तनाव में हूं। तो सबसे पहले आपको समझना है, सीखना है कि तनाव आपको कहीं तनाव तो नहीं है। फिर आपको लर्न टू से नो इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि ज्यादा चीजों को एक दिन में करने के लिए इकट्ठा मत कीजिए। लर्न टू से नो टू सम अननेसेसरी थिंग्स। मान लीजिए आपके घर में आपके छोटे भाई ने, आपके बड़े भाई ने बोला कि ये काम तुम करो जाके, और अगर आपको लगता है कि वो काम वो कर सकते हैं और वो काम सिर्फ आपको देने के लिए दिया जा रहा है, तो आप उनको बताइए, समझाइए कि मेरे पास ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कंपनी की तरफ से काम है जिसको करने में मैं बिजी हूं, और मैं वो काम को खत्म करने के बाद शायद आपका काम आज या कल में कर पाऊंगा, पर अगर आपको उससे पहले वो काम करवाना है तो उस काम को या तो आप आज खुद कंप्लीट कर लीजिए या तो आप किसी और को दे दीजिए, या अगर पॉसिबल है तो कल हम इस काम को कर लेते हैं। याद रखिए लर्न टू से नो बहुत ही ज्यादा महीन धागे वाली चीज है। आपको अपने सीनियर्स को मना नहीं करना है, अपने घर वालों को नाराज नहीं करना है, आपको बातें और चीजें टालनी नहीं, क्योंकि ये भी अपने आप में बुरी आदत होती है। किसी और सेशन में मैं इस वाले टॉपिक को जरूर लूंगा कि किस तरीके से चीजों को टालना बंद कर देना चाहिए हम लोगों को। अगला जो पॉइंट है जिससे आप तनाव को कम कर सकते हैं, यू कैन कंट्रोल योर स्ट्रेस, एंड दैट इज इफ यू आर टेकिंग रेस्ट देन प्लीज डू इट सो। यानी कि अगर आप बीमार हैं, इफ यू आर फीलिंग इल, यू आर फीलिंग सिक, प्लीज टेक रेस्ट। कहते हैं पहला धन निरोगी काया, दूजा धन घर में धन माया, तीजा जो सुख है, जो तीजा सुख है वो है गुणवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। तो सबसे पहले जो आपकी हेल्थ है, जो आपका सबसे पहला धन है, आपको उसको सबसे ऊपर रखना है। अगर आपको किसी तरीके से आपकी तबीयत नासाज लग रही है, अगर आपको लग रहा है आपको बुखार होने वाला है या हो रहा है या हो चुका है, तो उसका ध्यान कीजिए, सबसे पहले रेस्ट कीजिए। और जब आप रेस्ट करने के बाद फिट एंड फाइन फील करने लग जाएं, दवाई लेने के बाद, गोली लेने के बाद, सिर्फ रेस्ट करने की वजह से, तब आप तैयार हो अपने काम को फिर से पूरी ताकत के साथ, पूरे शिद्दत के साथ करने के लिए। यानी आपको सबसे पहले नियंत्रण करना है अपने तनाव पर, टेक कंट्रोल। आपको अननेसेसरी चीजों को कहना है नो, लर्न टू से नो। थर्ड पॉइंट इज रेस्ट इफ यू आर सिक, अगर आप बीमार हैं तो विश्राम कीजिए, आराम कीजिए। सो टेक रेस्ट इफ यू आर सिक। नेक्स्ट इज
अगला पॉइंट जो जिससे कि आप अपने तनाव को कंट्रोल में कर सकते हैं, कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके एक दोस्त है, कम से कम एक दोस्त है, अपना हाथ उठा दीजिए। अगर आपका सिर्फ एक दोस्त है, सिर्फ एक दोस्त है, चलिए बात करते हैं सिर्फ एक दोस्त की, अगर सिर्फ आपका एक ही दोस्त है हाथ उठा दीजिए। अगर आपके तीन अच्छे दोस्त हैं तो आप अपना हाथ उठा दीजिए, तीन अच्छे दोस्त हैं तो हाथ हवा में उठा दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास में एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, दैट यू नीड टू हैव समवन यू कैन टॉक टू, कि कोई एक ऐसा इंसान हो जिससे आप अच्छे से बातचीत कर पाए, अपने दिल की बात साझा कर पाए। ये आपका दोस्त भी हो सकता है, आपकी धर्मपत्नी भी हो सकती हैं, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपका कोई, आपके घर में कोई मेंबर भी हो सकता है, एनी फैमिली मेंबर, आपके माता पिता भी हो सकते हैं। तो आपको अपने तनाव के बारे में बात करनी है। याद रखें, जैसे ही आप अपने दिल की बात को साझा करते हैं किसी से भी, तो आपका तनाव काफी हद तक खुद ब खुद कम हो जाता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि खत्म हो जाता है, पर काफी हद तक कम हो जाता है। तो याद रखिए, जब भी आपको लगता है कि आप तनाव में हैं, यानी आप तनाव का कोई भी लक्षण, जैसे कि भूख कम लगना, नींद कम आना, ज्यादा सोचना, गुस्सा करना, इस तरीके का कोई भी लक्षण फील करते हैं अपने अंदर, तो आपको अपने किसी परिवारजन से, मित्र से अपनी बात को साझा करना है। यू हैव टू शेयर योर थॉट्स, यू हैव टू शेयर योर फीलिंग्स। नितिश कुछ कहना चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि नितिश इस बात पर कुछ जरूर बोले। जी नितिश। नितिश जस्ट होल्ड ऑन, वेट। गौरव जी। नितिश एक सेकेंड। आवाज आ रही है गौरव जी? नितिश बिल्कुल। तो वैसे तो बहुत एक फनी बात है, बट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे गौरव ने कहा कि अपनी बातें शेयर करनी है, अपनी चीजों को शेयर करना है, और हमें अपने दुखों को, चीजों को शेयर करना चाहिए आपस में। आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर लेडीजों को सबसे कम हार्ट अटैक आते हैं, क्यों? मैं आपको बता दूं कि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग लेडीज इतना ज्यादा बोलती हैं, मतलब ये देखिए, कोई भी लेडीज गलत ना समझे इस चीज को, मैं पहले बता दूं, लेकिन लेडीज अपनी बातों को इतना दिल से निकालती हैं, इतना बातों को दूसरे के सामने शेयर कर देती हैं कि उनके दिल और दिमाग में ना वो स्ट्रेस नहीं रहता, जिसकी वजह से और आदमी जो लोग वो ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए प्लीज दिल और दिमाग से बातों को निकाल के सोया करिए, मैं बताता हूँ। गौरव ओवर टू यू। यस नितिश, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही बात आपने कही, और ये बिल्कुल सही है अपने आप में कि आप अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने जो आप चीज सोच रहे हैं उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कहीं ना कहीं आपके जो भी दोस्त हैं उनको बताइए, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनको समझाइए अपनी बात को। इसका फायदा क्या होता है मैं आपको बता दूं, इसका फायदा ये होता है कि आप अपनी बात को, अपने दिल की बात को सामने कह पाते हैं, और आपका स्ट्रेस, जो आपका तनाव है, वो काफी हद तक खुद ब खुद कम हो जाता है। आते हैं मेरे अगले टॉपिक के ऊपर, अगले पॉइंट के ऊपर। मेरा अगला पॉइंट है कि आप जितने भी यहाँ पर लोग हैं, अगर फील करते हैं कि आप किसी भी तरीके के तनाव में हैं, अगर आपको तनाव का कोई लक्षण अपने अंदर दिखता है, तो योगा या मेडिटेशन, योग या ध्यान की तरफ आप जरूर जाएं। अगर योग ध्यान की तरफ आप नहीं जाना चाहते हैं, तो किसी भी तरीके की इबादत कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, या किसी जागरण में जा सकते हैं। पर कहा जाता है कि जब आप तनाव में हैं तो अपने साथ भी जुड़िए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए, इबादत कीजिए, पूजा कीजिए, प्रेयर कीजिए, गुरबानी सुनिए। जिस भी धर्म का पालन करते हैं उस धर्म के आप अच्छे तरीके से, जो गुरु हैं उनसे जुड़िए। इससे होगा क्या, जब आपको एक गाइडिंग हैंड मिलता है,
जब आपको एक कोई ऐसा इंसान मिलता है या कोई एक ऐसी फिगर मिलती है जो आपको उस स्ट्रेस से, उस तनाव की स्थिति से लेकर बाहर जा रही, तो आपके लिए बड़ी आसानी होती है तनाव को डील करने में। आप उतने तनाव में नहीं रहते हैं, आपका तनाव कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं भाई जिन्हें लगता है, आप इस बात पर हाथ हवा में उठाएंगे अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं, तो कि जब कभी आपको तनाव होता है तो आप तनाव को खत्म करने के लिए, तनाव से उबरने के लिए जाते हैं, बिस्तर पर लेटते हैं और चादर तान लेते हैं, सो जाते हैं। कितने लोग हैं, हाथ हवा में उठाइए। अगर आप ऐसे हैं तो हाथ हवा में उठा सकते हैं। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। इफ यू थिंक, इफ यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु इन स्ट्रेस गो बैक टू स्लीप। देखिए, हाँ, रोहित चौधरी कह रहे हैं, हाँ भाई मैं उन लोगों में से हूं। मैं आपको बता दूं ये वाली बात कि जितने भी लोग, एंड दिस इज टेस्टेड, ये प्रमाणित है कि रेस्ट करना, प्रॉपर स्लीप लेना इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डील विद स्ट्रेस। कि आपके जो बॉडी है, आपका दिमाग है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि आप इसे जब थोड़ी देर के लिए पॉज पर रख देते हैं, होल्ड पर रख देते हैं, तो ये अपने आप ठीक हो जाता है। आपने देखा होगा जो लोग तनाव में होते हैं उन्हें सोने में बड़ी दिक्कत आती है, यानी वो जल्दी नहीं सो पाते हैं, वो सोचते रहते हैं। लेटने के बाद उन्हें एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे सिर्फ सोचने में निकल जाते हैं। वो एक बात से दूसरी बात से तीसरी बात से चौथी बात पर पहुंचते होते हैं, पर उन्हें नींद नहीं आ पाती है। तो एक प्रॉपर स्लीप लेना, टू टेक अ प्रॉपर रेस्ट, टू टेक अ प्रॉपर स्लीप इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद स्ट्रेस। जब कभी भी स्ट्रेस से डील करने की बात आती है दोस्तों, तो एक अच्छी पूरी नींद लेना भी एक बहुत अच्छा तरीका है स्ट्रेस से डील करने का। अब मैं आपको बताता हूं एक और तरीका। बहुत सारे लोग यहां पर मेरी बात से अग्री करेंगे, और जितने भी लोग हैं आप अपना हाथ हवा में उठा के मुझे बता सकते हैं। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं यार आज बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, जाके जिम में एक्सरसाइज करके आऊंगा, सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा मेरा। कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि उन्होंने ये वाली बात सुनी है कि जिम में जाके वर्कआउट करने से, एक्सरसाइज करने से उनके दोस्त का या उनका स्ट्रेस खत्म हो गया, तनाव खत्म हो गया। अगर आप एग्री करते हैं तो आप अपना हाथ हवा में उठा दीजिए। अशोक जी कह रहे हैं, नितिश भी इस बात को मानते हैं, जय शंकर जी भी मानते हैं, श्याम जी भी कह रहे हैं, रोहित चौधरी भी इस बात से बिल्कुल एग्री करते हैं कि हाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए स्ट्रेस से डील करने का एक बहुत अच्छा तरीका है जिम में जाना, वर्कआउट करना, जी तोड़ मेहनत करना जिम में, और वो स्ट्रेस उनका कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, फिजिकल एक्टिविटीज करना भी स्ट्रेस से डील करने का बहुत ही ज्यादा अच्छा तरीका है। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो जिम नहीं जाता है, तो आप इस आदत को कहीं ना कहीं अपने अंदर लेकर आइए कि आप जिम जाएं, या तो जिम नहीं जा सकते हैं तो थोड़ी घर पर ही एक्सरसाइज करें। आप डांस भी कर सकते हैं घर पर, अगर आपको थोड़ा डांस में इंटरेस्ट है तो आप साथ ही साथ रनिंग कर सकते हैं, दौड़ लगाने जा सकते हैं, साइकिल करने जा सकते हैं, साइकिलिंग करने जा सकते हैं, स्विमिंग करने जा सकते हैं। और ये ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने स्ट्रेस को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात आती है एक ऐसे पॉइंट की जो अपने आप में बहुत जरूरी है, और जितने भी लोग यहाँ पर इस सेशन में अभी मौजूद हैं वो सभी 100% इस बात से अग्री करेंगे, चाहे वो ये चीज करते हो या ना करते हो जो चीज मैं अभी बताने वाला हूं, पर वो मेरी बात से 100% अग्री करेंगे, 100% आप मेरी बात से अग्री करेंगे जो अगला पॉइंट मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप स्ट्रेस से डील कर सकते हैं। वो तरीका है अवॉइड अल्कोहल, यानी कि अगर आप मद्यपान, दारू सेवन करते हैं, ड्रिंक करते हैं, सो इट इज नॉट एट ऑल अ गुड वे टू कोप विद स्ट्रेस। तनाव से लड़ने का, तनाव को हटाने का, भगाने का सबसे बेकार तरीका है ड्रिंकिंग अल्कोहल, शराब पीना, मद्यपान करना, दारू सेवन करना। तो अगर आप ऐसे हैं जो स्ट्रेस में होते हैं, तो दारू पीते हैं, मद्यपान करते हैं, that you drink, then it is highly
अवॉइडेबल, इट शुड बी अवॉइडेड एट ऑल द कॉस्ट्स, क्योंकि अल्कोहल से आपके जो इंटरनल सिस्टम्स हैं, जो आपका ब्रेन है, जो आपकी बॉडी है, वो स्ट्रेस के फैक्टर को और एलिवेट कर देती है, बढ़ा देती है. तो अगर आप स्ट्रेस में हैं, डू नॉट ड्रिंक अल्कोहल, डू नॉट ड्रिंक कॉफी, डू नॉट ड्रिंक टी. बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टी तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत सारी ऐसी चाय आती हैं जिनसे आप स्ट्रेस कम कर सकते हैं, बट किसी भी तरीके का अल्कोहल एडिक्शन, किसी भी तरीके का निकोटीन एडिक्शन, किसी भी तरीके का कैफीन एडिक्शन, निकोटीन एडिक्शन में आ सकते हैं, हुक्का भी आ सकता है आपका, पान, खैनी, जर्दा, तंबाकू, गुटखा, इस तरीके की कोई भी चीजें आ सकती हैं. अल्कोहल में आपके किसी भी तरीके की शराब आ सकती है, कैफीन में किसी भी तरीके के ऐसे प्रोडक्ट आ सकते हैं. अगर कोल्ड ड्रिंक भी आप पीते हैं तो उसके अंदर भी कैफीन होता है, अगर आप बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं उसके अंदर भी कोल्ड ड्रिंक होता है. तो दोस्तों ये एक ऐसी कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं जो आप सभी लोगों को ध्यान रखनी है कि आप किस तरीके से स्ट्रेस को डील कर सकते हैं. ये आपको जरूर जरूर ध्यान रखना है कि आप स्ट्रेस को कैसे डील कर सकते हैं, कैसे आप तनाव से अलग हट सकते हैं. एक छोटा सा गेम मेरे पास है यहाँ पर जिसमें मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग पार्टिसिपेट करें, पर ये गेम मैं थोड़ी देर बाद कराऊंगा. इससे पहले मैं चाहूंगा कि नितिश हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है. नितिश, कुछ सजेशंस हैं जो आपने सोचे हुए हैं, 11 सजेशंस टू बी बेटर एट योर जॉब, कि आप अपने काम में कैसे अच्छे हो सकते हैं, वो 11 सजेशंस आप हमें बताने वाले थे. उसके बाद में मैं यहाँ सभी लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो को लेकर हम थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे और तब अपने डिस्कशन को, इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे. सो आई रिक्वेस्ट कि नितिश एक बार सभी लोगों के साथ मुखातिब हों और वो हमें बताएं कि वो कौन से 11 सजेशंस हैं जिससे कि हमारे सभी जितने भी सेशन के मेंबर्स हैं अपनी जॉब पर अच्छे से काम कर सकते हैं. नितिश, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है. यस, सो अभी आपको सभी को आवाज आ रही है. देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने अभी मैं कुछ कंपनीज की फ्यूचर पॉलिसीज के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन कह रहा मैं जो भी आगे कंपनी आप लोगों के लिए करने वाली है, बट उससे पहले देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको आपके बेटरमेंट के लिए, आपके सुधार के लिए, आपके अपने आप के लिए बहुत सारी चीजें पढ़ के आया हूँ. मेरी 4.5 दिन की मेहनत है ये कि मैंने लग लग के जितनी भी डेटा कलेक्ट कर रखा है, वीडियोस कलेक्ट कर रखी है, सारी चीजें हमने क्या नाम है आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ. सो अगर आपकी नौकरी है तो क्या करें. बहुत से लोग कहते हैं अरे नौकरी तो बच गई ना, हम तो बचे हुए हैं इसका मतलब. लेकिन अगर आपकी नौकरी है तो क्या करें. देखिए 2020 पूरे 100 साल के अंदर सबसे क्रिटिकल साल था, मैं मानता हूं था, अब ये चला जाएगा और चला गया है, आधा चला गया है, थोड़ा सा बचा है, इसको था ही कर देते हैं. 2020 साल 100 सालों के अंदर एक क्रिटिकल साल था. अब अगर आपकी नौकरी बची हुई है तो ऐसे में क्या करें. देखिए मैं बताता हूं आपको, अगर आपको वर्क फ्रॉम होम दिया जा रहा है ना तो सीरियस ले लो भाई. मैं आपको बता दूं अगर आपको वर्क फ्रॉम होम दिया जा रहा है तो ये सीरियस ले लो, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है. देखिए मैं मानता हूं, ये मैं बहुत पर्सनली मानता हूं, एक एक के दिल में झांक के बात सुन सकता हूं, सोच सकता हूं, समझ सकता हूं कि सैलरी का बहुत इश्यू होता है कई कंपनीज में, कई कई कंपनीज में ऐसा होता है कि लेट आ रही है सैलरी, बट सीरियसनेस यहां से ही झलकती है कि आपके साथ आप अपनी कितनी ऑनेस्टी से हैं. अगर आपको कोई काम दिया जा रहा है तो कितनी ऑनेस्टी से हैं. वर्क फ्रॉम होम करें, अगर वर्क फ्रॉम होम मिला है तो ईमानदारी से करें, पूरा करें उसे, कंप्लीट करें. आपको जो भी दिया जा रहा है वो करें, क्योंकि ये साल ना आपको बता दूं हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बैठ बैठ के जज कर रही है. दे आर ट्राइंग टू जज देयर एम्प्लॉयज कि हम भाई ये एम्प्लॉयज हमारे साथ हैं कि नहीं. मैं आपको बता दूं कि प्यार हर जगह नहीं मिलता, प्यार जिस कंपनी में आपको मिलेगा ना, आप दूसरी कंपनी में चले जाओ नहीं मिलेगा. एक बहुत बड़े बुक लिखने वाले ने, जिसने एक पूरी पुस्तक या बुक लिखी है, उसने ये कहा कि अपने एम्प्लॉयज को ऐसा ट्रीट करो कि कोई और साला ट्रीटमेंट दे ही ना पाए. सॉरी फॉर द हार्श वर्ड, मैंने गलत वर्ड यूज करा, लेकिन उसको ऐसा ट्रीटमेंट दे दो कि साला कोई कर ही ना पाए, उसके लिए कोई कर ही ना सके. चाहे कितना भी कुछ कम दे दो सैलरी,
चाहे कितनी भी ज्यादा दे दो, वो दूसरी कंपनी में चला जाए, 1 करोड़ भी कमा ले, तो कह सर आपके जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता, है ना। तो ये जो विश्वास है ना, ये विश्वास आप बना के रखिए। और आपको जो वर्क फ्रॉम होम दिया जा रहा है, ये पहला पॉइंट आप लिखिएगा, अगर जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं और तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि वर्क फ्रॉम होम आपको दिया जा रहा है तो आपको बहुत सीरियस लेना है। दूसरा पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, काम का जिक्र और काम की फिक्र। काम का जितना जिक्र करो और जितनी फिक्र करो उतना ही बढ़िया है। अगर आपको कोई काम सौंपा जा रहा है उसका जिक्र भी करो, उसकी फिक्र भी करो। अगर जिक्र किया फिक्र नहीं की, वो तो फिर गरजने वाले बादल हैं, फिर क्या कह सकते हैं। लेकिन अगर काम का जिक्र और फिक्र दोनों की, तो आप काम को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, काम का जिक्र, काम का फिक्र हो गया। तीसरा पॉइंट, डोंट इग्नोर मैसेज और कॉल्स। आप कॉल और मैसेज को इग्नोर मत करो, छोड़ो मत। मैं आपको बता दूं, और ये बात मैं आपको बता दूं, जितने भी बड़े यहां पे मैनेजमेंट के लोग बैठे हैं, मैं उनको भी ये बता दूं कि किसी की भी कॉल आए सर आपको उठानी जरूर है, किसी का भी मैसेज आए आपको रिप्लाई जरूर करना है। ये देखिए, मैं दोनों एक पक्ष का नहीं हूं, मैं एक पक्ष का बिल्कुल नहीं हूं कि मैनेजमेंट बैठी है तो मैं एम्प्लॉयज का नहीं हूं, एम्प्लॉयज बैठी है तो मैनेजमेंट का। मैं सभी का हूं। आपस में संवाद रखिए, आपस में कम्युनिकेशन रखिए, मैसेज करिए एक दूसरे को, बातचीत करिए। महेश जी की अगर कोई समस्या है तो वो क्या नाम है शकील जी से शेयर करें, या फिर क्या नाम है बिट्टू जी से शेयर करें, मोहन जी से शेयर करें। इफ मोहन हैज प्रॉब्लम तो वो हमारे जितने भी एमडी सर हैं, श्याम सर हैं, इनसे शेयर करें, हमारे जैन साहब हैं इनसे शेयर करें। बट कभी इग्नोर नहीं करना कॉल को, कभी नहीं। मैं आपको बता दूं, आज अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हो, काम में बैठे हो, या कहीं काम करने जा रहे हो, आपकी वाइफ 4 कॉल करे और आप एक कॉल ना उठाए ना, तो समझ लेना घर जाके नौबत गलत आने वाली है, तो आपने फोन नहीं उठाया। देखिए, कितनी भी परेशानी में हो, एक मैसेज डाल दो कि अभी मैं बात नहीं कर सकता हूं, मैं आपको जैसे ही फ्री होता हूं आपको कॉल करूंगी। तो डोंट इग्नोर कॉल और मैसेजेस। आप कभी किसी को इग्नोर नहीं करिए, चाहे आपका, मैं मानता हूं कि स्वीपर भी हो मेरे घर के अंदर, अगर मेरा झाड़ू लगाने वाला भी आता है तो उसको भी इग्नोर नहीं करना। ये एक सफलता की निशानी है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, पिछले सेशन में मैंने बताया था, एक कंपनी के अंदर 300 एम्प्लॉयज थे। उन 300 एम्प्लॉयज ने बोला कि अरे हम तो भाई अपने मालिक को जानते ही नहीं, हम तो काम करते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। मालिक के बात में, दिमाग में, कान में ये खबर पड़ गई भाई कि क्या करे, ये तो मेरे को जानते ही नहीं। मालिक ने एक डिसीजन लिया, मैं सबसे बात करूंगा आज। मालिक ने कहा हर किसी को 5-5 मिनट दूंगा। मालिक ने अपने, आप यकीन नहीं मानेंगे कि 300 बंदे थे, 5 मिनट देने का मतलब है 1500 मिनट। मालिक ने अपने 1500 मिनट दिए, लेकिन जब मालिक से लोग मिले और लोगों से मालिक मिले, यानी कि एमडी मिले, सीईओ मिले, जो भी थे वो जब मिले, तो वाकई में लोगों को लगा कि यार हमारा तो जो बॉस है बहुत ही अच्छा आदमी है। ये दिक्कत कहाँ हुई? तो दिक्कत वहां हुई जब क्या नाम है, आपस में कम्युनिकेशन नहीं था, बातचीत ही नहीं थी, आपस में मैसेज नहीं थे, एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। तो ये बात ध्यान रखिए, कभी किसी की कॉल इग्नोर नहीं करनी, मैसेज इग्नोर नहीं करना, बातें इग्नोर नहीं करनी, ये बात आप जरूर ध्यान रखिए। अच्छा चंदमणि जी, आपका माइक सर ऑन है, एक बारी अगर आप प्लीज कृपा रहेगी अगर थोड़ा सा माइक का अगर हम क्रॉस कर दे आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अब चौथा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। देखो मार्केट के अंदर बेस्ट क्या है, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपसे हम हैं और हमसे आप हैं। ये एक ना रिश्ता है, ये एक क्या नाम है नींव है, बुनियाद है, ये एक प्यार है। आप नहीं हैं तो हम बिल्कुल भी नहीं हैं, और हम नहीं हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगी जो प्यार ही नहीं करना जानती अपने एम्प्लॉय को। मैं आपको बता दूं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन आप, ये जो पूरा सेमिनार हम कर रहे हैं, ये पूरा ऑर्गेनाइज कराया हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ बड़ी कंपनियां कराती हैं। और हमने ये सेशन इसलिए किया कि हमें, मेरे को लगा क्या नाम है महेश जी को लगा यार हम तो लोगों से बात ही नहीं कर पा रहे, लोगों से अपना
मतलब अपनापन सा ही नहीं झलक पा रहा, लॉकडाउन हो गया, सब अपने अपने में चले गए हैं। शकीर जी के साथ इंसिडेंट हो गया था, शकीर जी के पाँव में लग गई थी क्या नाम है, विशाल जी जो थे उनके क्या नाम है कोरोना हो गया था, और भी बहुत से लोग हैं जो परेशानियों से जूझ रहे हैं, हम कैसे बात करें उनसे, तो अपनापन कैसे झलकेगा। तो इसलिए हमने सोचा कि हम उनसे बात करें। और जब मैंने कहा कि देखो मार्केट के अंदर क्या है, तो मार्केट के अंदर जो आपको पता है ना सर, वो कोर टीम को भी नहीं पता। तो इसीलिए क्या नाम है, जो आप देखिए मार्केट के अंदर क्या है, कम्युनिकेशन बनाइए, बात कीजिए मैनेजमेंट से, महेश सर से, श्याम सर से आप बात कीजिए, विशाखा मैम से बात कीजिए, उन्हें बताइए कि ये चीजें चल रही हैं, ऐसे ऐसे परेशानियां हैं, ये अच्छी चीजें भी हैं, ऐसा नहीं कि परेशानियां ही हैं, अच्छी चीजें भी हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं, ये चीज नहीं आ रही है, ये चीज पुरानी आ रही है, यहाँ पे दिक्कत आ रही है, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, नेक्स्ट पांचवा पॉइंट, वर्क हार्ड, मेहनत करो, मेहनत करना बहुत जरूरी है, बिना मेहनत के तो नींद भी नहीं आती सर, बिना मेहनत के तो ऐसा लगता है कि यार क्या करें, बैठे बैठे परेशान हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप 10 दिन अभी अभी इतने दिन से आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, बहुत लोग बहुत अच्छे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और मैं उनका नाम अभी क्या नाम है लूंगा कौन कौन है, बट क्या नाम है ये मुझे इन्फॉर्मेशन आई थी कि सभी अपना बेस्ट दे रहे हैं, घर से बैठ के भी पूरे जूझ रहे हैं, पूरे क्या नाम है लगे हुए हैं, अपनी मेहनत को एक नंबर दिखाने में लगे हुए हैं। और ये बहुत जरूरी है कि हार्डवर्क बहुत जरूरी है लाइफ में। और अगला पॉइंट, अपनी जॉब को सक्सेसफुल बनाओ, उसे जियो, उसको फील करो, यार मैंने आज जो काम किया ना बहुत संतुष्टि हुई है मुझे, मुझे जो आज करना था मैंने कर दिया, और ये चीज बहुत ही आपको ना एंजॉय कराएगी, बहुत अच्छा फील कराएगी। आप इसके अंदर है, अगर आप खुश नहीं है तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, सबसे पहले आप खुश रहिए, जितने आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी ना जब, अच्छा शकील जी के चेहरे पे बहुत अच्छी मुस्कान आई थी अभी मैंने देखी थी, तो शकील जी क्योंकि मेरे पास दो स्क्रीन है, मैं नीचे भी देख रहा हूँ और ऊपर भी देख रहा हूँ, तो फोन भी लगा हुआ है, महेश जी भी हंस रहे हैं, बहुत सारे लोग हंस चुके इस बात पे, एंड मैं बहुत अच्छा मानता हूँ कि अगर आप दिल से खुश है ना, दुनिया का कोई भी बुरा काम आ जाए, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप हंसते हंसते कर देंगे उसे, है ना, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, बहुत अच्छी चीज है। अब अगला पॉइंट आता है, टाइम, पैसा बहुत है, पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन कैसे आएगा, टाइम के साथ, टाइम इज मनी, टाइम समय है वही पैसा है, अगर आप टाइम पे पहुंचेंगे, टाइम पे रिपोर्ट करेंगे, टाइम पे अपनी चीजों को बताएंगे, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है कि आप आगे बढ़ने की कगार पे है, आगे बढ़ने की रास्ते पे है। अगर टाइम आपका आपके लिए भगवान है, टाइम आपके लिए आपका अल्लाह है, टाइम आपके लिए आपका वाहेगुरु है, टाइम आपके लिए आपका जीजस है, तो आप बहुत अच्छी जगह पे है, मैं आपको बता दूं। कई बार ऐसा होता है, मैं बताता हूँ, अच्छा मैं जिस एम्प्लॉय की बात बता रहा था अभी, वो जो आपको स्टोरी सुना रहा था, उसका एक नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ, वो अब यहाँ पे नहीं है, तो नेगेटिव पॉइंट ये है जो कि मैं उसे बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि वो क्या करता है, वो घड़ी देखता है सबसे पहले। सर मेहनत बहुत करता है, 11:30 बजे आएगा और 6 बजे तक रहता है, लेकिन 6 बजे डॉट बस्ता बैग पैक कर लेगा, उसकी आदत है कि 6 बजे मैं बस्ता पैक कर लूंगा, मैं सरकारी नौकर की तरह हूं, बस मेरे को जाना है, कैसे ना कैसे जाना ही है। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा टाइम देके ज्यादा हम काम कर सकते हैं, 10-15 मिनट की बात है, 1 घंटे की बात है, क्या हो गया अगर हमें 1 घंटा भी देता, मैं बता दूं आजकल 1 घंटा तो आप अपने मोबाइल पे उससे ज्यादा टाइम निकाल देते हैं, गाने सुन लिए, गेम खेल लिए, फेसबुक देख लिया, बहुत सारी चीजें अपने अपने में लगे रहते हैं। अगला पॉइंट, टाइम बहुत जरूरी है, बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अच्छा एक मैं पॉइंट पहले ही बता चुका था कि ये मत बोलना कि प्लीज ये मेरा काम नहीं है। देखो अगर ये मैं मानता हूं, प्लीज जिसका भी माइक स्टार्ट हुआ है प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पॉज कर दें। हाँ तो मैं बात कर रहा था, ये मत कहिए कि ये मेरा काम नहीं है, मैं बताऊं क्यों, आपको मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे चुका हूं, अगर हनुमान जी ने ये कह दिया होता कि प्रभु मेरा पर्वत उठाना काम नहीं है, तो आज लक्ष्मण जी जिंदा नहीं होते।
तो इसी तरीके से अगर आज आप मना कर दोगे कि ये मेरा काम नहीं है ना, तो मतलब मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि क्या नाम है, देखिए मैं उन लोगों के साथ बैठा हूँ जो वाकई में ना जड़ हैं किसी पेड़ की, अगर वो नहीं होंगे तो शायद हम कहाँ फिर स्टैंड करते हैं। चलिए अगला पॉइंट, कभी भी कंप्लेंट मत करो। देखो मैं मानता हूँ बहुत सारी कंप्लेंट होंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि जिंदगी में या किसी के ऑफिस में किसी की चीजों में कंप्लेंट ना हो। कंप्लेंट सही चीजों को सही तरीके से रखें, अगर कोई गलत चीज है तो उसको कहो, उसको कहने की हिम्मत भी रखो, लेकिन साथ साथ ये भी कहो कि सर इसका सोल्यूशन क्या है ये बता दो मुझे। एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूं, एक बहुत साल पहले मैंने एक डील करी थी। अच्छा मैं उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 25 साल का था, तो वो मेरी पहली डील थी जिंदगी की, मेरी जिंदगी की पहली डील थी, क्योंकि मैंने काम करना स्टार्ट किया था। और ये मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, इट्स अ वेरी ग्रेट एग्जांपल इन माय लाइफ, मैंने वहां से सीख सीखी है। एक बंदे से एक छोटा सा काम करवाना था, उस बंदे को मतलब उसकी कंपनी को काम करवाना था, तो मैंने कहा कि ये काम हो जाएगा, तो मैंने किसी थर्ड पार्टी को अपनी पार्टी में ज्वाइन किया। मैंने थर्ड पार्टी से बोला कि ये काम करवाना है, कितने में होगा? उसने कहा 3 लाख में होगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आगे क्लाइंट को बोला कि ये 5 लाख में होगा। ऑब्वियसली हर इंसान कमाने की सोचता है यार, हर इंसान अपनी अपनी सोचता है। तो क्लाइंट ने 3 लाख रुपए एडवांस दिए उस चीज के, 3 लाख रुपए एडवांस दिए। 3 लाख एडवांस देना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, मैं आपको बता दूं। मैंने क्या किया, मैं बहुत ईमानदार अपनी जिंदगी में, मैं मतलब टच वुड मैं कभी झूठ नहीं बोलूं तो बहुत अच्छा है, बट मैं अपनी जिंदगी में कभी धोखा करना किसी के साथ नहीं जानता। देखो क्योंकि अगर किसी के साथ धोखा करोगे ना तो वो धोखा जरूर खाओगे, ये मैं मानता हूँ। तो मैंने उस बंदे को वो पूरे के पूरे 3 लाख जो थे मैंने पूरा एडवांस दे दिया, और एडवांस देने के बाद वो काम से मुकर गया। अब मैंने ये देखा कि जब वो मुकर गया तो मैं फंस गया, और मैंने देखा कि यार अब फंस गया हूं, अब क्या करूं। या तो मैं कंप्लेंट करता अपनी जिंदगी में, यार ये हो गया, उसने कर दिया, वो कर दिया, उस सिचुएशन से भाग जाता मैं, ना कहता मेरे बस की नहीं है, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, फोन वोन बंद करता हूँ और अपना फोन को फेंको दरिया में और निकल जाओ अपने जैसा। बट मैंने ना डट के सामना किया, मैंने ये मेरे परिवार वालों को भी पता है सारी चीजें, ये वाली बात जो है मेरे परिवार वालों को भी पता है। तो मैंने उस चीज का डट के सामना किया और मैंने कहा कि ये चीज को मैं सॉल्व करके ही रहूंगा। कंप्लेंट तो कभी आप कितनी भी कर लो, लेकिन अगर आप उसे सॉल्व नहीं करोगे तो फायदा क्या है? तो आपको उस चीज का सलूशन ढूंढ रहा है, आपको कंप्लेंट है तो उस चीज का सलूशन ढूंढिए, उस चीज की क्या नाम है, नींव को ढूंढिए, जड़ को ढूंढिए, और उस चीज को फिर पता लगाइए कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये कंप्लेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो मैंने 10 पॉइंट या 11 पॉइंट लिखाए थे वो आप लोगों ने लिखे होंगे। अब बात करता हूं मैं उस चीज की जिसकी कंपनी आपके लिए जो करने जा रही है। अच्छा कंपनी ने बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों के लिए रखी है, और कंपनी में फ्यूचर, कंपनी जो है फ्यूचर में ये भी सोच रही है कि बहुत ही अच्छे और होनहार जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं आने वाले समय में, जल ये समय जो भी होगा, आने वाला जो भी समय होगा, ये आपको क्या नाम है, हमारे मैनेजमेंट ही बेटर बता पाएंगी। लेकिन उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि कुछ लोग हैं जिनका उन्होंने नाम पहले से ही रख रखा है, और वाकई में बहुत सारे होंगे, मेरे को इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा आने वाले टाइम में। अभी का टाइम बहुत ही क्रिटिकल है, अभी का टाइम बहुत ही ज्यादा दबा हुआ है, एक दूसरे से मतलब कशमकश चल रही है, लेकिन आने वाले समय में डेफिनेटली कंपनी इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट करेगी। ये स्पेशली कंपनी बताएगी कि कंपनी किस किस के लिए कर रही है, कौन कौन लोग हैं, वो चीज एक अलग चीज है। और मैं आपको चीज बता देता हूं कि जितने भी अभी बेनिफिट्स क्या आने वाले हैं, बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ कि बेनिफिट्स क्या हैं। एक कंपनी आने वाले टाइम में एक सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रही है, एक सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रही है कि अपने टारगेट्स को, जितने भी लोगों के जो टारगेट्स हैं, जो टारगेट्स हम लोग अपना पूरा करते हैं, उस सॉफ्टवेयर में पूरा एक टारगेट का
सेक्शन बनाया जाएगा और जितने जिनके टारगेट्स अचीव होते रहेंगे उनको भी स्पेशल रिकॉग्निशन भी मिलेगी, टारगेट के इंसेंटिव्स भी मिलेंगे, इंसेंटिव तो आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली अगर टारगेट अचीव होता है तो कंपनी आपके लिए बहुत वेलफेयर इस वक्त सोच रही है कि कंपनी जिस भी किसी बंदे के टारगेट अचीव होते हैं तो कंपनी डेफिनेटली उसको कुछ इंसेंटिव देगी उसके टारगेट पूरा होने पे। डेली अटेंडेंस भी मार्क होगी, देखिए पंक्चुअल रहने का मतलब यही है आप अपने टाइम पे हैं, अटेंडेंस भी मार्क होगी, लेकिन उस चीज से घबराना नहीं है। बिल्कुल बता दो, अगर सिचुएशन से आप घबराए तो आप परेशान हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है घबराना नहीं है। अगर आप साफ हैं, अगर आप बिल्कुल कोरे हैं, अगर आप चिट्टे हैं तो आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कंपनी ने जो ये सॉफ्टवेयर निकाला है इसके थ्रू आपकी अटेंडेंस जो है यहाँ पे मार्क होगी, आपको डेली अटेंडेंस देनी होगी। फिर उसके बाद अगर कोई कंप्लेंट है आपकी, अगर किसी भी चीज से लेकर कंप्लेंट है, किसी भी चीज को लेकर अगर आपको लगता है इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको लगता है कि आप ये दिक्कत आ रही है आपको, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ ट्रबल सो यू कैन रेज योर कंप्लेंट, अगर आप अपनी कंप्लेंट को रेज कर सकते हैं वहां पे आप लिख सकते हैं अपनी कंप्लेंट को, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपके लिए आपकी जो भी कंप्लेंट है, जो भी प्रॉब्लम है, अगर कोई भी कंप्लेंट आती है आपको, आपसे रिलेटेड, काम से रिलेटेड, किसी भी चीज से कोई भी कंप्लेंट आती है तो अपनी कंप्लेंट को वहां पे रेज करना है आपके लिए, ये आपके फायदे के लिए। कौन नहीं चाहता कि टारगेट अचीव हो और मैं इंसेंटिव मुझे मिले, मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट हो, मेरी सैलरी बढ़े, हर इंसान चाहता है और कंपनी उसके लिए लगी हुई है, कंपनी आपके लिए लगी हुई है। देखिए एक बहुत छोटी सी बात है, अच्छा काफी मेंबर्स चले गए हैं, अगर प्लीज जानते हैं तो प्लीज उनको मैसेज जरूर भेजिएगा कि वापस अगर आके शेयर कर सके। कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि प्लीज थोड़ी देर और जुड़े क्योंकि थोड़ा सा सेशन बचा है और मैं चाहता हूँ कि पूरा सुन के जाएं, क्योंकि अगर आप जिम भी जाएंगे कहीं भी जाएंगे तो अगर जाते हैं 2 महीने लगते हैं तो आपकी बॉडी थोड़ी बहुत तो बन जाएगी, थोड़ा बहुत तो दिमाग में बातें घुस जाएंगी लेकिन पूरा समझ में नहीं आएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इसे क्या नाम है, जितने भी लोग चले गए हैं उनको प्लीज मैसेज कर दे खाली अपनी तरफ से, ठीक है। सो मैं बात कर रहा था कि अगर कोई भी कंप्लेंट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंप्लेंट है तो वहां पे आप रेज कर सकते हैं, आप उन चीजों को बता सकते हैं, आप अपनी चीजों को वहां पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये बात आपको सबको पता लग चुकी है कि कितनी जरूरी ये चीजें हैं और देखिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अच्छा एक बात मैं दिल से बोलना चाहूंगा, कोई भी पर्सन, कोई भी किसी भी शख्स को ये लगता है, किसी भी शख्स को ये लगता है कि हमें प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों में से किसी को भी प्रॉब्लम है, हमारे महेश जी, हमारे श्याम जी, हमारे क्या नाम है विशाखा जी, हमारे जैन सर, ये सब आप लोगों के साथ हैं इस वक्त, ठीक है। अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप अपना मैसेज कन्वे कीजिए, उस चीज को फॉलो करिए, जैसे अगर आप किसी के थ्रू भेजते हैं तो आप उनके थ्रू क्या नाम है डायरेक्ट मैसेज भेजिए, अगर आप खुद डायरेक्ट जानते हैं उनसे बातचीत होती है तो प्लीज आप डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। बट ये बात आप ध्यान रखिए कि आप लोगों को बातें जरूर करनी है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप उनसे शेयर जरूर करिए क्योंकि कंपनी हमेशा आप लोगों के साथ है। मैं चाहूंगा किसी का एक माइक खुला हुआ है, पूरन जी आपका माइक खुला हुआ है, सर प्लीज एक बार ऑफ कर दें, धन्यवाद सर। हाँ तो मैं बात कर रहा था, अब जिस मुद्दे पे मैं मेन पहुंचा हूं, इस बात का सार, इस बात का रस, इस बात का की अहमियत, इस बात का वो फल जो हम सबको लेना चाहिए। कहते हैं कि एक धागा, पतला सा धागा लो, तोड़ो आराम से टूटेगा, 2 धागे जोड़ो, तोड़ दो, थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन टूट जाएगा, 3-4 धागे लो, तोड़ने की कोशिश करो, आपसे हो सकता है टूट जाए, बहुत मुश्किल से टूटेगा, लेकिन अगर रस्सी लो, जो होती है ना खींचने वाली रस्सी, रस्सा होता है जिसे कहते हैं, जब वो छोटे छोटे धागों से बनी होती है, अगर आप वो सारी बातें को आप मिलाएं और आप एकजुट मिल जाएं, आप उन बातों को मिलाइए, आप एक साथ जुड़िए और उन जुड़ने के महत्व को समझिए, उस जुड़ने की इंपॉर्टेंस को समझिए, अंडरस्टैंड द वे
ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंड द वे ऑफ वर्क, अंडरस्टैंड द मेन मोटिव बिहाइंड योर जॉब. आप उसको समझिए, आप समझेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आप और अच्छे जुड़ेंगे. हो सकता है कि किसी दिन आपको मिले कि बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या बेस्ट कह रहा मैं आपका बेस्ट जो भी आपका कैटेगरी हो वो आपको मिले. और एक बात आप जरूर ध्यान रखें, अभी हम क्वेश्चन ये राउंड पे भी आएंगे, आपसे भी क्वेश्चन लेंगे, हमारे श्याम जी हैं, हमारे क्या नाम है महेश जी हैं, वो सब के क्वेश्चन एक एक करके लेंगे. और ये बात ध्यान रखें कि आपके क्वेश्चन का आंसर भी दिया जाएगा. तो ये बात को आपको जरूर ध्यान रखना है कि ये जो पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस थी, ये जो पूरी की पूरा एक सेमिनार था, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया जा रहा था. रीजन ये भी हो सकता है, देखिए कहने को हजार बातें हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि हम जिसे अगर हम कहें तो कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी से परेशान हो तो इसलिए मीटिंग हुई हो, ऐसा भी हो सकता है सब बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो इसलिए भी मीटिंग हुई हो, ऐसा भी हो सकता है कि कह रहा मैं कोई किसी को नहीं जानता हो इसलिए भी मीटिंग हुई हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी थी छोटी मोटी जिसकी वजह से हम आज यहाँ पर हैं. तो बहुत सारी चीजें हैं, उन चीजों को की अहमियत को समझना है. यहाँ पर कुछ लोग नहीं आ पाए हैं, मैं पहले तो उनको स्पेशली कहूंगा कि अगर वो यहाँ पे होते तो बहुत अच्छा लगता. मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, मैं एक मिनट बस रुकिएगा. तो यहाँ पर जो लोग नहीं आ पाए हैं, एक सेकेंड. अच्छा हमारे रमेश जी फ्रॉम हैदराबाद, वो नहीं आ पाए हैं, अगर उन तक मैसेज कन्वे कर सके कोई भी तो मैं कोशिश करूंगा कि वो नेक्स्ट मतलब सेशन में आए. और हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है कि हर इंसान जुड़ता है. और संजय जी पुणे से हैं, अगर वो हैं कन्वर्सेशन में, सर मैं स्क्रीन पे नहीं देख पा रहा हूँ तो आप इंटरजेक्ट कर दीजिए. मैं बोलता हूँ, रमेश जी भी हैं हैदराबाद वाले. अच्छा, और संजय भी हैं पुणे से. अच्छा, आई एम सो सॉरी सर. आप लोग नहीं हैं, वो हैं बॉम्बे से तीन लड़के हमारे, नियाज, अर्जुन, संतोष, और एक हमारे जो नहीं हैं वो हैं, एक मिनट कहेंगे, मैंने नाम लिखे हैं, हैदराबाद से अभिषेक, रमेश का जूनियर हैं. अच्छा, ये चार लोग हाँ नहीं हैं, तीन बॉम्बे से हैं, एक हैदराबाद से. चलिए, तो जो पुणे से संजय भी हैं और अच्छा, रमेश भी है. संजय जी एक बार हाथ खड़ा करें, कहाँ पे हैं आप प्लीज? संजय पुणे से. हाँ, आगे नजर. सर एक बार दोबारा से प्लीज. संजय कचावे. हाँ वो रहे. हाँ मिल गए संजय जी. ओके संजय जी, मैं माफी चाहूंगा कि दिल से कि मैं आपको थोड़ा सा मिसप्लेस कर गया, मैं देख नहीं पाया. लेकिन मैं जो बात कह रहा था यहाँ पर कि जितने भी लोग नहीं है वो चार लोग नहीं है हमारे बीच में, चार लोग नहीं है, बट मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि क्या नाम है, कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं जो शायद वो मिस कर गए, लेकिन आगे वो मिस ना करे ये हमारे लिए बहुत बड़ा पॉइंट है. लेकिन नीतीश जी, जी जी सर एक मिनट, विशाखा ये कौन कौन लोग चले गए अभी मीटिंग से, अभी कौन कौन नहीं है? नीतीश जी अभी कौन कौन नहीं है लाइन पर? सर रामपाल और पूरन जयपुर से, और विशाल, पूरन तो आगे हैं, विशाल शायद नहीं है, ठीक है, उनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है विशाल की. ठीक रामपाल जी का थोड़ा सा मुझे वीडियो नजर नहीं आ रहा है. सर 22 लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है. मैं ये मानता हूँ, देखिए जितने भी लोग हैं हमारे, जितने भी मेंबर्स यहाँ पर हैं, मैं सबका पहले एक एक बार नाम लेना चाहूंगा. सबसे पहले स्क्रीन पे शकील जी है मेरे साथ ऊपर, फिर उसके बाद प्रदीप जी हैं हमारे साथ, फिर अजीत जी हैं, बिट्टू जी हैं, ठीक है, मोहन राव जी हैं, एंड रुपेश जी हैं, अलूरी जी हैं हमारे साथ, एंड प्रभात जी हैं, और उसके बाद हमारे महेश जी हैं, आदित्य जी हैं, और ये महेश मेरा नाम ले रहे हो या दूसरा एक लड़का भी हमारा महेश है? सर पहले मैं आपका ले रहा हूँ फिर उनके बाद. अच्छा, फिर शशि जी हैं हमारे साथ, चांद जी हैं हमारे साथ, रोहित जी, अशोक जी, संजय जी, जयशंकर जी, रूप सिंह जी, यासिर जी, श्याम जी हमारे साथ हैं, एंड पूरनमल जी हैं, रामपाल जी हैं. ये जितने भी लोग हैं, जितने भी आप लोग हो,
मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, अगर कहीं भी परेशानी आती है ना, सर नाम लिखा हुआ नितेश शर्मा, गौरव शर्मा नाम लिखा हुआ है, सर्च करना, ऑनलाइन नंबर मिल जाएगा, फोन मिला लेना, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी रिलेटेड कंपनी से दिक्कत हो, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन डगमगाना नहीं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, डगमगाने से इंसान ना टूट जाता है। आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कुछ हो, मैं आपके साथ हूँ। मैं बताता हूँ, मेरे पास बहुत खाली टाइम है सर, बहुत खाली टाइम है। आप बहुत बिजी हो सर, सबकी फैमिली है, सबके बच्चे हैं, मैं बहुत खाली हूँ, आप मेरे को फोन कर लेना। मतलब ये आपके लिए है सिर्फ, ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान कर लेगा, सिर्फ आपके लिए, इसलिए क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी से मैं पिछले 1.5-2 साल से ज्यादा हो गए, शायद 1.5-2 ही हुए हैं, सबसे जुड़ा हुआ हूं। आपको बताऊं, आदित्य जी हो गए, महेश जी हो गए, श्याम जी हो गए, और भी जैसे रोहित जी हैं, और भी लोग, बहुत सारे लोग हैं, मतलब इनको कभी भी फोन कर दो तो ऐसा लगता है कि यार ये प्यार अलग है। मतलब वो बात करने का ना जो एक फीलिंग आती है ना, कि यार मैं किसी और अपने क्लाइंट से बात नहीं कर सकता जितनी फीलिंग से इनसे बात कर सकता हूँ। बहुत सारे क्लाइंट्स है, ऐसा नहीं है, SBI हो गया, टाटा हो गया, बहुत सारे क्लाइंट है, इनसे जो बात का कनेक्शन बन पा रहा है ना, इनसे जो इनकी फीलिंग शेयर हो पा रही है ना, इनसे जो इनकी चीजें शेयर हो पा रही है ना, वो कहीं नहीं हो पा रही, अपनी भी और इनकी भी, और वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर कहीं भी कभी भी लगे, मैं आपको बता दूं कि एक क्रिटिकल सिचुएशन थी जो मैंने अभी बीच में इनसे क्या नाम है पूछी, मैंने कहा श्याम जी और महेश जी आपका बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज बताया इन्होंने, और वाकई में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा यार इतनी बड़ी कंपनी हमारी जैसे फैक्टोटम है, उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, पर हुआ अचानक से, क्या कह सकते हैं। तो श्याम जी मैं टाटा क्या नाम है, श्याम जी महेश जी, टाटा के बारे में बताना पाऊंगा, बताना चाहूंगा जी जी, टाटा वेबसाइट, अगर मैंने नाम सही लिया तो, बिल्कुल 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 सही है, टाटा वेबसाइट को श्याम जी, ये महेश जी 2 महीने की बात है शायद, करेक्ट, हाँ हाँ, तो टाटा वेबसाइट को 2 महीने तक की हमने सर्विस दी, राइट सर, सही बोल रहा हूँ। हाँ मैं बताता हूँ इसको कैसे है कि टाटा वेबसाइट जो है, टाटा ग्रुप 1500 हाँ। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, कोरोना का जो ये प्रभाव होने लगा हाँ। तो टाटा साहब ने एक अनाउंसमेंट किया कि 1500 करोड़ रुपए सरकार को देगी, और वो दिए भी हाँ। दिए, और एक अखबार में आर्टिकल दिया कि हम अपने सभी इम्प्लॉय को मार्च और अप्रैल का सैलरी देंगे हाँ। ठीक है, अब मार्च और अप्रैल के में क्या बात आती है कि मार्च का जो था कि 25 मार्च तक हमारी अटेंडेंस होती है और 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ, तो मार्च में तो कुछ मिला नहीं, ठीक है, अप्रैल का उन्होंने हमें दिया, हमारे लड़कों को, अच्छा, और फिर मई में उन्होंने बोल दिया कि जो लड़का आएगा ड्यूटी पर उसी को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, तो मतलब कहने मतलब अप्रैल का दिया उन्होंने, ठीक है, उसके बाद भी उन्होंने क्या किया कि मार्च और अप्रैल, जो मार्च हम कर चुके थे काम, वो और अप्रैल में हमारा मैनेजमेंट फीस ही काट दिया। वो ऐसा नहीं कि उन्होंने मतलब हमसे पूछा नहीं, पूछा गया हमसे, ठीक है। श्याम जी कुछ बोलना चाहेंगे, एक बार श्याम जी का अनम्यूट कर दीजिएगा, गौरव प्लीज श्याम जी को अनम्यूट कर दीजिए। यस प्लीज गिव मी 5 सेकंड्स, आई एम ऑन। तो ऐसे से भी चैलेंज आए, बहुत क्लाइंट, कुछ छोटे क्लाइंट भी थे जिन्होंने हमें दिया भी मार्जिन, लेकिन जो बड़ा क्लाइंट था जहाँ से हमारा सब कुछ खर्चा चलता था, वो टाटा वेबसाइट और विशाल मेगा मार्ट है, ठीक है, तो बहुत नुकसान हुआ, लेकिन कोई नहीं, मैं अपनी पूरी टीम को एक बात कहूंगा कि साथ रहो मेरे, बहुत जल्दी हम इस समय को पूरा कर लेंगे, पार कर लेंगे, ठीक है, बस डगमगाना नहीं, ठीक है। मैंने किसी भी इम्प्लॉय को अभी तक ये नहीं सोचा कि उसको हटाया जाए, ठीक है, मेरा मानना यह है कि जो थोड़ा मुसीबत का टाइम है निकल जाएगा जल्दी, ठीक है। जहां हम 10 रुपए कमा रहे थे वहां हम, अब ये देखो कि अगर किसी की सैलरी 10,000 है तो आज उसको 5 मिल लिया है, लेकिन मेरे लिए अगर देखोगे तो मेरा अगर 10 रुपए का बिजनेस था तो वो मेरा 3 रुपए का हो गया है, ठीक है। तो लेकिन इसमें ये चलता है, दुख और सुख तो जीवन के साथ है, राइट राइट बिल्कुल। मैं कहूंगा कि घबराए ना और मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े रहें, बहुत जल्दी निकलेंगे, और भविष्य में जो ये नुकसान हो रहा है आप लोगों का, देने के तो 100 बहाने हैं, इसको भी रिकवरी करने की कोशिश करेंगे, जैसे जैसे समय बीतेगा और चीजें हमारे हाथ होंगी सही मजबूत होंगे, तो जो लोगों का नुकसान हो रहा है, जो सैलरी का नुकसान हो रहा है, उसको भी रिकवरी करेंगे। देख
ऐसा प्लान है मेरा, ठीक है, ये नहीं कि आज अगर यासीर को 10,000 रुपए मिलते तो 5 मिलने हैं तो 5 उसके खत्म। कंपनी जब परफॉर्मेंस करेगी तो वो 5 भी वापस कर दिए जाएंगे, बहुत तरीके हैं पैसे देने के। जी बोलिए भाई साहब। जी मैं पहले तो महेश सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा, आप सभी लोग को मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, बोलिए। आ रही है सर। मैं पहले तो महेश सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि लॉकडाउन जैसे समय में जितनी हिम्मत महेश सर ने दिखाई है, कंपनी के कोई एमडी इस तरह की दिखाते नहीं है। और मैं अपनी टीम को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा जिन्होंने महेश सर का और कंपनी का साथ दिया है इस बुरे वक्त में। ये समय सभी के लिए बड़ा खराब रहा और बहुत चैलेंजेस आए सबके लिए, सबकी सैलरी में काफी डिडक्शन भी हुआ, बट फिर भी कंपनी ने अभी भी अपने एम्प्लॉय के लिए बहुत अच्छा सोचा हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग आगे भी सबके साथ में उसी तरह की चीजें करने की कोशिश करेंगे जैसे हमारा पहले चल रहा था। समय आज के टाइम में सर इतना डिफिकल्ट हो गया है, हमारे देश में ही नहीं, मेरा एक फोन आ रहा है, मैं 2 मिनट में करूं? कोई इशू नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो यही है और मैं तो अब अपनी थोड़ी सी बात और कहूंगा आप लोगों से कि काम तो खैर चलता ही रहेगा जैसा भी चलेगा, और अपने सेहत का बहुत ध्यान रखें इस वक्त। मैं अभी जैसे नंदलाल का हमारा जयपुर में बहुत लड़का था, हमारे साथ नहीं था अभी 3 महीने से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अच्छा लड़का था, काम में तो ऊपर नीचे चलता है। 4 दिन बस उसकी तबीयत खराब रही, अच्छा यंग लड़का था, 25-26 साल का लड़का था। क्या नाम, नीतीश जी, अगर उसकी फोटो है आपके पास तो एक ग्रुप फोटो थी आपके पास? मैं गौरव, मैंने मेल भेजी भी है, एक बार देखना। मुझे जरा दिखाइए उसमें जो संतराम के साथ में बैठा है, जो जैन साहब के पास संतराम है ना, उनके बराबर में वो लड़का बैठा हुआ है नंदलाल। हाँ दिखाइए जरा। मैं तो ये है, विशाल है, जैसे विशाल बहुत अच्छा लड़का है, इंजीनियर किया हुआ लड़का है विशाल हमारा। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शकील और विशाल के लिए मैं कुछ बेटर सोच रहा था कि ये दो बहुत जुझारू लड़के हैं और भी है, लेकिन मैंने आदित्य जैन साहब से इनका नाम लिया था कि इन दोनों को कुछ मतलब प्रमोशन किया जाए, और इत्तेफाक की बात है कि दोनों के ही साथ थोड़ी गड़बड़ हो गई। शकील का कुछ एक्सीडेंट हो गया और विशाल को कोरोना हो गया था, तो थोड़ी परेशानी हो गई। तो ये है इस वक्त। ये तो जयशंकर हैं, और दूसरी किएगा, ये तो जयशंकर हैं, इन्होंने राजकुमार की एक्टिंग करी थी यहाँ पर। ये बहुत अच्छे कलाकार हैं एक तरीके से। और दूसरा ये हाँ। ये इसमें जो संतराम के इधर बैठा ना, जो कट गई फोटो, इसे पूरी करेंगे? नहीं नहीं नहीं, एक फोटो और है, यही फोटो बड़ी करके दिखाएंगे तो यहाँ नहीं। ये तो अशोक है बॉम्बे से, नहीं सर, ये बिट्टू है, उनकी ना आई गेस फोटो आई नहीं है मेरे ख्याल से, सर यही पिक्चर्स हैं इसमें। ओके ओके ओके, चलो जैन साहब आपके पास है वो फोटो, अगर आप अगर इन्हें मेल कर सकते हैं तो हम अपने उस लड़के को दिखाना चाहेंगे सबको। सर वाकई में बहुत जरूरी होता है, देखिए मैं ऐसा मानता हूँ। नहीं जैन साहब, मैंने ना पूरी फोटो दी थी, एक अगर कहो तो मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। फिर से आप कर दीजिए, नीतीश जी को डायरेक्ट कर दीजिए। नीतीश जी को करूं, एक मिनट रुकेगा, मैं अभी देख लेता हूं। मैं जैन साहब आपको करता हूं। चलो मैं अपना फोन करता हूं, क्योंकि वो फोन स्विच ऑफ हो गया, संतराम और मैं एक ही साथ ही है ना, तो पर्सनल पे करो मुझे, एक मिनट पर्सनल पे कर दीजिए। ठीक है, पर्सनल पे कर देता हूं मैं आदित्य जैन साहब के, तो मैं क्योंकि उस लड़के को दिखाना चाहूंगा। ठीक है, भेज दिया मैंने जैन साहब। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए, हर इंसान, हर व्यक्ति, हर कोई भी हो, जितने भी लोगों का मैंने नाम लिया, हर इंसान हमारे लिए बहुत जरूरी है जी। बस आप डटे रहिए, और अगर आप हैं तो वाकई में जो मोटिवेशन महेश जी को आती होगी ना, जो फीलिंग महेश जी को आती होगी, वो किसी को नहीं आ सकती जब आप सब लोग हैं। नीतीश जी, जी सर, मैं अपनी बात कंटिन्यू करना चाहूंगा सर, ओवर टू यू।
हमारे काफी क्लाइंटों ने हमारा सर्विस चार्ज नहीं दिया, हाँ जी, लॉकडाउन में, पर होती है, जब हमारे साथ हमारी कंपनी के साथ परेशानी है तो उन लोगों के साथ भी हो सकती है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। महीने का हमारा नहीं दिया सर्विस चार्ज, लेकिन कंपनी ने हमारे एम्प्लॉय के लिए फिर भी बहुत अच्छा किया। और नीतीश, हमारे एम्प्लॉय ने भी, जितने भी लोग हैं, चाहे वो रूमा है, चाहे शकील है, चाहे रोहित रमेश है, ये रमेश है यहाँ से हैदराबाद से, चाहे मोहन है, बॉम्बे से अशोक है, अशोक है, सभी लोग, इन लोगों ने भी सर कंपनी का बहुत भरपूर साथ दिया। इस चीज के लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी कंपनी के साथ, जिस तरह कंपनी के साथ खड़ी हुई है, ये भी कंपनी के साथ एकदम कंधे से कंधा लगा के खड़े हुए हैं। और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप अपना धैर्य रखिए, जिस तरह अभी तक आपने 3 महीने में रहा है, कंपनी बिल्कुल आपके साथ खड़ी है, हर चीज में खड़ी हुई है। और इस चीज का प्रमाण मैं विशाल और शकील को दे सकता हूँ, कि शकील के पास कुछ परेशानी आई अभी, और बेहतर शकील बता पाएगा आपको कि हाँ कंपनी उसके साथ थी या नहीं थी। शकील, शायद जो मैं बोल रहा हूँ तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस बारे में। पहले तो मैं सर शुक्रगुजार हूँ आपका, आपका पूरा हमारा मन एमडी साहब का, और अपना टॉपर लेवल पे जो मैनेजमेंट है सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूँ कि मैंने जब इस कंपनी को ज्वाइन किया था उसके बाद अभी तक भी, अब मैं अपने पूरे ईमानदारी से और पूरा हौसला आवाज से अच्छे से काम करने की कोशिश किया, चाहे जो भी फील्ड में मेरे को काम दिया गया। लेकिन सही में बताऊं, आज जो मीटिंग चला है और एक दूसरे से समझने की एक बात चला, मैं आपको एक बात करने के लिए कोशिश करना चाह रहा था लेकिन आप बताया नहीं। कुछ दिन पहले सर, मैं सही में बोल रहा हूँ, मैं कुछ थोड़ा सा डिप्रेशन में जा रहा था, तो इस हालत में, क्योंकि अभी मेरा फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में आपको थोड़ा सा मालूम है, क्योंकि मैं काफी चीज आप लोगों से शेयर कर चुका था, और हाल फिलहाल में जो कंडीशन था, मेरा बहन का शादी मैंने दिया था, और कुछ ऐसा हालत बन गया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया काम में जाते वक्त, तो मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में इसलिए आ गया था, काफी सारा EMI था मेरे ऊपर। लेकिन मैं जब जब कुछ भी मुसीबत में पड़ा, सबसे पहले आके मेरा कंपनी मेरे को हेल्प किया, और उस चीज को सबसे अच्छा चीज ये लगा कि टॉपर मैनेजमेंट में जो भी है, जैन सर है, विशाखा मैडम है, अपना MD और VP सब तो है ही है, सबने मेरा ख्याल रखा इसी टाइम पे, और जैसे इनको इन्फॉर्म किया गया है, हर वक्त हर एक दो दिन छोड़ छोड़ के हमेशा ख्याल रखा गया मेरा, और कुछ ऐसे मेंटली मोरल सपोर्ट हमको दिया, कि सबसे बड़ा सपोर्ट ये होता है कि मेंटली मोरल सपोर्ट, जिसके वजह आज मैं शायद इस डिप्रेशन से भी निकल पाया हूँ, अपने आप को उभर पाया हूँ। जो सर अभी गौरव सर और जो नितेश सर हम लोग को क्लास लिया है, उन्होंने जो पॉइंट बताया है, उस पॉइंट में मैं भी था। इस डिप्रेशन में मैं थोड़ा थोड़ा, मतलब घर में बैठे हुए और इस हालत पे मैं अपने आप में खोया जा रहा था, लेकिन मैं, मेरे को ये इस चीज का खुशी रहता है कि शायद मैं अपने छोटी सी जिंदगी में अभी तक बहुत बड़ा, बहुत छोटा मीडियम कंपनी से मैं काम कर चुका हूँ 14-15 साल में, लेकिन ये पहली कंपनी है जो, जिसके साथ काम करने में इतना मजा और इतना खुशी मेरे को आया है कि चाहे जैसे भी सिचुएशन है, चाहे जैसे भी हम लोग सिचुएशन के गुजर रहे हैं, लेकिन कभी साथ नहीं छोड़ा है, और ना हम भी अपने कंपनी का साथ कभी छोड़ने वाले हैं, और ना कभी भी छोटा मोटा चीज लेके ऐसे मेरा दिल में ख्याल आया कि नहीं कंपनी को छोड़ना है, या कंपनी कैसा है, या ऐसे मेरे साथ हो रहा है। तो सबसे मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि एक जो फैमिली, एक टीम इस कंपनी में आके जो महसूस हुआ है, इससे भी बड़ा कंपनी में मैं काम कर चुका हूँ, बहुत जगह में काम कर चुका हूँ छोटी सी उम्र में, लेकिन इस तरीके से सपोर्ट और इस तरीके से एक फैमिली में, सबसे बड़ा बात है। हम लोग तो बहुत सारे कंपनी में काम कर चुके हैं, जो बात नितेश सर ने बताया है कि अपने MD के साथ कभी भी इंट्रोडक्शन हम लोग का हुआ नहीं, कभी बात हुआ नहीं, यहाँ तक बहुत सारे कंपनी में 6 साल काम कर चुका हूँ, लेकिन कभी देखा नहीं, ना अपना VP से, ना टॉपर में, मैनेजमेंट में जो टॉपर है उनसे कभी हम लोग डायरेक्टली बात नहीं कर पाए, ना जान पाए। लेकिन इस कंपनी में एक चीज है
एक छोटी छोटी बात अगर आपको लगता है कि आप शेयर कर सकते हो अपने एमडी के साथ, अपने वीपी के साथ, जो जो एक अपने आप में एक मिसाल है सर। जिंदगी में पैसा, सैलरी, और हम काम करेंगे तो हमको सैलरी आएगा, उस सैलरी से मेरा परिवार चलेगा, ये तो बड़ी बात है, ये तो जरूरत है, लेकिन उसके बाहर में भी एक जिंदगी है, एक चीज है जो आपको मोरल सपोर्ट और उस खुशी, उस कंफर्ट को आपको देता है, जो कंफर्ट से आप और अच्छे से रह सकते हो। ये कंफर्ट अपने कंपनी में मैं भी है। ठीक है शकील, थैंक यू। तो इसी तरह मैं बाकी लोगों को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग चिंता ना करें, समय बहुत। मेरी आवाज सबको आ रही है? जी जी सर, आ रही है। समय बहुत डिफिकल्ट है सभी के लिए। ये जो कोने वाला लड़का है, हमारा देश है चाहे बाहर है, संतराम के जो बराबर में है, ये वो लड़का है नंदलाल। देखिए इसके इसके देखिए शरीर से देखिए, संतराम कमजोर है, इस हिसाब से संतराम अब तक दुनिया में नहीं होता, लेकिन सेहतमंद लड़का चला गया, देख रहे हो, ये कोने वाला लड़का। नीतीश जी। जी सर, नीतीश जी, ये आप इस पे थोड़ा सा माउस रखिएगा। हाँ जी, लड़के पे इसको जूम करके इनको दिखाइएगा, कोने वाले लड़के को। सर बिल्कुल फोन जूम कीजिए, देखिए सबसे कोने में बैठा हुआ है ये ये। हाँ हाँ, जो सबसे पहला है, नहीं नहीं वो नहीं, इधर इधर यहाँ से सबसे ये हाँ, ये लड़का जयपुर से है, नंदलाल नाम है इसका, और बहुत अच्छा लड़का था। और जब भी श्याम जी जयपुर जाते थे तो एक जगह होती थी जो ये वहां पर हमेशा खड़ा मिलता था श्याम जी को। मुझे इसका पर्सनली बहुत दुख है सर, क्या बोल सकते हैं। आप सब लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग नंदलाल के लिए खड़े होकर दो एक मिनट के लिए मौन रख सकते हैं हम लोग। बिल्कुल, और जो लोग बैठ सकते हैं तो प्लीज वो बैठे रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने बैठ के भी अपने मौन रख सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं, प्लीज अपनी सीट को पे विराजमान हो जाइए। तो महेश जी, थोड़ा सा मैं एक इन्हें कुछ चीजों को कन्वे करना चाहता हूं, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, फिर उसके बाद हम आखिरी चंद मिनट लेंगे और फिर उसके बाद इस पूरी कन्वर्सेशन को विराम देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, मैं मानता हूँ कि क्या नाम है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी ऐसी, गौरव आई रिक्वेस्ट की सर जिनका किसी का भी माइक ऑफ नहीं है प्लीज ऑफ कर दें। सो मैं ऐसा मानता हूं कि कई चीजें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं, कई चीजें हैं ऐसी जो डिस्कस करी जा सकती हैं, ओपन प्लेटफॉर्म पे हम डिस्कस कर सकते हैं जो आज हमने किया। बट मैं आपको एक दावा देना चाहता हूं, आज आपको एक प्रॉमिस करना चाहता हूं। महेश जी, मैं ये प्रॉमिस अपनी तरफ से कर रहा हूं, और ये कोशिश आप कोशिश कीजिएगा कि ये हो सके, मतलब हम कोशिश करेंगे, आपकी टीम मिलके, मैं मिलके, हमारी टीम मिलके, गौरव मिलके, हम कोशिश कर सके कि इन सभी के लिए एक अच्छा सेमिनार ऑर्गेनाइज हो और ये सारे हमारे साथ हों, बिल्कुल, चाहे वो एक साल बाद हो। नीतीश, मेरा बहुत मतलब अभी प्लान था, अगर ये सब नहीं होता तो इनको बहुत अच्छे से एक ट्रेनिंग का प्लान था मेरा, यहाँ दिल्ली बुला के सभी को। Right. ठीक है, क्योंकि हम जिस रफ्तार से चल रहे थे, शकील और रोहित बिट्टू ने तो बहुत स्टोर खोले हैं, शकील तो बहुत शहरों में जाता था, हर महीने हमारा 10 से 15 स्टोर ओपन होते थे और हम बहुत तेजी से चल रहे थे। हम करीबन 5 करोड़ की बिलिंग करने वाले थे दिसंबर तक, जो अभी हमारी एक करोड़ 21 लाख पर आके रुक गई है। ठीक है, तो ये जैसे चीजें ठीक होंगी ना दोबारा, तो फिर एक बार सबको ये सारी चीजें की जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
उस दिन आप सारे होंगे और मैं होऊंगा आप लोगों के साथ, महेश जी होंगे, श्याम जी होंगे, जैन साहब होंगे, सारी टीम होगी, हमारे जो एचओ की टीम है सर वो भी होगी, आप लोग भी होंगे, और हम एक अच्छे होटल के अंदर आप लोगों के साथ पूरा सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे और इतना मजा करेंगे, इतना मजा करेंगे कि आप कहेंगे कि सर के बेस्ट दिन है आज का। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये आज नहीं तो कम से कम आप एक साल के अंदर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इतना अच्छा सेशन होगा वो। टाइम सर डिसाइड कर लेंगे, टाइम शाम जी डिसाइड कर लेंगे, जैन साहब डिसाइड कर लेंगे, जिस किसी को भी क्या नाम है मैसेज पहुंचाना होगा हम कैसे ना कैसे मैसेज पहुंचाएंगे, कोई भी दुनिया के कहीं भी कोने में होगा हम उसको यहाँ पे बुलाएंगे, लेकिन वो सेशन ऐसा जाएगा वाकई में आपको लगेगा कि आप अपने आप अंदर से जिंदा हो चुके हैं, और ये होगा जरूर, देखना, मैं आपको विश्वास दिलवाता हूँ, ये महेश जी ने भी बोल दिया। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, और आहिस्ता आहिस्ता चीज मई, ये जो जून है, जून में कुछ चीजें थोड़ी सी ऊपर को चली हैं हल्की रफ्तार से, तो चीजें आने वाले टाइम में आगे को सुधार होगा डेफिनेटली। अच्छा मैं चाहूंगा कि बस जब तक अपने आप को सेफ रखें, सेफ रखें, बिल्कुल, कंपनी के अंदर एक एक इंसान की वैल्यू है, आप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप नहीं है, आप नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, रामपाल जी, यासिर जी, आप नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, सभी तो है इधर, सामाजिक के क्यों नहीं लिया हम लोग? शमा का एक्चुअली डिस्प्ले आज खराब हो गया। अच्छा अच्छा, मैं वही सोच रहा था कि विशा का मैम है तो शमा भी होना चाहिए। शमा का डिस्प्ले खराब हो गया, ठीक है, उनको आना था। हाँ जी जी, हाँ जी, अच्छा मैं चाहूंगा कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कुछ जो चाहते हैं कि वो डिस्कस करें, तो प्लीज एक एक करके कुछ हाथ उठा ले, मैं आपका माइक अनम्यूट करवा दूंगा और प्लीज आप पूछ सकते हैं। अगर कोई भी आपका नितेश, एक बार ऑडियंस को हम अगर ये एक्सप्लेन कर पाएंगे जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक पे कर सकते हैं सर, अगर आप कुछ भी आपके दिल में हो बोल लो, कुछ भी जो आपके दिल में हो, जो आप बोलना चाहते हो बोलो। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन कंपनी के बारे में भी हो सकता है, आपके अपने काम के बारे में भी हो सकता है, जो हमने बातें कही हैं, नितेश ने और मैंने बातें कही हैं, उनके बारे में भी हो सकता है, आप सीधे सर से भी सवाल कर सकते हैं, नितेश से भी कर सकते हैं, हाथ खड़े कर हाथ। अच्छा क्या नाम है, मैं तो सच बताऊं अगर जितना महेश जी, जितना श्याम जी और जितना क्या नाम है हमारे जैन साहब जो है वो जानते हैं, उतना मैं नहीं जानता सीरियसली में, लेकिन अगर आपको कुछ भी पूछना है एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए, माइक अनम्यूट हो जाएगा, और अपना सवाल जरूर पूछिए। देखिए किसी भी कन्वर्सेशन में अगर आप लोग हैं और आप बातचीत नहीं करेंगे तो फिर लगेगा कि कन्वर्सेशन अधूरी है। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज हाथ खड़ा करें, किसी का भी एनी क्वेश्चन। कोई नहीं, यासिर मलिक, यासिर मलिक, यासिर मलिक, यासिर जी, यासिर जी, गौरव प्लीज माइक अनम्यूट कर दो यासिर जी का। अनम्यूटेड सर, गुड इवनिंग टू ऑल। सर मैं थोड़ी देर पहले तो ये सोचता था कि मतलब कंपनी सर से मेरी बात नहीं होती थी, मैक्सिमम मेरी बात सिर्फ शाम सर से ही हुई है, तो महेश सर से तो मैं शायद आज पहली बार ही मतलब बात हो रही है। तो मतलब एक टाइम ऐसा आया था जब मैं सोच रहा था नहीं कंपनी, मतलब मैक्सिमम मैंने कंपनी देखी है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एरिक्सन कंपनी में मैं काम कर चुका हूँ, फिर फ्रंटलाइन में कर चुका हूँ, तो एवर क्लीन में भी कर चुका हूँ, बट पेट्रोटम में आके मुझे ऐसा मतलब अब लग रहा है कि मतलब इस कंपनी जैसा कोई और नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आज मैं महेश सर सामने हैं तो मैं इसलिए इनको कह रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इन फ्यूचर कभी भी अगर सर को लगता है कि कंपनी में मतलब की जिंदगी में आते हैं, हमारी लाइफ में भी आते हैं, तो कंपनी है तो कंपनी में भी आते हैं, तो मैं ये सिर्फ यही चीज सर से बोलूंगा कि अगर कल को कुछ भी अगर हो हम सर के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। बहुत अच्छा लगा आपने जो अपने ये जो शब्द जो है, ये अनमोल जो वर्ड्स हैं ये हमसे शेयर किए, और थैंक यू यासिर, थैंक यू श्याम जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपको, और काफी अच्छा लगता है। देखिए मैं मानता हूँ संजय काठोर से कुछ बात करना चाहूंगा। संजय जी, संजय बात, संजय किधर हो? हाँ ये सामने, संजय जी का माइक अनम्यूट है। यस जी, संजय जी बोलिए।
सर संजय सर तो डिफिकल्ट टाइम सर लास्ट थ्री मंथ हेलो पिछले तीन महीने बहुत डिफिकल्ट रहे संजय हाँ सर प्रॉब्लम तो सर अभी सब ठीक है ना हाँ सर ठीक है कुछ चाहते हैं आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं बात करना चाहते हैं कुछ अपने मन की नहीं सर कुछ ऐसा नहीं अभी यहाँ पे तो जी जी अगर कुछ भी है तो आप बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है देखिए आपके परिवार वाले ही हैं एक तरीके से हम भी आपके अपने ही हैं प्लीज अगर कुछ भी है तो हाँ सर कुछ अभी साइट पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जो जितने भी साइट चालू हो गई है नए दो चालू हो गई है जी ठीक है आप खुश हैं हमारे साथ काम करके खुश हैं आप हाँ सर चालू है सर ठीक है थैंक यू मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो हमने जी 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 श्याम जी बोलिए मैं रमेश से बात करना चाहूंगा हैदराबाद रमेश जी हैदराबाद क्या रमेश मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं गौरव अगर रमेश जी को आप देख पा रहे हैं तो अनम्यूट करना पड़ेगा अल्लूरी रमेश जी हाँ हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ मैं ढूंढ रहा हूँ सामने है हमारे ढूंढने का रमेश जी तो इतने स्टिल बैठे हैं रुके हुए बैठे हैं ऐसा लग रहा है कि बस वो पोज मार के घूम चुके हैं रमेश रमेश के पास भाई साहब कभी चलना है हैदराबादी बिरयानी खाएंगे खाएंगे रमेश मैं रमेश जी को अनम्यूट कर रहा हूँ बट उनके एंड से वो खुद अनम्यूट करेंगे तो वो बात कर पाएंगे सर मैं कर चुका हूँ नेक्स्ट अशोक अच्छा रमेश है या फोटो लगी हुई है मुझे तो ऐसा लगा हुआ है सर ये फोटो लगी छोड़ गए सर मुझे तो लग रहा था बहुत देर से सुन रहे हैं नितेश अभी अलूरी रमेश जो है हमारे वो सुनते सुनते सुन हो चुके हैं ये फोटो लगा के वो जा चुके हैं बात करते हैं श्याम जी आपने एक और नाम अभी लिया था एक बार वो बता दीजिए श्याम जी ठीक है सर कंटिन्यू कीजिए ठीक है सर हाँ तो मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे कहाँ चले गए वो अभी सर तो थे जिनसे हम बात कर रहे थे इससे पहले संजय जी पुना से हाँ स्क्रीन सर क्या ना बहुत सारी विंडोज आ रही है ना तो सबका कंफ्यूजन हो जाता है कोई नहीं लेकिन संजय जी मतलब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और जितने भी बैठे ना यहाँ पे वो विश्वास यही है कि क्या ना मैं एक मीटिंग सबको बुला के अच्छे होटल के अंदर होगी और आपका इतना एंटरटेनमेंट होगा आप कहेंगे कि बेस्ट नाइट है हमारी जिंदगी की बेस्ट डे है हमारा और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ ये होगा और ये पक्का होगा तब तक आप जितने भी लोग हैं पहले सेफ रहिए अपने आप को एक थोड़ा सा मोटिवेट करते रहिए अपने आप को थोड़ा अच्छा फील कराइए और फिर क्या नाम है आगे बढ़ के डट के काम करते रहिए तो महेश जी मैं चाहूंगा कि इसको कंक्लूड करा जाए सर जी गौरव जी मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को कंक्लूड करें बस मैं जो हमारे सीनियर्स हैं अभी यहाँ पर महेश सर सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे पास अभी कितना टाइम है अगर आप मुझे बता पाए तो सर माइक ऑफ है माइक टाइम तो सारा ही अपना है पूरी रात अपनी है कोई दिक्कत नहीं है पर बाकी जो मुझे लगता है कुछ लोग जैसे काफी देर से हैं उनका एक बार ध्यान दिया जाए चलिए सर एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाना चाहूंगा यहाँ पर हाँ हाँ आज आपने कोई एक्टिविटी नहीं कराई सर मैं तो तैयार हूँ अपनी तरफ से बिल्कुल पर क्या कहते हैं कि कभी कभी समय की ऐसी सीमा आ जाती है हमारे सामने कि उस चीज को हम कंटिन्यू कर नहीं पाते हैं आप देखें हमने स्टार्ट किया था 5 बजे अच्छा, और... नहीं मैं एक ये चाहूंगा कि आप जो है हमारा जो एक लखनऊ से चंद्रमणि तिवारी साहब है इनकी मूंछों के लिए कुछ कहा जाए चंद्रमणि तिवारी जी हाँ लखनऊ से है ये बहुत अच्छे आदमी है सर बहुत अच्छे तो है बहुत अच्छे आदमी की इतनी अच्छी मूंछें हो सकती है हाँ इनके लिए कुछ इनके मूंछों के लिए दो शब्द कहे जाए सर मूंछ के बारे में कहने चाहूंगा मूंछ नहीं तो कुछ नहीं और ये भी ऐसा है मूंछे हो तो हमारे चंदन जी जैसी हो हाँ चंदमणि तिवारी जैसी मूंछे हो तो चंदमणि तिवारी जैसी बाकी तो और, हो ही ना और एक बात और मैं कहूंगा बिल्कुल हमारे एक फीमेल स्टाफ है नाम नहीं लूंगा नहीं तो यासीर फिर उनसे बार बार बात करने लगेंगे बोले सबसे प्यारा लड़का ये लगता है मेरे को
यासीर, मतलब यासीर कश्मीर से हैं, जम्मू से हैं। अरे वाह, तो जम्मू जम्मू कश्मीर में तो वैसे ही सुंदर होते हैं सब। तो जी वो जी। फीमेल स्टाफ है, बोले कि नहीं ये बहुत सर, ये ऐसा फोटो में लगता है, है। मैंने एक बार जाके मिलना असली में भी बहुत शानदार यासर मलिक लग रहे हैं। हाँ। तो मैंने कहा था कि मुझे 2 मिनट तकरीबन मुझे चाहिए थे यहाँ पर, छोटी सी सुनाना चाहता था सर। और ये छोटी सी स्टोरी मेरी खुद की लाइफ से ही है। जैसे कि नितेश ने बात की थी कि अगर कोई भी समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो मेरे पास आए, नितेश के पास जाएं, कि गौरव को कॉल करें, कि जो हमारे सीनियर स्टाफ मेंबर्स हैं उनके पास कॉल करें। तो ये छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि जब आप कहीं सीधे रास्ते पर हैं तो डगमगाएं नहीं। एक छोटी सी स्टोरी है कुछ इस तरीके से। मुझे बहुत ज्यादा शौक था एक टाइम पर क्रिकेट मैच का। सो भारत की जो टीम थी इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए गई हुई थी, और इंडिया न्यूजीलैंड की जो सीरीज के लिए छोटा सा ट्रांजिस्टर, छोटा सा रेडियो, पॉकेट रेडियो जिसे बोलते थे, वो मैंने अपने पापा से लिया और अपने साथ में लेकर मैं गया। और मुझे प्रेरित किया मेरे एक दोस्त ने कि तू रेडियो लेके आ, कोई दिक्कत होगी तो मैं देख लूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे लगा कि चलो मेरा दोस्त कह रहा है मैं देख लूंगा तो आराम से, कोई परेशानी आएगी नहीं। वो सीरीज आराम से कट गई पॉकेट रेडियो से, किसी को पता नहीं चला, कोई दिक्कत हुई नहीं। उसके बाद बात आई जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज की, सौरभ गांगुली कैप्टन थे और जहीर खान को बाद में भेजा गया था वहां पर उस दौरे पर। तो जहीर खान और युवराज सिंह को बाद में भेजा गया था उस दौरे पर जब इंजरी हुई थी टीम में किसी की। तो अब क्या हुआ कि मेरे पास वो छोटा पॉकेट रेडियो नहीं था, वो पापा के पास चला गया पॉकेट रेडियो, मेरे पास था बड़ा ट्रांजिस्टर। मैंने अपने उस दोस्त को बताया कि भैया ऐसा है कि हमारे पास में वो छोटा वाला रेडियो तो है नहीं, बड़ा रेडियो है। तो उसने कहा कि तू लेके आ, मैं देख लूंगा। तो मैं वो रेडियो लेके गया, रेडियो पे मैच सुना, और क्लास में किसी ने बता दिया टीचर को जाके कि ये रेडियो लेकर आए हैं और मैच सुन रहे हैं क्लास में। अब वो बात पूरी हुई, टीचर को पता लगा, रेडियो जब्त हुआ, मेरी पिटाई हुई वो अलग। उसके बाद में प्रिंसिपल के रूम में मुझे बुलाया गया, मेरे पापा को बुलाया गया और मुझसे पूछा गया कि आपने वो रेडियो क्यों लेकर आए स्कूल में, जबकि ये जायज नहीं है, एक गलत चीज है कि आप पढ़ने की बजाय आप रेडियो लेकर आ रहे हैं, इससे बाकी लोगों को, बच्चों पर भी गलत असर पड़ेगा। तो मैंने कहा कि आचार्य जी मुझे तो ये जो भैया हैं इन्होंने कहा था कि तुम रेडियो लेकर आ जाना और बाकी मैं देख लूंगा। मैं आपको ये वाली बात इसलिए बता रहा हूँ, प्रिंसिपल जो थे बताना चाह रहे मेरे, उन्होंने कहा कि गौरव आप मुझे बताओ कि क्या इस समय पर आपके और आपके पापा के अलावा और मेरे अलावा क्या वो लड़का है जो कह रहा था कि मैं देख लूंगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुश्किल का समय है, आपके दोस्त ऐसे होंगे, कुछ ऐसे हो सकते हैं, आपके कुछ एम्प्लॉयज कलीग्स ऐसे हो सकते हैं जो कहेंगे कि यार तू ये जो जॉब तू कर रहा है ना, ये जॉब छोड़ दे, मैं तुझे इससे अच्छी जॉब दिला दूंगा। तो दोस्तों यकीन मत करना, मार्केट में स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जॉब्स जा रही हैं। नितेश ने बहुत एक अच्छी स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को बताई है। तो किसी दोस्त के कहने में मत आना कि मैं देख लूंगा या मैं जॉब दिलवा दूंगा। एक बार आपने इस जॉब पर मेहनत करनी कम की और अगर खुदा ना खास्ता आपकी जो जॉब है वो खतरे में पड़ गई, तो आपकी जॉब को देखने वाला कोई इंसान वो दोस्त नहीं होगा, आप खुद अपने मालिक होंगे। याद रखिए, अपने काम में, अपने इस जॉब में भरपूर मेहनत कीजिए, अपनी टीम को करके दिखाइए कि आप किस तरीके से अपने टारगेट्स को बीट कर सकते हैं, अपने टारगेट से ऊपर का काम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आ सकते हैं, और उसके बाद तो आपकी ये जो कंपनी है वो देख लेगी। ये मैं आपको बात कहना चाहूंगा कि आपकी कंपनी, आपके ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स और रिकग्निशन आने वाले समय में देने वाली है। ये जो मुश्किल समय आया है, ये जो एक ऐसी परिस्थिति आई है एक आंधी तूफान वाली, यहाँ पर अपने कप्तान के साथ में डटे रहिए, और उसके बाद में जो कप्तान साहब हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सीनियर्स हैं हमारे, सीनियर मैनेजमेंट है, वो अच्छे से देख लेगी और आप लोगों को बहुत अच्छे से रिवॉर्ड करेगी। शायद हो सकता है उस टाइम पर अगर महेश जी होते तो महेश जी कहते गौरव बेटा आज तो छुट्टी कर ले, आज हम मैच देखेंगे। बट समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाह रहा हूँ कि आज के समय में परिस्थितिवश अपनी इस जॉब में मेहनत कम मत कीजिए, अपनी मेहनत को बढ़ाइए, अपने इस परिवार के साथ बने रहिए, जुटे रहिए। ये परिवार आपके लिए आने वाले समय में बहुत अच्छा करने वाला है, इसके लिए तैयार रहिए।
ओवर टू नितेश। और ये लोग जो ये जो लोग हैं ना जो बहकाने वाले, ये जॉब में ही नहीं, ये नौकरी में नहीं, ये जीवन में भी मिलते हैं। तो सही बात, बहकाने वाले लोग से नौकरी के अंदर ही नहीं जीवन के अंदर भी सतर्क रहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात। तो एक छोटी सी लाइन मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये क्या नाम है, बहुत अच्छी कविता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये बात आप जरूर ध्यान रखें कि क्या नाम है, आप कोशिश करते रहिए, जिंदगी में विपरीत परिस्थितियां बहुत आएंगी, जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, जिंदगी में बहुत बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा हम कर नहीं सकते, तो ध्यान रखना वही मोमेंट है जब आप सोचेंगे आप कर नहीं सकते, तो तभी हो सकता है और आप कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मैं एक बार सभी का नाम लेना चाहूंगा दोबारा से, शकील जी, अजीत जी, मोहन राव जी, अलूरी जी, हमारे प्रभात जी, महेश जी, रूप सिंह जी, रामपाल सिंह जी, अशोक जी और चंद्रमणि जी, बिट्टू जी, रुपेश जी, यासिर मलिक जी एंड संतराम जी, रोहित जी, संजय जी, जयशंकर जी और जितने श्याम जी, शशि जी और प्रदीप जी और पूरनमल जी, जितने लोगों का मैं चंद्रमणि, प्रभात सिंह झाला, हाँ चंद्रमणि जी, प्रभात सिंह झाला जी, सर कुछ लोग चले गए हैं यहाँ से तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ थोड़ा। मुझे तो अभी भी रमेश अलोरी का नहीं पता लग रहा कि ये है कहाँ। हाँ। ये है पोस मार रहे हैं सर, पोस मार रहे हैं, इज मेकिंग पोज ओनली। एंड अगर आपको अलूरी जी नहीं, अलूरी जी अगर आपको नहीं दिख रहे, अलूरी जी अगर आपको नहीं दिख रहे, पॉसिबल ऐसे कैसे पॉसिबल है सर, ये तो हम भी हैरान है। ये रुक के, ये इनकी पिक्चर है, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या नाम है, अगर अलूरी जी को आपको देखना है तो अगर नहीं दिख रहे तो स्वाइप करके देखो दो तीन बारी, आपको बेस्ट ऑनलाइन स्टूडेंट सर। चलो भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। सर सर एक लास्ट बात हमको कहनी थी। हाँ शकील, बोलो बोलो सर। ऐसे मोटिवेशनल क्लास कम से कम चलते रहना चाहिए, कम से कम दो महीने, महीने में एक बार या महीने दो महीना पॉसिबल हो तो सबको ऐसे कनेक्टेड करके बिल्कुल पावर बूस्ट मिलना चाहिए, ताकि इसी टाइम पे हम लोग मेंटली जो अनफिट और मेंटली जो थोड़ा स्ट्रेस्ड में रहते हैं। आज मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब क्या बोले कि मतलब लग रहा है कि 100 साल फिर से जी लिया। अरे क्या बात करेंगे इसको, थैंक यू सर, करते रहेंगे शकील इसको। ठीक है ओके सब लोग, धन्यवाद आप सभी का, बहुत-बहुत धन्यवाद, अच्छे से आदाब सत श्री अकाल, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से वो किया, थैंक यू सर। थैंक यू सर।